What's up guys, my name is Vinod Bahadur Thapa और आप देख रहे हो Complete HTML and CSS in 2020 in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों को मैं ये गारंटी देना चाहूंगा कि आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स इन हिंदी, ये यूट्यूब में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं कंप्लीट HTML एंड CSS को एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाला हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इस वीडियो को और स्पेशल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया 20 मिनट चैलेंज, जहां पे हम ये देखेंगे कि वंस HTML एंड CSS कंप्लीट हो जाता है देन क्या, देन उसके बाद 20 मिनट चैलेंज होगा जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अभी आपने पढ़ा HTML एंड CSS उसकी मदद से आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते, ठीक है। उस वेबसाइट में हम देखेंगे लोगो कैसे बनाना है, वेबसाइट के बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे एडिट कर सकते हो, गूगल फॉन्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हो, एंड बहुत कुछ देखने मिलेगा सिर्फ आज इस एक वीडियो में। ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो मैं अब आपको इस वीडियो का फ्लो बताने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट HTML। जी हां गाइस, तो सबसे पहले हम कंप्लीट HTML देखेंगे, एंड वंस HTML कंप्लीट हो जाता है देन हम कंप्लीट CSS कवर करेंगे, ठीक है। एंड वंस CSS भी कंप्लीट हो जाता है, नाउ HTML कंप्लीट हो गया, CSS कंप्लीट हो गया, इन दोनों की मदद से हम बनाएंगे एक वेबसाइट जो मैं आपको 20 मिनट के अंदर करके दिखाऊंगा। एंड गाइस, इस वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं, एंड आज हम देखने वाले कंप्लीट HTML एंड CSS इन वन वीडियो इन हिंदी। ऑलराइट गाइस, तो देखिए, लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले, हम देखेंगे कंप्लीट HTML इन वन वीडियो। ऑलराइट, तो देखिए गाइस, HTML के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम कंप्लीट HTML में क्या क्या देखने वाले। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज HTML, देन हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, वी हैव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, कमेंट्स, लिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट, एंड लास्ट वी हैव HTML फॉर्म्स, एंड देन गाइस हम लास्ट में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS। एक बार हमारा ये HTML जैसे कंप्लीट हो जाता है, एंड देन हम कंप्लीट CSS देखेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले व्हाट इज HTML। सो गाइस, क्या होता है HTML? देखिए, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आज के टाइम में गाइस, अगर आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है या वेबसाइट क्रिएट करना है, तो सबसे जो मिनिमम कम से कम रिक्वायरमेंट है ना, वो आपका HTML है, सेकंड आपका CSS है, थर्ड वन इज JavaScript, ठीक है। तो HTML एंड CSS इज द कोर फंडामेंटल, होना ही चाहिए, मस्ट है ये एकदम, ठीक है। एंड देन अब बहुत लोग पूछते हैं व्हाट इज HTML, हमने ये बता दिया, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो गाइस, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सिंपल से आपको याद रखना है, ये एक मार्क्स के लिए हर बार आता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सिंपल। और देखिए गाइस, क्या HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, आपका जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। देन HTML जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टैग्स। गाइस एक चीज बताते, तो डेट एलिमेंट्स और ये जो टैग्स है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि HTML में एलिमेंट्स क्या है और ये टैग क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंसेस मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। ऑलराइट, एंड लास्ट वन इज HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। आप जो भी ऐड कर रहे हो थ्रू HTML, तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है, ये ब्राउजर को भी कौन बताता है, आपका HTML बताता है। दिस इज इट गाइस, हम सिर्फ HTML का इतना सा ही देखने वाले हमारे पीपीटी में। नेक्स्ट मैं आपको सब के सब हमारे कोड एडिटर पे बताता हूं। एंड गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वो ये कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ा सा भी पसंद आया ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सारे नेटवर्किंग साइट्स पे। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे डेली ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हो कि HTML के कोड को लिखने के लिए मैंने एक एडिटर डाउनलोड किया, जिसका नाम है Sublime टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। आप अगर आप ऑनलाइन जाओगे, तो ये जो लिंक दिखाई दे रहा है Sublime टेक्स्ट का, अगर मैं बैक करता हूं, सिंपली आपको Sublime टेक्स्ट 3 लिख के जो डाउनलोड Sublime टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंड वंस आप इस पर क्लिक करोगे, तो यू हैव OS, यू नो, मैक के लिए, देन विंडोज, एंड देन लिनक्स, एंड विंडोज 64 बिट मोस्टली यही रहता, तो आप इस पर क्लिक कर दो। एंड वंस आप क्लिक करोगे, तो देखो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, एंड वंस आपका डाउनलोड हो जाए, बस आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। एंड एक और चीज ये बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हो कि मेरे, अगर आप यू नो चैनल पे जाओगे थापा टेक्निकल एंड प्लेलिस्ट पे, तो मैंने ऑलरेडी Sublime टेक्स्ट एडिटर के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन या टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए।
तो ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको जाना है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, आप देख सकते हो HTML CSS, बहुत सिंपल सा है ये। ऑलराइट, एंड वंस फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, एंड कभी भी मोस्टली आपको नाम लिखना रहता है इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से मैं इंडेक्स ऑलरेडी मैंने रखा, तो इंडेक्स वन डॉट HTML फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ, बट आपको रखना सिर्फ इंडेक्स डॉट HTML। तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, देखिए, लेकिन वो बताने से पहले अभी जस्ट मैंने जो ये फाइल क्रिएट किया दैट इज इंडेक्स वन डॉट HTML, आपने एक चीज नोटिस किया, जब भी आप HTML फाइल पे काम करोगे आपका जो एक्सटेंशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए गाइस, एनी फाइल, कोई भी फाइल का नाम आप दो, बट जो लास्ट में आपको लिखना है डॉट HTML, ये HTML होना ही चाहिए, तभी आपका वो HTML फाइल कहलाएगा, एल्स नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना रहता है HTML, में जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे, और आपने इस तरीके से देखो ये लेस देन और ये आप देख सकते हो ग्रेटर देन, आपको ये सिंबल के बीच में आपको इस तरीके से HTML लिखना है, एंड जब भी आप इस तरीके से लिखते हो ना गाइस, आपको उस टैग को क्लोज भी करना है, तो इसको बेसिकली हम टैग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपको इस तरीके से गाइस फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, एंड देन आपको सिंपली वही HTML लिख देना है, तो बेसिकली ये आपका ओपनिंग HTML टैग एंड ये आपका क्लोजिंग HTML टैग, सिंपल इतना, ठीक है। HTML के बाद गाइस आपको वापस लिखना होगा हेड, इस तरीके से हेड को भी मैंने ओपन किया एंड देन क्लोज कर दिया, ठीक है। हेड टैग के अंदर गाइस अब वो सारे कंटेंट लिखोगे ना जो एक्चुअल में आपके वेबसाइट पे दिखाई नहीं देते, बट आपके वेबसाइट के बारे में क्या है, आपका वेबसाइट किसके ऊपर, उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसका जो मेटा डेटा है, वो सब आपके हेड टैग के अंदर आता है। और फिलहाल सिर्फ HTML में वी हैव अ टाइटल, ठीक है। टाइटल में आप जो भी लिखोगे, ठीक है, आप देखो कि HTML हर एक टैग को आप जब ओपन कर रहे हो तो आप उसको क्लोज भी करो बाय यूजिंग अ फॉरवर्ड स्लैश, इस तरीके से, ठीक है। अब ये टाइटल क्या होता है, देखो टाइटल अगर मैं लिख दूं HTML CSS कोर्स, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखता हूं, कंट्रोल एस सेव करता हूं गाइस, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉपी फाइल पाथ करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और इस तरीके से सिर्फ वो फाइल का पाथ को ना इस तरीके से पेस्ट कर देना। तो आप अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो HTML CSS कोर्स, तो ये टॉप पे जो आपको कभी भी दिखाई देता है ना वो आपका टाइटल कहलाता है। ऑलराइट, दिस इज इट। अब देखो, अब हमें क्या करना गाइस, आपको उसके बाद क्या लिखना है, हेड टैग को आपने ओपन किया, क्लोज किया, देन यू हैव टू राइट बॉडी टैग, आपको बॉडी टैग लिखना और बॉडी टैग के अंदर आपके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आपको हेड टैग लिखना है एंड ठीक उसी के नीचे हेड टैग जहां पे क्लोज हो रहा है, यू हैव टू राइट बॉडी टैग। आपका हेड टैग यूज होता है गाइस आपके वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, क्या है क्या नहीं है, और वो आपको वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा, एंड बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो सब आपके वेबसाइट में दिखाई देगा। अब देखो गाइस, अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमने देखा व्हाट इज HTML, HTML को कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर देखा, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज HTML हेडिंग्स। तो HTML हेडिंग्स देखिए गाइस क्या होता है, हेडिंग्स को आपको सिंपली H1, ठीक है, इस तरीके से सेम हुई है, H1 आपने लिखा एंड देन आपने उसको किया क्लोज। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो गाइस, यहां पे सिंपली आप लिख दीजिए, यू नो, इस तरीके से वेलकम टू HTML CSS कोर्स 2020, इस तरीके से आपको लिखना है सिंपल, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ठीक है, अब H1 है हमारे पास, H2 है, देन इस तरीके से आपके पास है H3, उसी तरीके से आपके पास है H4, ठीक है। और आपको नोटिस करना कि जो जब जब मैं ओपन कर रहा हूँ किसी भी टैग को, उसको मैं साथ ही साथ क्लोज भी कर रहा हूँ, एंड देन वी हैव H5 और टोटल आपके पास होते हैं H6 तक, ठीक है। दिस इज इट, इतना है बेसिकली, ये आपके हेडिंग्स, आप जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हो उस पर जो आपको हेडिंग्स दिखाई देते वो आपको H1, H2, H3, 4, 5, 6 के अंदर लिखना है, एंड जितना बड़ा आप, अगर आप H1 लिखोगे तो टेक्स्ट उतना बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप H2, H3 लिखते जाओगे उतना छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं इन सबको पेस्ट कर देता हूँ सेम, ऑलराइट, इस तरीके से पेस्ट किया, कंट्रोल एस सेव करता हूं, एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कि गाइस आपको कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, छोटा छोटा, लास्ट में एकदम छोटा। तो ये है टोटल आपके हेडिंग्स HTML में, टोटल H1 से लेके H6 तक होता है। ऑलराइट, तो हमने हेडिंग्स देख लिया है गाइस, नाउ वी विल सी व्हाट इज HTML पैराग्राफ्स, एंड पैराग्राफ्स भी बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको पैराग्राफ्स यूज करने हैं अपने वेबसाइट पे, तो यू हैव टू राइट पी टैग, आपको इस तरीके से पी टैग का यूज करना है और इसको क्लोज कर देना, दिस इज इट। अब यहाँ पे आप गाइस कुछ भी लिख सकते हो, आप जैसे ये लिखो
तो आप देख सकते हो गाइस मैंने क्या लिखा, आई गारंटी यू दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन एचटीएमएल सीएसएस कोर्स। ठीक है जी हाँ गाइस, ये मैंने सिर्फ लिखा नहीं, मैं आपको यकीन दिला तो ये जो मेरा वीडियो होने वाला है ये यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है एचटीएमएल एंड सीएसएस, क्योंकि मैं आपको डीप में पूरा ए टू जेड बताने वाला हूं। तो इस तरीके से मैंने पैराग्राफ लिखा गाइस, पैराग्राफ इतना ही है। अगर यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हो गाइस आपने जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर पैराग्राफ टैग। ऑलराइट, इतना हुआ गाइस। अब हम क्या करते हैं, सो देखिए गाइस, नाउ वी विल सी एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आप देख सकते हो एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है या एलिमेंट्स, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। वी हैव बी टैग स्ट्रॉन्ग आई ई एम मार्क स्मॉल डेल सब एंड सब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन एक पैराग्राफ टैग लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं ये देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज लिख रहा हूँ, डेट इज माई नेम। ठीक है, इस तरीके से माई नेम इज विनोद बहादुर थापा। ऑल राइट, इस तरीके से मैंने लिखा माई नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, आपने आई थिंक इसको रीड कर लिया होगा। ऑलराइट, एंड रीड नहीं किया तो डोंट वरी, आप इसको पॉज करके कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पेश कर देता हूँ, नाउ माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। इतना हुआ। ठीक है, अब देखो गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें कैसे यूज करना है। सपोज आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगेन इस तरीके से आपको बी टैग यूज करना है। ठीक है, जहां आपको जहां तक चाहिए वहीं तक यूज करें खाली। ठीक है, इस तरीके से मुझे खाली विनोद बहादुर थापा को बोल्ड दिखाना है। बोल्ड मतलब थोड़ा स्ट्रांग, और ये जो स्ट्रांग एंड बोल्ड है बोथ आर सेम। कंट्रोल एस सेव करता हूं, आपको कुछ इस तरीके से देखो अब ये बोल्ड हो गया आपका बेसिकली। ठीक है, ऑलराइट, इतना हुआ। अब उसी तरीके से गाइस आपको ये जो इटैलिक करवाना है, लेट से आपको स्टैक डेवलपर जो लिखा है उसको इटैलिक में दिखवाना है। सो यू हैव टू राइट आई टैग, इस तरीके से आपको यू नो आई टैग यूज करना है और आपको उस आई टैग को क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज इट, इतना। एंड वंस आपने ये किया तो आप देखो कि जूम कर देता हूं तो आप देखोगे आपका ये जो एक सेकेंड फुल स्टैक स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है मैंने सबसे पहले तो, एंड मुझे पूरा फुल स्टैक तक ही करवाना था। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूं। ऑलराइट, और आपको इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड रिफ्रेश कर देता हूं। बूम गाइस, तो आप देख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर। और हाँ, एक और चीज याद रखो कि आप कभी भी अगर एचटीएमएल में वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने सोचा कि यार मैंने तो इतना सारा स्पेस दे दिया, कंट्रोल एस सेव किया, तो इतना याद रखो गाइस स्पेसेस मैटर नहीं करता। आपका खाली वो एक ही स्पेस लेगा, चाहे आप जितना भी स्पेस दो, चाहे जितना भी आप इस तरीके से अंडरलाइन करो, वो एक ही स्पेस मानेगा उसको। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इतना हुआ। ऑलराइट, अब देखो दूसरा मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से अंडरलाइन आपको करना है इसको। एक काम करते हैं, हम इसी को ही अंडरलाइन करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो फुल स्टैक डेवलपर को अगर आपको अंडरलाइन करना, तो यू हैव टू यूज यू टैग। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। तो आप देख सकते हो बेसिकली बहुत सिंपल ही है ये एक प्रकार से, क्योंकि बी से बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन। तो इतना सिंपल अब अंडरलाइन हो गया। ठीक है, अभी लेट से कि आपको ये जो विनोद, इसको आपको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए आपको मार्क कीवर्ड का, आई मीन मार्क टैग का यूज करना पड़ता है। और एक चीज याद रखो कि मैंने बोल्ड जो ये टैग यूज किया, उसके बाद मैंने मार्क टैग को यूज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोल्ड टैग है वो क्लोज होने से पहले आपको आपका ये मार्क टैग को क्लोज करना है। ये एक सिंपल सिंपल रूल से आपको ये सब फॉलो करने होंगे, क्योंकि मैं मार्क टैग को बोल्ड के अंदर यूज कर रहा हूं, तो बोल्ड खत्म होने से पहले, बोल्ड को क्लोज करने से पहले मुझे मार्क टैग को क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड आप देखो कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई देगा। देखा कि मस्त बोल्ड हो गया कि नहीं। ठीक है, ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस, ये आपके थे इतने। अब हाँ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, दैट इज योर, एक काम कर सकते हो आप, नहीं तो मैंने आपको डेल नहीं दिखाया, तो अब डेल में बता देता हूँ सिंपल सा डेल क्या करता है। देखो डेल एंड स्ट्राइक ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, इस तरीके से जाओ और डेल लिख दो, डेल को क्लोज करना है। तो डेल बेसिकली डिलीट नहीं करेगा, बट आप देखो क्या करता है, देखा आपने क्या किया। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आप लिख रहे होते पेपर एंड आपको लगता है नहीं यार ये तो रॉन्ग हो गया, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो तो आप उसको इरेज कर देते, बट पेन से हम क्या करते हैं डायरेक्ट बीच से काट देते हैं ना उसको, इससे हमें पता चलता नहीं इसको रीड नहीं करना है। तो उसी तरीके से गाइस डेल यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा है, उसको खाली स्ट्राइक कर रहा है, मतलब हम उसको खाली बोल रहे नहीं भाई इसको रीड मत करो, सिंपल। ठीक है, मैं अभी फिलहाल डेल नहीं लिखना चाहता, है कि नहीं वो आपको लेकिन पता चल गया क्या कर रहा है डेल। ऑलराइट, इतना हो गया। ठीक है, अब जैसे केमिस्ट्री जब हम पढ़ते तो केमिस्ट्री में वी हैव अ फॉर्मूला, लाइक वाटर का फॉर्मूला पूछते, केमिकल फॉर्मूला, तो दैट इज योर H2O।
लेकिन अगर मैं इस तरीके से H2O लिखता हूं और यहां पे चिपका, तो आप देखोगे गाइस मुझे उस टाइप का H2O नहीं दिख रहा जैसा मुझे चाहिए, राइट। मैं चाहता हूं H उसके नीचे 2 एंड देन O मुझे चाहिए, तो वो कैसे होगा, देखो पैराग्राफ टैग लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे देखो H लिखा मैंने, ऑलराइट। अब यहां पे क्या करना गाइस, ये जो है H 2 नीचे होता है ना, तो आपको लिखना है इस तरीके से सब, ठीक है, एंड देन आपको यूज करना है 2 एंड देन आपको उस सब को क्लोज करना है एंड यू हैव टू राइट O, ऑलराइट, दिस इज इट। आपको इस तरीके से लिखना है एंड बूम गाइस, देखो H2O मिला कि नहीं आपको, आपका ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला सिंपल सा H2O। उसी तरीके से गाइस आपको अगर याद होगा जब हम मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वी हैव H2 या X2 प्लस Y2 स्क्वायर ऐसे कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ उसको अगर मुझे दिखाना हो तो X, ठीक है, X का पावर 2 दिखाना है ना, तो मैं सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सब आपको लिखना है, सब आपको यहाँ पे 2 लिख देता हूँ प्लस Y स्क्वायर ना, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ Y लिखता हूँ एंड देन आपको अगेन यहाँ पे सब यूज करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 2, ठीक है, दिस इज इट। इतना कंट्रोल एस सेव करता हूँ, 3, 2, 1 एंड मूव गाइस, ये देखो। तो आप देख सकते हो गाइस हमें फाइनली हमारा आउटपुट मिल चुका है जो कि है X का पावर 2 प्लस Y का पावर 2। एंड ये जो पावर ऑफ 2 लिखना है ना गाइस बहुत मुश्किल होता है, आप कैसे लिखते, बट बाय यूजिंग अ सब एंड सूप हम ये बहुत इजीली कर पाते। तो बेसिकली सब मतलब आप, सब स्क्रिप्ट एंड सूप मतलब सुपर स्क्रिप्ट, इसका मतलब यही है इसका फुल फॉर्म अभी जस्ट, ऑलराइट। सो गाइस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी विल सी एचटीएमएल स्टाइल्स, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कमेंट्स कैसे करना है एचटीएमएल के अंदर। और ये जो एचटीएमएल स्टाइल्स आपको दिखाई दे रहा है गाइस, बेसिकली ये ना सीएसएस के अंडर आता है, तो आगे जो सीएसएस का कोर्स होगा उसमें मैं कंप्लीट आपको स्टाइल्स प्रॉपर्टी के ऊपर बताने वाला हूं, बट अभी भी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो गाइस अगर आपको थोड़ा बहुत लगे यार ये प्रॉपर्टी में कहां से लिख रहा हूं स्टाइल टैग के अंदर या स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सीएसएस में मैं इसको कंप्लीटली कवर करने वाला हूं एंड आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी हैव दिस कमेंट्स, तो देखिए गाइस, तो सबसे पहले मैं अगेन सबसे ऊपर जाता हूं हमारे हेडिंग्स पे और मैं क्या करता हूं कमेंट करता हूं। देखो गाइस कमेंट करने के लिए अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो तो आपको सबको कॉपी करना है एक साथ एंड यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क, दिस इज इट। अगर आप कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क यूज करते हो, प्रेस करते हो, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक कमेंट हो जाता है, एल्स आप देख सकते हो कि आपको अगर कमेंट करना होता, अगर आपको इंडिविजुअली गाइस कमेंट करना होता तो आपको ये लेस देन आपका एक्सक्लेमेशन देन हाइफन हाइफन इस तरीके से, ठीक है, डैश डैश भी आप बोलो एंड देन अगेन डैश डैश ग्रेटर देन। तो गाइस आप इस तरीके से सिंपली इनको कमेंट आउट कर सकते हो, अभी फिलहाल इसको मुझे नहीं चाहिए। तो एंड वन मोर थिंग, अगर आप सबलाइन अगेन यूज करो और जिसको आपने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है अगेन वहां पे अगर आप कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क प्रेस करते हो, बूम गाइस आप देखो वो अनकमेंट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट है, कंट्रोल की प्लस अगर आप क्वेश्चन मार्क को जो कि शिफ्ट कीवर्ड के लेफ्ट साइड को उसको प्रेस करोगे तो आपका ये कमेंट अनकमेंट कर देते, ठीक है। तो एज इट इज रखा मैंने, कमेंट आपको पता चल गया क्या है, ऑलराइट, सब चलेगा। अभी देखो इसको मुझे स्टाइल करना है तो कैसे, तो यहां पे क्या इस क्या लिखना है आपको स्टाइल इस तरीके से, ये आपका एक एट्रीब्यूट कहलाता है, क्या कहलाता है गाइस, एक एट्रीब्यूट, ठीक है, ऑलराइट। तो ये H1 तो आपका टैग था, ठीक है, एंड देन मैं अगेन आपको बताता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, डेट इज डिफरेंस बिटवीन टैग एंड आपका एलिमेंट्स। टैग मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई टैग लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा H1, तो अगर मैं सिर्फ H1 टैग यूज कर रहा हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग H1 टैग, तो ये आपका टैग है क्योंकि हम बोलते समय भी बोल रहे H1 टैग, लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर आप लिख दोगे हाई व्हाट्सअप, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो व्हाट्सअप, तो गाइस क्या हो जाएगा, आपका H1 टैग तो है बट उसके अंदर आपने कुछ डेटा फिल कर दिया। नाउ अगर आप इस कंप्लीट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहोगे सो यू हैव टू से H1 एलिमेंट, ये अब आपका एक एलिमेंट कहला रहा है, बिकॉज एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इनसाइड द टैग्स, ये टैग है और उसके अंदर अगर आप कुछ फिल कर देते हो, कुछ लिख देते हो, वो आपका एलिमेंट कहलाता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन। एल्स अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपका इस तरीके से H1 है तो ये आपका टैग कहलाएगा, ठीक है, ये सिंपल ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, और ये पूरा का पूरा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। तो बेसिकली अभी फिलहाल आपका ये एक एलिमेंट है, तो यही है डिफरेंस गाइस इन दोनों में, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मुझे इस पे यूज करना है स्टाइल टैग, तो देखो गाइस कैसे होता है स्टाइल टैग, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, हर एक एलिमेंट के पास या टैग के पास अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, तो हमारे पास एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, सिंपल इस तरीके से मैंने लिखा। यहाँ पे लेट्स से गाइस इसका मैं कलर चेंज करना चाहूंगा
और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। एंड ये जो आपको दिखाई दे रही प्रॉपर्टीज गाइस, इसका बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं आगे सीएसएस में ये कंप्लीट बताने वाला हूं, एकाएक बैकग्राउंड साइज, पोजिशन, क्लिप, कलर, रिपीट सब बताने वाला हूं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि स्टाइल करके भी एक एट्रीब्यूट होता है, बस, ठीक है। बस इसमें आपको इतना ही समझना है एचटीएमएल में, क्योंकि ये सीएसएस के पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये कर रहा हूं। वेट, आई नो गाइस आपका भी सेम यही रिएक्शन हुआ होगा, बट आप बिल्कुल मत घबराइए गाइस, ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी, इसको मैंने सीएसएस कोर्स में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी बस आपको ये दिखाने के लिए, एक झलक दिखाने के लिए कि विदाउट सीएसएस एचटीएमएल बहुत अधूरा है, तो अगर आप एचटीएमएल कंप्लीटली कर लेते हो देन आपको सीएसएस करना ही पड़ता है, ठीक है गाइस। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने जस्ट कलर जो एक प्रॉपर्टी है उसकी मैंने वैल्यू ऐड कर दी है, एंड देन बैकग्राउंड कलर जो है उसकी भी मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, और ये जो कलर है इसको हम बोलते हैं हेक्सा कोड। ऑल राइट, और ये कलर कहां से लिया बोलने से गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर मेनी वेज फ्लैट, ठीक है, मतलब बहुत सारे कलर आप सिंपली किसी को भी इस तरीके से कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आप चिपका सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो करने के बहुत तरीके, उसका लिंक मैं इधर टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ये कलर मतलब इस तरीके से कलर पाने का बहुत सारे वेबसाइट है, उसका लिस्ट इधर मैं टॉप पे प्रोवाइड करा दूंगा। ऑल राइट, कंट्रोल है सेव करता होगा इसमें, यहाँ पे जाता हूँ एंड 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, आपको देखो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। अब ये सब के ऊपर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, डेट इज गूगल फॉन्ट्स गाइस। एकदम यू नो एचटीएमएल सीएसएस के अंदर ये नहीं आता, ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं आपको इस पे दिखा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर यू नो गूगल फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, ताकि आप अपने जो वेबसाइट के फॉन्ट्स उसको थोड़ा अट्रैक्टिव दिखा सको। ऑलराइट, तो देखो मैं गूगल फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, सिंपली ये गूगल फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस, आप ये सोर्स कोड सबका बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसे आपको ये मिलेगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो बेसिकली गूगल फॉन्ट्स पे मैं गया हूं, आप देख सकते हो मैं जोसेफिन सेन, ये जो टैग है इसको अगर मैं हटा दूं यहां से, तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है, बस मुझे इस लिंक को कॉपी करना है। ऑलराइट, एकदम टाइटल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, वो चीज जिसको आपको वेबसाइट में नहीं दिखाना है वो सब के सब आपके हेड टैग के अंदर आएगा, जस्ट आपको वो बताने के लिए, आपका माइंड को और क्लियर करवाने के लिए मैंने ये लिंक लिया, ताकि आपको दिखाऊं कि हेड टैग के अंदर आपको ये ऐड करना है। अब इससे होगा ये कि अभी जस्ट मैंने जो ये ऐड किया वो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हेड टैग के अंदर है। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने लिंक ले लिया है, अब मुझे इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, ऑलराइट, और ये जो प्रॉपर्टी बेसिकली ये भी सीएसएस के अंदर आता है, दैट इज फॉन्ट फैमिली। तो गाइस ये सब मैं आपको आगे जो सीएसएस कोर्स है इसी में ही मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लीजिए। तो मैं बस इसको जल्दी से स्टाइल टैग लिख लेता हूं यहां पे, इसको मैं स्टार टैग और ऑलराइट ये बस, ठीक है गाइस, इसको आप अभी आप इतना मत समझो, ये बस मैं दिखाने के लिए कि आप इस तरीके से आप कर सकते हो, यूनिवर्सल ऑपरेटर है, स्टाइल टैग के अंदर आपका सीएसएस आ जाता है, ठीक है। आगे सीएसएस में आपको सब पता चल जाएगा, बस मैं फॉन्ट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहता था, दैट इज द ओनली रीजन। ऑलराइट, नाउ इट्स लुकिंग बेटर एंड बेस्ट, इस तरीके से हो गया गाइस अपना काम कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा यहां पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ऑलराइट, इस तरीके से टेक्स्ट का जो अलाइन है उसको मैंने सेंटर कर दिया है। यहाँ पे मैं चाहे तो गाइस पैडिंग ले सकता हूं, और ये जो पैडिंग होगा 10 पिक्सल 0। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, एंड मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज ये जो भी मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा ना, इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आगे सीएसएस का कोर्स है, इसी में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में पता क्या होता है, जब एचटीएमएल करते करते उनको चाहिए, नहीं यार सीएसएस में वो कलर कैसे हो रहा था, वो बैकग्राउंड कैसे हो रहा था, तो गाइस वो ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। ये बस आपको दिखाने के लिए, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डेट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज। तो बेसिकली इससे होगा ये कि आपका ये जितने भी H, C, C जो भी आपके ये वर्ड्स है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बूम, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अब बस और नहीं, CSS का बस इतना ही मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, आगे हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीटली देखेंगे, आप इसका बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑलराइट, इतना हो चुका है गाइस, तो हमने स्टाइल्स भी देख लिए, हमने कमेंट्स भी देख लिए, नाउ गाइस अब हमें क्या देखना है, देखिए। ऑलराइट गाइस, नाउ वी विल सी HTML लिंक्स, और उसके बाद हम देखेंगे HTML इमेजेस, तो ये दोनों को मैं आपको एक साथ दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर आप HTML एंड CSS करते हो तो आप भी कुछ अपना इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हो, जैसे मेरा thapatechnical.com है। तो बेसिकली इसमें जितने भी आपको कंटेंट दिखाई दे रहे वो सब आपके HTML के मदद से होता है, और जितना भी ये डिजाइन, कलर, फील, लुक दिखाई दे रहे वो सब आपके CSS के थ्रू होता है, ठीक है। तो गाइस यही है आपके HTML एंड CSS का बेस्ट फायदा वेब डेवलपमेंट के लिए।
तो अब HTML लिंक्स मतलब क्या गाइस, अगर आप देखोगे मेरे ये जो मेरा वेबसाइट है ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अबाउट अस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे पेज पे जाके रिफर कर रहा, तो ये कैसे हुआ समझ रहे हो? तो उसके लिए देखो गाइस क्या करना है, वी हैव एंकर टैग ए टैग ठीक है, आप जैसे ही एंकर टैग लिखते हो इसको मैं हटा देता हूँ। ये बेस्ट फायदा है ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का कि ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाता है, बट अभी आप एक बिगिनर हो तो आपको दिखाना चाहूंगा। एंकर टैग को आपको इस तरीके से क्लोज करना है, ए देन यू हैव टू राइट एच रेप, बेसिकली आपको बोल रहा है हाइफर रेफरेंस या हेडर रेफरेंस इक्वल टू लिखना है, एंड देन ये जो डबल कोट्स आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको वो लिंक देना जिस पे जब आप करोगे क्लिक तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, उससे पहले आप इसको क्लोज कर लो। ऑल राइट ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, थापा टेक्निकल। ऑल राइट इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ गाइस, इसको मैं क्या कर रहा हूँ वापस मैं अपने होम पे जाता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड जब आप देखोगे जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक प्रॉपर लिंक दे रहा हूँ, प्रॉपर URL डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस तरीके से www.thapatechnical नहीं गाइस, आपको प्रॉपर लिखना है इस तरीके से, वो प्रॉपर लिखने का बिल्कुल टेंशन मत लो, खाली आप URL पे जाओगे ना तो इस तरीके से गाइस आप कंट्रोल ए सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर लो तो वो आ जाता है। ऑलराइट इस तरीके से लिखा, कंट्रोल ए सेव करता हूँ, अब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा गाइस, आप देखो थापा टेक्निकल अगर मैंने क्लिक किया एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मेरा वेबसाइट पे एक क्लिक हो गया। तो इतना सिंपल है, इतना तो आपको पता चल गया ना, आप नेक्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो अगर उस पे कोई क्लिक करके पेज ओपन हो रहा है तो जस्ट बिकॉज वो एंकर टैग हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज एक्स्ट्रा गाइस मैं आपको टिप बता रहा हूँ, एक देखो यहाँ पे सपोज अबाउट अस इस पे अगर आप इंस्पेक्ट क्लिक करो, बेसिकली मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया। ऑलराइट यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, एंकर टैग यूज हो रहा है और यहाँ पे thapatechnical.com aboutus.html का पेज और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो रहा है। एक सेकंड और दिखाता हूँ, ये देखो सेम वही जो मैंने आपको यहाँ बताया thapatechnical.com और इस पे यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है। तो गाइस ये वेबसाइट जो है सब सेम है, बस अभी जो मैं वीडियो आपको समझा रही हूँ इसको आप ध्यान से समझो, आप सब कुछ अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर लोगे लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा ठीक है। ऑलराइट इतना हो गया, अब हमने एक चीज ये नोटिस किया कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो उसी पेज पे ओपन हो रहा है ठीक है, वो हमें नीचे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं गाइस टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसपे अगर आप लिखोगे अंडरस्कोर ब्लैंक BLANK अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप लिख के अगर इसको रिफ्रेश करते हो नाउ सी क्लिक किया एंड बूम गाइस ये आपका पेज इधर ही है, अब वो दूसरे पेज में जाके ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है सेल्फ रहता है ठीक है, तो सेल्फ मतलब उसी पेज पे लेकिन हमें क्या चाहिए अंडरस्कोर ब्लैंक ताकि वो दूसरे पेज में जाके दिखाई दे ना कि सेम पेज पे हमें। ऑलराइट गाइस इतना हो गया, इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका जो ये अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, जब भी आप एंकर टैग यूज करोगे तो नीचे अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एंड जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया वी हैव अ स्टाइल्ड एट्रीब्यूट, तो इसके अंदर गाइस एक प्रॉपर्टी है, ये अगेन CSS की प्रॉपर्टी लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप लिखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन एंड यू हैव टू राइट नन ठीक है, ये आपको CSS में पता चल जाएगा लेकिन मैं अभी भी दिखा दे रहा हूँ। एंड बूम गाइस आप देखो वो आपका जा चुका है, अंडरलाइन चला गया, इट्स लुकिंग बेटर। ऑलराइट इतना हो गया, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, दैट इज गाइस आप यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइटल। आप अगर टाइटल लिखोगे ना तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक टू विजिट या आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूं तो आप देखोगे जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक भी नहीं खाली मैं हूवर कर रहा हूँ, जब आप अपने माउस को उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हो वी कॉल्ड हूवर ठीक है। तो क्लिक टू विजिट थापा पेज, सिंपल इतना आ गया, इतना हो गया। अब एक बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ कि अगर आप बटन टैग का यूज करते हो तो हमारे पास HTML में बटन टैग भी होता है गाइस ठीक है। इस तरीके से अगर आप बटन टैग के अंदर एंकर टैग यूज करते हो बूम गाइस अब नाउ आपका एक बटन है, अब सिंपली इस पे क्लिक कीजिए आपका वेबसाइट ओपन। तो ये होता है आपका एंकर टैग हाइफर लिंक्स हम इसको बोलते हैं HTML के अंदर ठीक है। एंड देन मैंने आपको बताया था नाउ वी विल सी HTML इमेजेस, तो इमेजेस एड करने के लिए ऑब्वियसली आपका एक टैग दे रखा है जिसका नाम है IMG। एंड एक चीज देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा बूम गाइस आपने एक चीज नोटिस किया क्या हुआ कि सभी के सभी को जब भी मैं टाइप करता हूं वो क्लोज हो रहे, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी जो भी आपके टैग है वो सब के सब क्लोज हो रहे लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमेज टैग ऐसा जिसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ता है, देखो आपको क्लोज नहीं करना है। सो अगेन इसको मैं हटाता हूं, इमेज टैग जब भी आप यूज करोगे हैव टू राइट SRC इक्वल टू एंड ये डबल कोट्स, इस डबल कोट के अंदर आप जो भी इमेज का लिंक दोगे वो आपको दिखाई देगा आपके वेबसाइट पे। जैसे ये मेरा वेबसाइट है यहाँ जो बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपको जो बैकग्राउंड में इमेज ये जितने भी इमेजेस है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज यहाँ पे भी इमेज देखो आप देखो गाइस ठीक है, ये देखो ये जो मेरा इमेज दिखाई दे रहा है ये सब क्या इमेज टैग के कारण आ रहा है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है उसी
फोल्डर के अंदर, दैट इज आवर एचटीएमएल एंड सीएसएस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल है। तो मुझे अब क्या करना है, मेरा index.html का फाइल इधर है, मेरा फोल्डर इधर है, तो सबसे पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर एक्सेस करना है एंड देन उस फाइल को एक्सेस करना है। सो कैसे, इमेजेस मैंने फाइल का नाम लिखा, देन यू हैव टू राइट फॉरवर्ड स्लैश। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते, वो फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखते कभी, मतलब उनको समझ में नहीं आता। तो आपको सिंपली फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आपका जो भी फाइल का नाम है, जो भी आपकी इमेज का फाइल का नाम है, html.css.png। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ये देखो आप देख सकते हो इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इमेज बहुत ही बड़ा गाइस, इसको छोटा करने के लिए वी हैव अगेन एट्रीब्यूट, दैट इज वेट। अगर वेट दे दो मैं 400 का, ठीक है, आपको पिक्सल विक्सल कुछ नहीं लिखना, खाली 400 एंड देन हाइट आप दे दो 200। कंट्रोल एस सेव करता है एंड मैं आपको दिखाऊं परफेक्ट, देखो कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा हमें। ऑलराइट, अब उसी तरीके से देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, आप देख सकते हो कि ये जो मेरा बटन है ऑलराइट, जिसमें मैंने लिंक ऐड करके रखा हुआ है एंड मेरा ये जो इमेज है, दोनों के दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि गाइस, मुझे एक के नीचे एक चीज। सो अगेन आपको क्या करना है, बटन के नीचे आके सिर्फ बी आर टैग लिख देना है, बी आर ब्रेक। तो इस तरीके से गाइस बूम, देखा आपको पता चला, अगर कभी भी आपको एक नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो यू हैव टू राइट बी आर टैग। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक बटन के ऊपर, ठीक है, लिंक्स के ऊपर अगर आपको एक अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, यू हैव टू सिंपली राइट एच आर, आपको क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सिर्फ एच आर लिखना है एंड बूम। ये देखो आपने नोटिस किया, एक आपको एच आर लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये लाइन आ जाता है। तो बी आर से ब्रेक, एच आर से एक हॉरिजॉन्टल आपका एक लाइन आ जाता है, दिस इज इट, इतना सिंपल। अभी देखो गाइस एक चीज, जैसे हम इस पे होवर कर रहे तो क्लिक टू विजिट थापा पेज एक टाइटल था, उसी तरीके से इमेज पे भी आप टाइटल का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो HTML5 CSS3 कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से आप स्पेलिंग परफेक्ट लिखिए वीडियो। तो आपको याद होगा गाइस, मैंने ठीक आई थिंक एक हफ्ते पहले आप देखोगे तो मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था HTML5 एंड CSS3 के ऊपर, जैसे मैं आज ये बना रहा हूँ HTML एंड CSS के ऊपर, ठीक है। तो ये आज जो वीडियो कंप्लीट कर लोगे आप HTML एंड CSS, उसके बाद HTML5 एंड CSS3 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कंप्लीट बताया एंड ये भी यूट्यूब में बेस्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, इतना मैंने कर दिया है, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता एंड बूम गाइस, देखो HTML5 CSS3 कंप्लीट वीडियो। अब जब भी होवर करोगे वो आपको दिखने ही वाला है। और ये इमेज टैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि है आपका अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ HTML CSS pic, तो इसका मतलब पता क्या है, बहुत टाइम क्या होता है कि गाइस आपने अगर बाय चांस अभी देखो वो कहीं दिख नहीं रहा जो मैंने लिखा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप URL रॉन्ग दे देते हो ये आपके सर्वर से वो इमेज कहीं गायब हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, देखो इमेज का आपने जो width and height है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, HTML CSS pic। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिव, बाय चांस अगर आपका इमेज का ये जो URL है वो जो लिंक है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव यहाँ में पता चल जाएगा, हाँ इस के अंदर पक्का HTML CSS का एक फोटो था, दिस इज इट, ठीक है। तो ये आपका था गाइस इमेजेस। सो गाइस नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज HTML टेबल्स एंड टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से HTML टेबल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। अब देखो टेबल्स लिखने के लिए अगेन आपने एक चीज नोटिस कर ही चुका होगा गाइस, जो जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी पहले से ही HTML में है। टेबल चाहिए, टेबल का टैग दिया हुआ है, इमेज चाहिए, इमेज का टैग दिया, एंकर लिंक चाहिए, एंकर लिंक का टैग दिया हुआ है, पैराग्राफ चाहिए, पी दिया हुआ है, मतलब सब कुछ पहले से ही है। अब देखो टेबल लिखने के कैसे होता है, ठीक है, एक सेकंड, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है कॉपी फाइल पाथ, क्योंकि समझाना जरूरी है सबसे पहले, तो ठीक है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ऑलरेडी सब कुछ वही है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें देखो ये जो टेबल है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एक ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, रो, ये जो है आपका रो है। तो बेसिकली कितने रो है, एक रो एंड देन वी हैव सेकेंड रो, तो बेसिकली हमारे इस टेबल के पास दो रो है, कॉलम कितने हैं, यूट्यूब एक कॉलम है, ये टॉपिक एक कॉलम है, डिग्री एक कॉलम है, सब्सक्राइबर एक कॉलम है। तो बेसिकली हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम और एक एंड ये हमारे पास दो रो है, तो दो रो और चार कॉलम है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसको लिखना कैसे, देखो टेबल तो मैंने लिख लिया, लेकिन हमारे पास कितने रो है, वी हैव टेबल रो, तो ये आपका टैग का फुल फॉर्म है, TR, मतलब टेबल का रो कितना है, एक, और हमारे पास है दूसरा रो। ऑलराइट, ठीक है, हमारे पास पहला रो, ये दूसरा रो, पहला रो और ये हमारा दूसरा रो, और एक रो के अंदर कितने कॉलम्स है, चार,
लेकिन जो पहला वाला टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉप आई मीन जो टॉप पे दिखाई देता है, दैट इज योर हेडिंग्स, ये सब तो उसके डेटा है। अब देखो ना, ये थोड़ा बोल्ड दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो गाइस बी, ये जो बी है आपका, ये जो बी टैग है, आप इसका यूज कर सकते थे बोल्ड दिखाने के लिए, लेकिन क्यों जब हमें ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है टेबल वालों ने, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये हेडिंग है, ये सिंपल आपका डेटा है, लेकिन देखने वाली बात है टोटल ये चार कॉलम्स है, तो एक रो के अंदर कितने कॉलम्स, सॉरी कितने कॉलम्स है, चार। तो वी हैव पहला ये टेबल का हेडिंग, TH टेबल हेडिंग, एक दो तीन एंड चार, ऑल राइट, ठीक है। तो क्या क्या है वो, यूट्यूब नेम कॉपी करता हूं पेस्ट, देन यहां पे है आपके पास टॉपिक, देन वी हैव क्या है गाइस डिग्री, ठीक है, इस तरीके से मैं यहां पे लिख देता हूं डिग्री, देन वी हैव सब्सक्राइबर्स, इसको भी मैं यहां से इस तरीके से कॉपी करता हूं पेस्ट, दिस इज इट। अब इसको मैंने इतना लिखा, एंड अगर मैं अपने वाले में इसको पेस्ट कर दूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जैसा हमें चाहिए, ठीक है। और एक और चीज मैं क्या करता हूं यहां पे कि वो br टैग यूज करता हूं, एल्स आपको क्लियरली नहीं समझेगा क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता चला ना किस तरीके से आपको टेबल पे ध्यान देना है कि कितने रो है एंड देन कितने कॉलम है, परफेक्ट इस तरीके से आया। और इसी को ही मैं अगेन कॉपी करता हूं, बॉडी के नीचे चिपका देता हूं ताकि नीचे से भी आपको स्पेस दिखाई दे, परफेक्ट इतना हुआ, ऑल राइट, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे तो गाइस यहाँ पे सेम वही है, दूसरे रो में भी वी हैव यूट्यूब नेम का जो है डेटा ये है, टॉपिक का डेटा प्रोग्रामिंग, डिग्री मैंने मास्टर किया इन कंप्यूटर साइंस, सब्सक्राइबर अभी 1 लाख हो चुका है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगेन, अब ऊपर का तो हेडिंग था बट नीचे वाला हेडिंग नहीं, वो टेबल का डेटा है, सो यू हैव टू राइट TD टेबल का डेटा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इस तरीके से थापा टेक्निकल, तो जो सबसे पहला रो है पहला जो हेडिंग है उसका डेटा पहला इधर आएगा, उसके बाद अगेन आपको TD लिखना है, प्रोग्रामिंग टॉपिक आपको यहां पे लिखना है इस तरीके से, ठीक है। एंड गलती से अगर मैं आपको बताता हूं, अभी रुकिए पहले मैं अच्छे से समझा देता हूं, ये आपने लिखा इस तरीके से MCS यहां पे, एंड देन अगेन वी हैव TD और यहां पे आपने लिखा 100K, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा, कंट्रोल एस सेव किया, तो ऑलमोस्ट अब हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, परफेक्ट। लेकिन बाय चांस अगर ये प्रोग्रामिंग में यहां पे ना लिख के अगर लास्ट में कर दूं, लास्ट में कर देता हूं और इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूं, तो आप देखो क्या होगा। तो देखो गाइस, यूट्यूब नेम थापा टेक्निकल तक ठीक था, लेकिन टॉपिक पे MCS आ गया, डिग्री पे 100K, सब्सक्राइबर पे प्रोग्रामिंग। तो ये आपको ध्यान देना है जब आप देख रहे हो कि आपका जो पहला रो है उसमें जो सेकंड कॉलम है उसी की ही डेटा आपको दूसरे रो के सेकंड कॉलम में ही देना होगा, तो ये बस आपको एक चीज ध्यान देना है टेबल में, एल्स आपका सब सही है बाकी, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं, नाउ अगेन बैक टू नॉर्मल। अब देखो गाइस, ये टेबल हमें लग नहीं रहा किसी एंगल से, ना तो इसमें बॉर्डर है, इसमें ना तो इन सभी डेटा जो पैडिंग है उनके बीच ना कोई पैडिंग हो रहा है, ना डेटा के बीच कोई स्पेस है, तो कैसे करूं। देखो तो सिंपली गाइस, अगर आपको टेबल में बॉर्डर चाहिए तो अगेन वी हैव एट्रीब्यूट जिसका नाम है बॉर्डर, एंड सिंपली आप 1 लिख दीजिए, इस तरीके से आप 1 लिख दोगे तो आपको बॉर्डर दिख गया, परफेक्ट। अब ये जो यूट्यूब नेम फिर ये टॉपिक, देखो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर है, उनके बीच में कुछ स्पेस है, तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं सेल। ये जो टॉपिक है, ये यूट्यूब नेम है, ये जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं सेल, और उसके बाहर के स्पेस को हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। उसके अंदर के जो स्पेस है, अगर टॉपिक को अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है, उसके बीच थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, हम उसको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग एंड सेल्स पैडिंग। ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। देखो सेल का स्पेस मैं 0 कर देता हूं, 0 करने से क्या होगा गाइस, ये जो YouTube नेम और टॉपिक के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, परफेक्ट, सब चिपक गए। अब मुझे ये डिग्री देखो कैसे चिपक गया ना, इसके ऊपर नीचे मुझे अंदर की तरफ मुझे स्पेस चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं सेल्स पैडिंग। सेल्स पैडिंग में लिख देता हूं 10, सिंपल, आप 1, 2, 3, 5 कितना भी दे सकते हो, 10 लिख दूंगा तो परफेक्ट। नाउ दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है, हमारा टेबल बन चुका है। उसी तरीके से इसी डेटा को मैं अगर कॉपी करता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, अब चाहे तो कितना भी पेस्ट कर सकते हो डेटा अलग अलग, तो आपका इतना ब्यूटीफुल टेबल एक क्रिएट हो जाता है, ऑलराइट। एंड आप देखोगे तो गाइस ये सेंटर में नहीं है, जितने भी हमारे ये डेटा है वो सेंटर में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पे सिंपली एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज योर स्टाइल के अंदर अगर आप जाके लिखोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड बूम सब सेंटर में आ गए। लेकिन मैंने एक और चीज नहीं बताया, वो ये कि अगर आप पूरे के पूरे को ही सेंटर टैग के अंदर लिख देते, ठीक है, इस तरीके से टेबल को ही अगर आप सेंटर टैग के अंदर लिख देते, जो कि बहुत लोग ये करते हैं,
तो क्या होता है देखते हैं। सेंटर टैग है हमारे पास, तो देखो ये कम्प्लीटली सेंटर में आ जाता है। टेबल तो सेंटर में आ गया ही आ गया आपके वेब पेज के, लेकिन ये भी सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से आप सेंटर ये जो टैग है इसका भी यूज कर सकते हो। मैं सेंटर टैग में बार बार आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाइस इसकी आदत हो जाती है। बेटर आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखो, क्योंकि ये जो सेंटर कीवर्ड है ये सेंटर जो टैग है ये HTML5 में ये अब नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए मैं सेंटर टैग यूज करता भी नहीं हूं अब। लेकिन आज के टाइम में भी गाइस बहुत सारे लोग HTML5 में भी सेंटर टैग यूज कर रहे होते जो कि नहीं है। ऑलराइट, इतना हो गया गाइस, हमारा टेबल इतना ही था। सो गाइस टेबल के लिए इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि HTML5 में शायद सेल्स स्पेसिंग एंड सेल्स पैडिंग सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। एंड वन मोर थिंग दैट इन टेबल वी हैव रो स्पैम एंड अ कॉल स्पैम। अगर मैं आपको रो स्पैम मतलब क्या कि लेट्स से ये जो आपका यूट्यूब है, ठीक है, एंड लेट्स से कि अगर इसको दो कॉलम चाहिए तो क्या लिखेगा, कॉल स्पैम, एंड आपको सिर्फ टू लिख देना है। तो देखो क्या होता है, कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहां पे मैं जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब ने आपके दो कॉलम की स्पेस ले ली। कॉल स्पैम इक्वल टू टू, यूट्यूब मतलब दो कॉलम का स्पेस। उसी तरीके से गाइस अब मैं क्या कर सकता हूं, सपोज ये जो मेरा थापा टेक्निकल है, मैं चाहता हूं कि ये दो रो की स्पेस ले ले, ये जो मेरी पहली वाली थापा टेक्निकल है, अब यहां पे मैं कर देता हूं रो स्पैम टू, कंट्रोल एस सेव करता हूं। तो बेसिकली अब ये मेरा ये अभी फिलहाल एक ही रो में है ना, तो अब ये दो स्पेस ले लेगा। ये देखो दो स्पेस ले लिया और यूट्यूब ने दो कॉलम ले ली। तो बेसिकली ये आपका रो स्पैम, ये आपका कॉलम स्पैम कहलाता है। और लड़ता आपको पता चल गया होगा कि कॉल स्पैम क्या होता है एंड रो स्पैम क्या होता है। अगर आपको कोई भी आपका हेडिंग हो या आपका कोई भी डेटा हो, अगर आप चाहते हो कि वो मल्टीपल स्पेसेस ले इन कॉलम, तो आप कॉल स्पैम यूज कीजिए। एंड आप चाहते हो कि मल्टीपल स्पेसेस ले इन रोज, तो आप रो स्पैम लीजिएगा, जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया जस्ट अभी, है कि नहीं। ये देखिए इसने दो रो की स्पेस, यहां पे आप देख सकते हो ना प्रोग्रामिंग है और यहां पे आपका थापा टेक्निकल है, ये दो रो थे अलग अलग, बट नाउ इसको मैंने रो स्पैम टू लिखा तो इसने कंप्लीटली दो रो को एक मान लिया, अब एक पूरा स्पेस ले रहा है वो। उसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हो थापा टेक्निकल एक कॉलम, प्रोग्रामिंग दो कॉलम, लेकिन हमारा जो यूट्यूब हेडिंग है उसने दो कॉलम ले ली क्योंकि मैंने कॉल स्पैम टू लिखा था। तो इसको आपको अपने ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है, एंड देन आपको काम करना है। और मैंने आपको आपको जस्ट बता ही दिया, स्कूल टाइम टेबल आप देख लीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है गाइस, हमने टेबल्स भी देख लिया, नाउ वी विल सी व्हाट इज लिस्ट एंड देन हम देखेंगे HTML फॉर्म्स। ऑलराइट, सो गाइस लिस्ट क्या होता है HTML में, लिस्ट आपने आपको मालूम होगा गाइस, अगर आप कभी भी मार्केट जाते हो तो आप एक लिस्ट बना के जाते हो, लेट्स से शॉपिंग की लिस्ट, या स्कूल में अगर स्टूडेंट्स रोल नंबर वाइज अगर आपको लिखना होता तो आप उसकी एक लिस्ट बनाते हो, कौन कौन से स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, ठीक है। तो वही है सेम HTML में भी, लिस्ट का मतलब वही होता है, लेकिन इन HTML वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, हमारे पास दो टाइप्स के लिस्ट है। ऑलराइट, तो वो दो कौन से थे, सबसे पहले वी हैव अनऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो, वी हैव अनऑर्डर लिस्ट। एंड देन अगेन वी हैव वन मोर, दैट इज योर ऑर्डर लिस्ट, OL, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अनऑर्डर। आपको नाम से पता चल रहा है अनऑर्डर मतलब उस ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता हमें, जैसे अगर आपको शॉपिंग जाना है, ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे गाइस, इस तरीके से आप लिख सकते हो एक पैराग्राफ टैग लिख लिस्ट ऑफ शॉपिंग। तो अब यहां पे क्या करोगे गाइस, अनऑर्डर UL लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है लिस्ट। अब कौन सा अनऑर्डर लिस्ट है, तो आपको लिखना है LI, ठीक है, इस तरीके से LI लिखना है, ठीक है, एंड देन उसको क्लोज करना है। तो इस तरीके से आपने गाइस LI को क्लोज किया, यहां पे आप कुछ भी लिखो, लेट्स से लैपटॉप, ठीक है, अगेन यहां पे जाओ LI को लिखो, यहां पे आप लिख दो बैग मतलब बैग तो चाहिए, फिर आप लिख दीजिए पेन या कीबोर्ड या माउस, आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, यहां पे आप लिख दीजिए फिर नोटबुक, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं। अगर यहां पे जाके आपको मैं दिखाऊं तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लैपटॉप बैग पेन एंड नोटबुक। ऑलराइट, एक सेकंड मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करता हूं क्योंकि नीचे स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो यहां पे मैं जाता हूं एंड परफेक्ट, नाउ दिस इज योर अनऑर्डर, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं, आप चाहे तो जब शॉपिंग करने जाओगे पहले आप बैग ले लोगे, फिर पेन लोगे या लैपटॉप लोगे, ऑर्डर फिक्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक एट्रीब्यूटेड, दैट इज योर टाइप, आप यहाँ पे टाइप इसका चेंज कर सकते हो। लेट्स से अभी जो आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कि आपको एक डिस्क दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप लिख दोगे यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का जो डब्बा होता है, तो आपको देखो गाइस जूम कर देता हूं, यहाँ पे आप देखो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से सर्कल,
ठीक है, लेकिन ये तीन ही है खाली, सर्कल है आपका, स्क्वायर है, एंड बाय डिफॉल्ट आपका रहता है डिस्क। कंट्रोल एस सेव करता हूं एंड रिफ्रेश, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल इतना आपको दिखाई दे रहा है। एंड सर्कल में भी ये सर्कल है लेकिन इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, बस दिस इज इट, इतना सा ही है। ऑलराइट, तो ये था आपका अनऑर्डर लिस्ट। नाउ वी हैव अ ऑर्डर लिस्ट, जैसे स्कूल में आता है ना असेंडिंग ऑर्डर में नाम वाइज आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे इस तरीके से, जैसे ए से अर्जुन, ठीक है, क्योंकि ए आया ना पहले, एंड देन फिर बी आएगा, बी से आप लिख दीजिए विनीता, इस तरीके से। ऑलराइट, एंड देन आप लिखोगे दूसरा सी से, गाइस नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्रिस लिख देता हूँ, एंड आई थिंक स्पेलिंग सही है क्रिस की, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और डी से और डॉन लिख देते हैं, ठीक है, किसका क्या जा रहा है लिख दिया मैंने, रिफ्रेश। एंड वन मोर थिंग, आप देख सकते हो नाउ ऑर्डर लिस्ट जो है उसमें आप देखोगे तो 1, 2, 3 एंड 4, तो इस तरीके से आपको पता चला, पहला आपको ये, देन ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास टाइप होता है, सपोज अगर आप कैपिटल ए लिखते हो, ऑलराइट, कैपिटल ए, तो आप देखोगे गाइस कैपिटल में एबीसीडी दिखाई दिया। अगर आप स्मॉल ए लिखते हो तो आप देखोगे आपको स्मॉल एबीसीडी दिखाई देगा। उसी तरीके से भी आप रोमन नंबर, एंड बाय डिफॉल्ट आपका 1 रहता है, आई मीन आपका नंबर्स तो 1, 2, 3। और एक और चीज ये कि गाइस यहाँ पे आप स्टार्ट करके एक और एट्रीब्यूट अगर आप लिख दोगे 5, तो गाइस वो आपके 5, 6, 7, 8, इस तरीके से स्टार्ट कहां से करवाना है आपको, इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो। आपका अनऑर्डर लिस्ट, आपका ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। ऑलराइट, एंड देन हमने आप लास्ट देखेंगे व्हाट इज फॉर्म्स इन एचटीएमएल। और ये बहुत सिंपल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइस, क्योंकि हर जगह फॉर्म्स यूज होता है, चाहे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, चाहे वो ईमेल का फॉर्म हो, वैलिडेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, जो भी फॉर्म हो। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे वी हैव अ कॉन्टैक्ट, गेट इन टच, नेम, ईमेल, मैसेज सेंड, ठीक है। तो फॉर्म देखो ना, हमारा लास्ट टॉपिक हो गया, दैट इज आवर एचटीएमएल फॉर्म। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सिंपल, ठीक है, यहाँ पे मैं गया। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, देखो फॉर्म लिखने के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म करके एक टैग प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक लेबल, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजर नेम, सिंपली लेबल करके यूजर नेम, एक बीआर टैग यूज कीजिए, देन यू हैव टू राइट इनपुट, ठीक है, इसको क्लोज करो। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि इनपुट का टाइप कौन सा है, आपको लिखना होगा टेक्स्ट। ऑलराइट, सिर्फ अगर आप इतना लिख के अगर यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश कर दोगे, बूम गाइस, आप देखोगे कि आपको बहुत ब्यूटीफुल एक यूजर नेम दिखाई दे रहा है, जहां पे आप इस तरीके से विनोद थापा लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपका एक यूजर नेम है सिंपल, एंड यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से H3 के अंदर आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस तरीके से, ठीक है। तो वो आपको वहां पे दिखाई देगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। ऑलराइट, ये आपका यूजर नेम आया। ऑलराइट, एंड एक सेकेंड, यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट यूजर नेम आया, उसी तरीके से गाइस आप इसको करो कॉपी, और यहाँ पे आप एक काम करो डबल बीआर कर दो, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ पेस्ट। ऑलराइट, ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ यूजर नेम आई विल राइट पासवर्ड। एक सेकेंड, पासवर्ड में यूज नहीं करता कॉन्टैक्ट फॉर्म में, लेकिन बस दिखाने के लिए कि यहाँ पे तो आपने लिखा टेक्स्ट, तो वो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख पा रहे हो। उसी तरीके से जब आप पासवर्ड लिखते हो तो आपने नोटिस किया होगा गाइस पासवर्ड आपको दिखता नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी टाइप में अगर हम पासवर्ड लिख देना, एचटीएमएल ने हमें ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी दे रखा है जहां पे मैं सिर्फ पासवर्ड लिख दूं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब एक सीक्रेट की तरह। तो यूजर नेम पासवर्ड हो गया, एंड अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे चाहे तो गाइस आप इस तरीके से ईमेल आईडी लिख सकते हो, और एक चीज याद रखना है, ठीक है, ईमेल आईडी जब आप HTML 5 यूज करोगे तो वहां पे ऑलरेडी आपको टाइप में ईमेल मिल चुका है, लेकिन HTML में ईमेल नहीं था, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको इतना तो मालूम है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने ऑलरेडी ठीक 6 दिन पहले कंप्लीट HTML 5 एंड CSS 3 2020 इसमें मैंने पूरा डीपली कवर किया। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप जरूर मास्टर बन जाओगे गाइस। पहले इस वीडियो को देख के HTML CSS के मास्टर बन जाओ, एंड देन HTML 5 CSS 3 आप फिर 2020 आपका है। फिर जावास्क्रिप्ट तो मैंने ऑलरेडी कर ही चुका है, अब एडवांस जावास्क्रिप्ट का सीरीज भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया इन 2020, इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, बातें बहुत हो गई है, अब इतना हो गया सिंपल, यहाँ पे मैं जाता हूँ। उसी तरीके से आप मोबाइल नंबर भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ ईमेल आईडी आई विल राइट मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, परफेक्ट। एंड एक और चीज याद रखना कि जब भी आप यहाँ पे लिखते हो तो आपको एक नेम टैग यूज करना रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब एक चीज नोटिस करो, जब मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया ऑलराइट पूरा, एंड अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो गाइस मुझे इस तरीके से मिल जाएगा, एंड अब मैं एक साथ सब जगह पे लिख सकता हूँ नेम। ऑलराइट, कैसा लगा आपको,
नोटिस किया आपने, एक साथ मैं सबको सिलेक्ट करके एक साथ चार जगह पे लिख रहा था मैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं यूजर नेम, ठीक है, यहां पे कैपिटल मत दो, सिंपल रखो। ऑलराइट, यहां पे आप लिख दो गाइस ये कि आपका पासवर्ड है ना, पासवर्ड यहां पे आप लिख दो ईमेल, ठीक है। लेटर ऑन जब आप पीएचपी में इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाओगे यू नो, तो उस समय ये नेम कीवर्ड में जो आप वैल्यू पास करे वो वहां पे चाहिए रहता है, इसलिए नेम आप रखो। ऑलराइट, यहां पे आप लिख दो इस तरीके से मोबाइल नंबर, मोबाइल, ठीक है, बस इतना ही रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद गाइस आप क्या करो, यहाँ पे आप एक यू नो मोबाइल नंबर हो गया, आपको सेलेक्ट एक सिलेक्ट करके हमारे पास एक और यू नो टैग है, इसमें क्या होगा, सपोज आपको ऑप्शन देने, ऑप्शन पता क्या देना, आपको कौन सा पैक चाहिए, जैसे आप अगर कोई होस्टिंग लेने जाते तो आपको प्रीमियम, बिजनेस या पर्सनल मिलता है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेलेक्ट योर प्लान, इस तरीके से आप लिख सकते हो सेलेक्ट योर प्लान, ठीक है। आप इस तरीके से गए, आपको सिर्फ ऑप्शन देना है, ठीक है, एंड ऑप्शन में आपको क्लास नहीं देना, यू हैव टू राइट वैल्यू, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पे आप लिख दो पर्सनल, आपको पर्सनल प्लान चाहिए, यहाँ पे आप वो दिखा दो इस तरीके से पर्सनल। ऑलराइट, इस तरीके से पर्सनल हमने दिखा दिया, उसी तरीके से यहाँ पे आप जाओ ऑप्शन दो, यहाँ पे आप दे दो वैल्यू, सेम आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो जो आपको वहां पे शो करवाना हो। यहाँ पे आप लिख दीजिए बिजनेस, यहाँ पे आप लिख दीजिए बिजनेस प्लान। ऑलराइट, एंड लास्ट वी हैव अ प्रीमियम, यहाँ पे मैं जाता हूँ लिख देता हूँ इस तरीके से प्रीमियम। ऑलराइट, आई थिंक प्रीमियम, ऑलराइट नाउ, ठीक है, प्रीमियम इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, कैसे आपको मोबाइल नंबर ईमेल एंड परफेक्ट, बिजनेस प्रीमियम एंड देन वी हैव अ पर्सनल, परफेक्ट, कितना हो गया। नाउ वी हैव अ टेक्स्ट एरिया ऑल्सो, आपको टेक्स्ट एरिया लिखना है, इसको क्लोज करना है। आपको कितने कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ पांच नहीं, मुझे चाहिए 10 कॉलम। कितने रोज चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 5 रोज, ठीक है। कॉलम मतलब हॉरिजॉन्टली, रोज मतलब वर्टिकली, तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। ऑलराइट, ठीक है, एंड एक चीज नोटिस करने वाली बात है गाइस, दोनों अगेन चिपक गए। सो व्हाट आई कैन डू इज मैं बी आर टैग यूज कर रहा हूँ, वो भी दो है, क्योंकि हर जगह मैं दो ही यूज कर रहा हूँ। परफेक्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन कोई करना नहीं चाहेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। सो गाइस आप कॉलम को बढ़ा दो थोड़ा, कम से कम 15 कर देते हैं। और ये देखने वाली बात है कि गाइस ये आ जाना चाहिए था, ये छोटा दिखाई दे रहा है, रोज हम बढ़ा देते थोड़ा, लेट से इसको मैं कर देता हूँ 10। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ और ऑलराइट रोज बहुत बड़ा हो गया गाइस, एक काम करते इसको मैं 5 रहने देता हूँ, कॉलम बढ़ा देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ 30। नाउ मुझे जैसा चाहिए आप मिलना ही चाहिए, परफेक्ट, अब अच्छा दिखाई दे रहा है। सो गाइस इतना कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा, वो ये कि आप में से बहुतों ने बहुत बार देखा होगा कि यहाँ पे लिखा आता है एंटर योर पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिख के आता है, तो वो कैसे आता है। अगर मैं टॉप पे जाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से आपको लिखना है प्लेस होल्डर, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो एंटर योर पासवर्ड एंड 3, 2, 1 बूम गाइस, देखो एंटर योर पासवर्ड, एंड अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो चला जाता है। तो वो जो दिखाई देता बाय डिफॉल्ट, दैट इज योर बिकॉज ऑफ प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, ठीक है। इस तरीके से इतना हो चुका है, टेक्स्ट एरिया हमने लिख लिया। नाउ अगेन मुझे यहाँ पे बी आर टैग यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट। नाउ अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं अगेन एक और पैराग्राफ टैग लिखता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है, जेंडर सिलेक्ट करो। अब आपको मालूम है जेंडर में इधर या तो आपका मेल या फीमेल, ठीक है। अब उसमें भी एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे इनपुट टाइप आपको लिखना पड़ेगा रेडियो, क्या लिखना है, हमने देखा टेक्स्ट, हमने देखा पासवर्ड, नाउ वी हैव अ रेडियो, ठीक है। अरे यहां पे आपको लिख देना है मेल, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, यहां पे चिपका देता हूं, होम पे जाता हूं / परफेक्ट, एंड यू हैव टू राइट फीमेल, इस तरीके से फीमेल। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहां पे मैं जाता हूं रिफ्रेश करता हूं, परफेक्ट दिखाई देगा मेल फीमेल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने मेल पे क्लिक किया एंड देन अगेन मैं फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे। बट व्हाट आई वांट कि एट अ टाइम सिर्फ मैं अगर फीमेल पे क्लिक करूँ तो मेल का अनचेक हो जाए, एंड देन अगर मैं मेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल का अनचेक हो जाए, लेकिन अभी तो दोनों के दोनों दिखाई दे रहे, तो वो कैसे होगा गाइस। वो इंटरव्यू में पूछते वो प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए, देन ये जो नेम एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है उसमें आपको सेम नाम पास करना पड़ेगा दोनों के दोनों में। सो यू हैव टू राइट जेंडर, सेम यही नाम को करो कॉपी और यहां पे भी पेस्ट कर दो। अगर जितने भी रेडियो टाइप है अगर उनका नाम सेम है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूं परफेक्ट, लेकिन फीमेल पे क्लिक किया परफेक्ट, लेकिन जैसे मेल पे क्लिक किया बूम गाइस, देखा ये अनचेक हो गया अगेन।
अब नाउ एट अ टाइम में दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता हूं और वो पॉसिबल हुआ बिकॉज मैंने ये जो नेम एट्रीब्यूट है दोनों में सेम वैल्यू डाला। अगर गलती से आप यहाँ पे जेंडर्स लिख दोगे ना इस तरीके से तो गाइस अगेन वही हो गया। देखो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते बहुत सिली क्वेश्चन है लेकिन बहुत यूजफुल है ये। अगेन उसी तरीके से गाइस मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मुझे दो बार बीआर लिखना पड़ेगा, बीआर यहाँ पे भी बीआर इस तरीके से इसको क्लोज कर देता हूँ। और राइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, एक और पी टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपने बहुत बार देखा होगा गाइस ये हर जगह। और उसके नीचे क्या लिख के आता आपको मालूम चल चुका होगा, आपको उसके नीचे दिखाई देता है एक चेक बॉक्स, सो यू हैव टू राइट इस तरीके से सिंपली चेक एंड देन बॉक्स। ऑल राइट, यहाँ पे अगर आप नेम दोगे ना दोगे चल जाएगा लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है यस आई रेड इट ऑल। ठीक है, पढ़ लिया मैंने सब, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट, नाउ प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यस आई रीड इट ऑल, मतलब मैंने पढ़ लिया सब, इस तरीके से आपने चेक कर लिया। ऑल राइट, ठीक है, इतना ही है गाइस हमारे फॉर्म में। एंड वन मोर थिंग, दैट इज योर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब आप सबमिट करो, नेम में भी लिख दो सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू भी, वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ क्लिक सी एल आई सी के क्लिक, एंड यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ बूम गाइस आपको दिखाई दे वहाँ पे क्लिक दिखाई दे रहा है। तो जब आप इनपुट टाइप लिखते हो सबमिट, मतलब अब आपको करना है सबमिट, तो वैल्यू में जो भी वैल्यू आप दोगे वो बाहर आपको दिखाई देगा, तो आपको सबमिट लिखे परफेक्टली दिखाई दे रहा है। एंड अगेन यहाँ पे गाइस आप थोड़ा बीआर टैग यूज करो ताकि वो बटन वहाँ पे चिपके नहीं। ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, परफेक्ट, दिस इज इट गाइस। नाउ वी हैव दिस ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट फॉर्म, यूजर नेम पासवर्ड ईमेल मोबाइल नंबर, सिलेक्ट योर प्लान, आप पर्सनल सेलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मेल यहाँ पे टिक करो एंड देन आप इसको कर दो सबमिट इस तरीके से। तो आप देख सकते हो गाइस आज हमने कंप्लीट एचटीएमएल देख लिया है। सो दिस इज इट गाइस, हमारा एचटीएमएल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा हम कंप्लीट सीएसएस कोर्स देखेंगे। सो गाइस कैसा लगा, एचटीएमएल कंप्लीट हो चुका है एंड आई रियली होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा एचटीएमएल के पार्ट को। नाउ अब हम कंप्लीट सीएसएस देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, आपको कांग्रेट्स बोलना चाहूंगा, बिकॉज गाइस आपने डेडिकेशन दिखाया, ठीक है, यही बहुत बड़ी चीज है। बस आप उसी तरीके से आप सीएसएस को कंप्लीट देखिए, देन हमारा 20 मिनट चैलेंज आप जरूर देखिएगा एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑल राइट गाइस, नाउ वी विल फाइनली सी सीएसएस इन वन वीडियो। तो देखिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सीएसएस, ठीक है, एंड देन हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सीएसएस को अपने वेबसाइट में, हमारे वेब पेजेस में उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एचटीएमएल के साथ। एंड देन हम देखेंगे आईडी एंड क्लास क्या होता है सीएसएस में, हम देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या क्या है सीएसएस की, देन हम देखेंगे फॉन्ट इन सीएसएस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, ये सब हम देखेंगे। देन हम देखेंगे टेक्स्ट, गाइस मैं बता देता हूँ फॉन्ट और टेक्स्ट दोनों टोटली डिफरेंट है, आपको इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। देन हम देखेंगे लिंक्स, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। देन हम देखेंगे बॉर्डर इन सीएसएस, देन वी विल सी लिस्ट, लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी विल सी बॉक्स मॉडल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है बॉक्स मॉडल। देन वी विल सी स्क्रोल बार्स, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन वी विल सी पोजिशनिंग, गाइस पोजिशन बहुत मैटर करता है। एंड देन वी विल सी जी इंडेक्स, ये भी बहुतों ने डाउट पूछा लेकिन ये आज सब क्लियर हो जाएगा। देन वी विल सी फ्लोट, देन वी विल सी सीएसएस डिस्प्ले, डिस्प्ले बहुत मैटर करता है। देन एट लास्ट वी विल सी कर्सर, एंड कर्सर के कितने टाइप्स होते हैं। आज हम ये सारे टॉपिक्स को गाइस कवर करने वाले हैं एंड बिलीव मी गाइस, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, देन आपको पता चलेगा कि ये इस वीडियो में आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा ना जितना आपको बाकी के पूरे सीएसएस के ट्यूटोरियल सीरीज में सीखने नहीं मिलता, उतना आज आपको सिर्फ मेरे इस एक वीडियो में सीखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सीएसएस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीएसएस आखिर क्या है और हम क्यों इसको सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। एंड देन ये सीएसएस किस लिए यूज होता है गाइस, ये यूज होता है हमारे वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमारा जो वेब डॉक्यूमेंट है उसको स्टाइल करने के लिए। अब स्टाइल करना इन द सेंस, जैसे अगर आप नया घर खरीदते हो, ठीक है, घर के अंदर के हिस्से को आप क्या करते हो गाइस, इंटीरियर डिजाइनर आता है पूरा कलर एकदम सजा दजा देता है, तो वो क्या कर रहा है, एक डिजाइनर है, वो इंटीरियर डिजाइनर है जिसका काम है घर को डेकोरेट करना। उसी तरीके से आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप एक वेब डेवलपर हो, अब आपका काम है कि आप जो ये वेबसाइट बना रहे हो उसको कैसे अट्रैक्टिव बना, उसमें कैसे कलर डालू, मतलब उसमें ऐसा क्या करूं कि जिससे वो एकदम अट्रैक्टिव दिखे, स्टाइलिश दिखे, तो वो सारा काम करता है आपका सीएसएस। एंड सीएसएस का फुल फॉर्म क्या गाइस,
कास्केडिंग स्टाइल सेट, ठीक है। एंड देन देखिए क्या लिखा है, CSS टू कंट्रोल द स्टाइल एंड लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। आप गाइस बहुत सारे वेब पेजेस को सिर्फ एक CSS के फाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में ये जानना जरूरी कि आखिर किसने बनाया और मेंटेन कौन कर रहा है CSS को, ठीक है। सो देखिए गाइस, CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन, बनाया भी और मेंटेन भी कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसको विद इन द W3C, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कॉल द CSS वर्किंग ग्रुप, वो उनको CSS वर्किंग ग्रुप बोलती है। तो W3C यही इनको क्रिएट भी किया और वो उनको मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, अब हम डायरेक्टली अब थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, आई नो थ्योरी थोड़ा बोर लगता है लेकिन थ्योरी जानना जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो अब हम CSS को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेज में, हमारे वेबसाइट के लिए, तो उसके तीन तरीके होते हैं, ठीक है। सो देयर आर थ्री वेज ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल सेट, पहला है एक्सटर्नल, सेकंड वन इज इंटरनल, एंड देन थर्ड वन इज इनलाइन। तो चले गाइस, अब हम डायरेक्टली हमारे कोड एडिटर में चलते हैं। आप देख सकते हो गाइस मैं कौन सा एडिटर यूज कर रहा हूँ, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एकदम डिटेल वीडियो बनाया, जहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है वही नहीं, मैंने इसमें सारे प्लगइन्स कैसे ऐड करना है वो भी बताया, ठीक है। तो वो सब का लिंक गाइस मैं यहाँ टॉप पे आपको दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिए। एंड मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं अपना। ये देखिए मेरा एक फोल्डर है जिसको मैंने ओम नाम से रखा है, जिसके अंदर मेरा index.html का एक फाइल है, ये मेरे तीन इमेजेस है और ये style.css का एक फाइल मैंने बना के रखा है। सो बेसिकली मेरे फोल्डर के अंदर दो फाइल है, एक है .html, याद रखो एक्सटेंशन बहुत मैटर करता है, .html इट मीन्स मेरा ये html का फाइल है। एंड देन अगर आपको css यूज करना है तो आपको उसका एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा .css फॉर एक्सटर्नल फाइल, इंटरनल और इनलाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये बाकी तीन इमेजेस है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर सिंपल इतना ही था, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली हमारे टेक्स्ट एडिटर पे चलते, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम एक्सटर्नली किस तरीके से CSS को यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ HTML, ठीक है, इस तरीके से मैंने ऑलराइट परफेक्टली लिख लिया। तो गाइस मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिंपल सा एक हेडिंग ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल से वेलकम टू माई चैनल, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा वेलकम टू माई चैनल परफेक्ट। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैंने देखिए क्या किया, कॉपी फाइल पाथ किया, रन किया, तो वेलकम टू माई चैनल इतना परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो CSS के थ्रू हम इसको एक बार कलर चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला हम यूज करेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए गाइस यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर, तो आप देख सकते हो हम style.css के फाइल पे आ चुके। तो देखिए गाइस, हमें एक्सटर्नल अगर यूज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो style.css हमने लिखा है ना, इसका लिंक यहाँ पे हमें सेट करना पड़ता है। सो देखिए मैं क्या लिखूंगा, link, लिंक, ठीक है, जहाँ पे rel रिलेशन क्या है, स्टाइल सेट, एंड देन टाइप, उसका टाइप क्या गाइस, वो एक टेक्स्ट है जो कि एक CSS का फाइल है। सो बेसिकली वो हमेशा टेक्स्ट ही रहता है और उसका फाइल कौन सा है, वो CSS, इसलिए हमने लिखा टाइप क्या है उसका, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSS, ऑलराइट। और ये हाइपर रेफरेंस, हाँ ये हाइपर रेफरेंस क्या है हमारा गाइस, style.css हमें यहाँ पे लिखना है। सो वी विल राइट स्टाइल, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा style.css, ठीक है, परफेक्ट। और याद रखो कि आपको डिपेंड करता है कि आप अपना फाइल कहाँ रखे हो, ठीक है। तो मेरे तो देखिए एक ही फोल्डर के अंदर HTML का फाइल भी है और CSS का फाइल भी, इसलिए मैंने डायरेक्टली style.css लिख दिया, कंट्रोल एस से। अब देखिए ये जो H2 है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं H2 में, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा गाइस, मैं देखिए सिर्फ लिखता हूँ कलर, अभी हम देखेंगे कलर क्या है। सो कलर मैं लिख देता हूँ रेड, इस तरीके से कंट्रोल एस सेव किया मैंने, ठीक है। मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, ऑलराइट, ये मेरा ब्राउजर, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा 3, 2, 1, बूम गाइस, से देखिए कितना सिंपल, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो गाइस इतना ईजी है CSS, ठीक है। देखिए हमने एक्सटर्नल देख लिया, अब इसी को ही मैं इंटरनल करके दिखाता हूँ कि हम इसको इंटरनली कैसे यूज कर सकते, ठीक है। सो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, ऑलराइट। मैं आपको कमेंट दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप देख लीजिए, ठीक है। सो हम पहले इंटरनल देख लेते, ये था हमारा एक्सटर्नल, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया फिर से, परफेक्ट, ठीक है। तो इंटरनल करने के लिए गाइस आपको याद होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, हम वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अगर आप CSS यूज करो, आपको उसको लिखना है स्टाइल टैग के अंदर, किसके अंदर लिखना है, स्टाइल टैग, ठीक है। सो स्टाइल टैग लिखा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ब्राउजर इतना एडवांस हो चुका है ना, उनको समझ जाता है भाई स्टाइल लिखा है मतलब ये है तुम्हारा CSS, सिंपल, समझ रहे हो।
तो मैंने स्टाइल टैग लिखा। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसका थोड़ा फॉर्मेट सही नहीं आया, मैं आपकी परफेक्ट ऑल राइट ठीक है, ये तभी ठीक है, आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल में मैंने एक H2 सेलेक्ट किया है जिसको मैंने कलर दे दिया रेड, बट इंस्टेड ऑफ रेड अब मैं दूंगा इसका ब्लू ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया ब्लू। तो ये जो मैंने यूज कर रहा हूँ ये मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ, नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब फाइल के बाहर, जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ उसके बाहर एक्सटर्नल, जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ उसी के अंदर अगर मुझे यूज करना है सो इंटरनल। सो मैंने लिख दिया कलर ब्लू, मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ, कलर ब्लू नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं इसको इनलाइन कैसे कर सकते हैं। सो पहला तो था हमारा इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल, दूसरा था इंटरनल, थर्ड वन इज इनलाइन। तो गैस इसको मैं कॉपी करता हूँ ठीक है। देखिए हमने क्या किया, स्टाइल टैग लिखा है ना यहाँ पे इस तरीके से, आपका वो जिस एलिमेंट पे आप वर्क कर रहे हो, समझ रहे हो, ये H2 एक टैग है, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, जिस पे आप वर्क कर रहे हो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से स्टाइल, आपको लिखना है इक्वल टू डबल कोट सिंगल कोट डजेंट मैटर बट डबल कोट सही है, बस यहाँ पे क्या कीजिए वो लिख दीजिए कलर इक्वल टू ब्लू। अब इंस्टेड ऑफ कलर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में वो इसके कारण नहीं हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ परफेक्ट। तो ये होता है इनलाइन तरीका ठीक है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा बूम गाइस देखिए वेलकम टू चैनल माई चैनल थापा टेक्निकल चैनल ठीक है। तो इस तरीके से हम गाइस तीन तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं सीएसएस को अपने वेब पेज के अंदर। ये वेब पेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक वेब पेज है ठीक है, लोग इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं ठीक है। इस तरीके से हमने गाइस तीन तरीके देख लिए ठीक है। अब हम हमारे वापस इसमें चलते हैं हमारे पावर पॉइंट में, देखते हैं सेकेंड क्या है। ऑल राइट, दूसरा है सीएसएस आईडी एंड क्लास, एंड बिलीव मी गाइस बहुत सिंपल है। आईडी कब यूज करना है, सो देखिए आईडी आपको तब यूज करना है जब आप किसी एक सिंगल या एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, समझ रहे हो। जैसे अगर 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 9 एकदम लंबा है और एक सबसे छोटा है, समझ रहे हो, तो आप छोटे वाले को आईडी दे दीजिए, बाकी 9 को क्लास दे दो, बिकॉज वो 9 के 9 एक जैसे प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जो छोटा उसका थोड़ा अलग प्रॉपर्टी होगा, थोड़ा फुर्तीला होगा, है कि नहीं ठीक है। तो इस तरीके से एक आईडी बोले तो एक सिर्फ एक सिंगल और एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर इन द सेंस एक यूनिक होना चाहिए बंदा, वो यूनिक हटके, हाँ हटके वाले बंदे को आईडी दे दो। सो आईडी यूज फॉर सिंगल और हटके लोगों के लिए। क्लासेस मतलब झुंड, जो झुंड बना के आते हैं ना, जो मतलब मिलता जुलता ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, तो उनको क्लास दे दो आप, समझ रहे हो। तो इसको अभी हम देखते हैं ठीक है। तो अब हमारा वापस कोड एडिटर पे चलते हैं गाइस, इसको मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ, एंड आई बिलीव भी आपको क्लियर दिख रहा होगा ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं एक्सटर्नल यूज कर लेता हूँ ठीक है, इसको मैं एक्सटर्नल यूज करता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे हटाया, ये मैंने कमेंट हटा दिया परफेक्ट ठीक है। मैं एक्सटर्नल यूज करने वाला हूँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ इस तरीके से ठीक है। इसको इंडेक्स को इधर रखा, इसको इधर रख दिया ठीक है गाइस। देखिए ये बहुत सिंपल है एंड ईजी है। तो सबसे पहले गाइस हम आईडी देखते ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने एक H2 टैग लिया हुआ है ठीक है। तो देखिए गाइस मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये इनलाइन जो मैंने यूज किया इसको मैंने हटा दिया ठीक है परफेक्ट। अब मेरे पास एक H2 टैग है जिसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू माई चैनल ठीक है। तो देखिए आईडी के थ्रू अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, आपको सिंपली क्या लिख देना है, इस तरीके से आईडी लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट आईडी ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आईडी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईडी आपको एक यूनिक के लिए यूज करना है। फिलहाल अभी मैं इधर पे यूनिक नहीं लिखने वाला कुछ भी ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन किसी एक को बोलते हैं ना बहुत सारे झुंड में, कहीं अगर एक अलग दिख रहा है ना उसको आईडी दे दो, बाकी सबको क्लास दे दो, दोनों का काम एक ही है। लेकिन अगर आपको आईडी वाले को एक्सेस करना है, यू हैव टू राइट हैशटैग, आपको हैशटैग लिखना जरूरी है ठीक है। हैशटैग माई फर्स्ट आईडी, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ परफेक्ट। आप देख सकते हो कलर ग्रीन हो चुका है। अभी जो मैंने इसके साथ किया था सेम वही मैं वापस करने वाला हूँ, कलर चेंज कर दूंगा ठीक है। अब जिस टाइम मैं कलर चेंज करने वाला हूँ पिंक, ऑल राइट ठीक है पिंक कर दिया मैंने, ऑल राइट। तो मैंने क्या लिखा, ये आईडी यूज कर रहा हूँ। सो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस देखिए पिंक कलर हो चुका है ये ठीक है। अब मैं क्लास दिखाता हूँ आपको ठीक है, इस तरीके से क्लास लिखा, ऑल राइट ठीक है। अब ये जो आईडी लिखा इसको मैं हटा के कर दूंगा क्लास ठीक है। आपको लेकिन फंडा समझ चुका है ना, आईडी इज फॉर यूनिक एलिमेंट एंड क्लास इज फॉर स्पेसिफिक जनरल। सो मैंने क्लास लिखा, लेकिन इतना याद रखो अगर आप आईडी यूज करते हो आप हमेशा यूज करोगे यहाँ पे हैशटैग ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास यूज करते हो सो यू हैव टू राइट डॉट,
समझ रहे हो, ये एक्सेस करने के लिए। तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, समझ रहे हो। मैंने अभी आपको पहले दिखाया था कि अगर आप कोई भी एलिमेंट है एचटीएमएल का, उसका आप डायरेक्टली H2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्लास दे रहे हो तो डॉट, आईडी दे रहे हो तो हैशटैग, सिंपल। सो इसको मैं कलर पिंक के बदले इसको कर देता हूं मैं येलो, परफेक्ट। ठीक है, ये देखो क्लास है, क्लास को हमेशा डॉट से एक्सेस करते हैं। मैंने लिख दिया येलो। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा येलो हो चुका है। तो मैंने आपको कितने अलग अलग तरीके से दिखाया कि हम कैसे CSS को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, अप्लाई तो तीन ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को हम HTML के। ठीक है, परफेक्ट। तो हमने क्या देखा गाइस, क्लासेस भी देख लिए, आईडी भी देख ली। तो अब हम वापस हमारे पावर पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है दूसरा। ठीक है, तो देखिए क्लासेस एंड आईडी देख ली, ऑल राइट। ये बोल रहा है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी गाइस, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखने से पहले अब भी आपको मैं दिखाया था कलर। ठीक है, सो लेकिन आपने नोटिस किया कि मैं कलर में क्या यूज कर रहा था, एक पर्टिकुलर वैल्यू कलर का नाम। लेकिन हम हेक्सा वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 6 डिजिट के होते हैं, और वो होता है फ्रॉम 0 to F, इट मींस 0 to 15। 0 से 15 कितना, 16 हुआ कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से गाइस हम हैशटैग हेक्स वैल्यू भी लिख सकते हैं, एंड RGB वैल्यू, इट मींस रेड ग्रीन ब्लू। तो बेसिकली इसकी 0 से 255, 0 से 255, 0 से 255, तो ये होता है RGB। तो कलर को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, करने के तरीके बहुत है, बट मोस्टली हम या तो कलर का नाम डायरेक्टली देंगे, या तो उसकी हेक्सा वैल्यू, या तो RGB फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एंड बैकग्राउंड में कौन कौन सा वो हम देख लेते हैं। चलिए गाइस, ये देखिए मेरा ये हो चुका है HTML का फाइल, और ये मेरा CSS का फाइल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं एक डिव ले लेता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड, बैक इमेज लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया बैक इमेज, परफेक्ट। ठीक है गाइस, मैंने सिर्फ एक क्लास लिखी है। अब क्लास को अगर आपको एक्सेस करना है, आपको क्या करना है गाइस, हमेशा डॉट लिखना है एंड देन क्लास का नाम लिख देना है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो क्लास का नाम लिखना है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे विथ। तो देखिए गाइस, ये भी आपको नया सीखने मिल रहा है कि बैकग्राउंड आप CSS में भी सिंपली विथ बता सकते हो। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगा, 100%, मतलब जितना विथ है सारा का सारा। हाइट लिख दूंगा गाइस मैं 100 VH में लिख दे रहा हूँ, मतलब जितना हमारा हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप अगर आप या अभी मोबाइल में देख रहे हो, ठीक है, या आप डेस्कटॉप में देख रहे हो, या आप LED TV कहीं पे भी देख रहे हो, तो आपका जो ये आप देख पा रहे हो ना, वो एक 100 VH कहलाता है, समझ रहे हो। ऑलराइट, 100 VH मतलब ये वाला हिस्सा, ये देख पाए टॉप, ये बॉटम, यहाँ तक जितना ये हिस्सा, ये 100 VH कहलाता है। ठीक है, मतलब टोटल पूरा का पूरा हाइट, व्यू हाइट आप इसको बोल सकते हो, परफेक्ट। इतना मैंने लिख दिया गाइस, इसको मैं एक बार परफेक्टली करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो चुका है इतना। ठीक है, ऑल राइट, हाइट हुआ, विथ हुआ, इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। यहाँ पे भी इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखने वाले बैकग्राउंड में कौन सा, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, सो बैकग्राउंड देखिए गाइस, आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर आपको इस तरीके से लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा गाइस आपको परफेक्ट दिखाई दे, इस तरीके से कर देता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर गाइस मैं क्या दूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन, परफेक्ट। इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस, ये देखिए बैकग्राउंड कलर, देखा हमारा बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब चाहे तो आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं, अगर आपको चाहिए ब्लू, सो आप सिंपली ब्लू लिख दीजिए, कंट्रोल एस सेव। ये देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये ब्लू हो चुका है। लेकिन एक चीज याद रखो गाइस, हमें टॉप और ये जो लेफ्ट, देन ये मेरा राइट, देन ये मेरा बॉटम से मुझे व्हाइट कलर का एक अजीब सा दिखाई दे रहा है। देखो ना, व्हाइट कलर का मुझे बॉर्ड मार्जिन दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। आप इसको पैडिंग भी कह सकते हो, हम आगे डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, मार्जिन क्या है, ये पैडिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कभी भी अपना वेबसाइट बनाते हो, आपका पहला काम होना चाहिए ये यूनिवर्सल ऑपरेटर एस्ट्रिक, ठीक है, तारा कुछ भी बोलिए आप इसको, आपको क्या लिखना है, सिंपली गाइस मार्जिन, आपको लिखना है मार्जिन, इसको देना है जीरो, आई मीन जीरो मतलब मार्जिन मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं, पैडिंग आपको देना है जीरो, परफेक्ट। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखिए जो हमें स्पेस दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, बॉटम में आपको दिख रहा होगा, वो एक्चुअल में दिखने का रीजन है कि मैंने PPT ऑन करके रखा हुआ, तो उसके कारण वो दिख रहा है। तो अभी एक्स्ट्रा जो मार्जिन था वो अब हमें नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड का पहला प्रॉपर्टी देख लिया, जो कि है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो गाइस अब हम दूसरा देख लेते हैं।
दूसरा है गाइस, इसी में ही हम दूसरा देखते, देखिए बैकग्राउंड इमेज है। सो मैं आपको अब बैकग्राउंड इमेज दिखाता हूँ, वो बैकग्राउंड इमेज क्या होता है। तो बेसिकली आप बैकग्राउंड इमेज देख सकते हो यहाँ पे, इसके थ्रू हम एक इमेज को ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं पूरा कम्प्लीटली फुल कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम परफेक्ट दिखाई दे, ठीक है। इस तरीके से देखिए गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है, ठीक है, स्पेस देके उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि मैंने तीन इमेजेस ले रखा है, लोगो, फोटो एंड फोटो टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक लोगो करके इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, लोगो डॉट आप देख सकते हो पीएनजी फॉर्मेट में। इस तरीके से मैंने सिर्फ अब ये दूसरा प्रॉपर्टी यूज करो जो कि बैकग्राउंड इमेज, बेसिकली वो बैकग्राउंड में हम इमेज सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर से कलर सेट कर रहा था, इमेज से मैं इमेज सेट कर सकता हूँ, सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ गाइस ब्राउजर पे, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस एक इमेज दो इमेज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। याद रखो गाइस कमेंट कैसे करना है, आपको क्या करना है गाइस, एक फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक, फिर वापस एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो आप समझ लो कि फॉरवर्ड स्लैश और एक तारा, तारा फॉरवर्ड स्लैश, बस खत्म। नहीं तो शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ, वो गाइस से देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एक इमेज है, ठीक है, इमेज की साइज कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये वाला, ये वाला, ये क्या एक हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे है, ये नीचे, फिर इस सेकंड वाले के लिए ये, और ये वर्टिकली भी रिपीट हो रहा है। सो दिस वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, ये हो रहा है वर्टिकल रिपीट, ये हो रहा है हॉरिजॉन्टल रिपीट। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट करके, ठीक है। सो देखिए गाइस, बैकग्राउंड रिपीट को इस तरीके से लिखना है आपको, बैकग्राउंड रिपीट। तो सबसे पहले तो आप रिपीट, उसकी एक वैल्यू है रिपीट, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो बाय डिफॉल्ट रिपीट है, इसलिए वो रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर आपको रिपीट नहीं चाहिए तो बस आपको क्या करना है, जीरो लिख, ठीक है, नो रिपीट लिखना है, ठीक है, नो रिपीट, मतलब भाई रिपीट नहीं चाहिए मुझे, सिंपल एक आया, देखिए कितना सिंपल, सिर्फ एक आया, ठीक है। वहीं पे अब आपको नहीं भाई, मेरे को तो हॉरिजॉन्टल रिपीट चाहिए, सो क्या लिखोगे आप, डैश हाइफन नहीं तो एक्स, इट मींस रिपीट करना है आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टली। सो मैंने अभी आपको दिखाया था हॉरिजॉन्टली, माने एक पैरेलल लाइन की तरह, ये देखिए बूम गाइस, देखिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिपीट। आप में से बहुतों ने देखा होगा ये रिपीट एक्स रिपीट वाई, लेकिन आपको कंफ्यूजन आएगा भाई ये क्या होता है। देखो गाइस कितना सिंपल होता है, ठीक है, इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो हॉरिजॉन्टल बंद हो जाएगा, नीचे इसको और मैं छोटा करूंगा तो आप देख सकते हो कितने सारे, ठीक है। तो इतना सिंपल था बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज। ऑलराइट गाइस, मैं बता देता हूँ कि बैकग्राउंड साइज बहुत मैटर करता है, ठीक है, लेकिन ये बोनस है, बैकग्राउंड साइज जो है ना वो बेसिकली CSS 3 में आया है। हम क्या पढ़ रहे हैं CSS, याद रखो CSS अलग है, CSS 3, लेकिन ये बोनस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको परफेक्टली एकदम सेंटर में चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज को दिखाना है, देन आपको बैकग्राउंड साइज लिखना है, इसको रिफ्रेश करके परफेक्ट। ये देखिए मेरा इमेज छोटा है इसलिए वो थोड़ा फट गया, लेकिन एक्चुअल में उसने पूरा का पूरा स्पेस लिया, ना तो मुझे वर्टिकल में कोई स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, ना हॉरिजॉन्टल में कोई स्क्रॉल बार दिखा, इट मींस ये एकदम परफेक्ट है, तो एक लाइक बनता है इसको, ठीक है। ऑलराइट, इतना हुआ, मैं वापस जाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दूंगा क्योंकि ये CSS 3 की प्रॉपर्टी। लेकिन आप में से बहुतों ने देखा होगा पैरेलैक्स वेबसाइट, ठीक है। तो गाइस क्या होता है पैरेलैक्स वेबसाइट, बेसिकली वो कुछ नहीं, एक बैकग्राउंड, ठीक है, अटैचमेंट करके एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये भी CSS के अंदर ही आता है। तो बस आपको क्या लिख देना गाइस, फिक्स्ड बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड लिखना है, सिंपल। लेकिन सिर्फ फिक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, याद रखो बैक इमेज पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा बैक इमेज इधर है। तो अब इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं डमी टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। देखिए डमी टेक्स्ट है ये, इसको मैंने किया बंद परफेक्ट, इसको यहाँ से मैं ये जो मेरा पी टैग है उसको कर देता हूँ क्लोज परफेक्ट, ठीक है। देखिए गाइस अभी मैं आपको रन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्या किया, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, ठीक है, इसको, ठीक है। ऑलराइट, एक काम करता हूँ गाइस, ये जो इमेज इसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो मेरा इमेज होने वाला है फोटो, ठीक है, फोटो करके ये लोगो को हटा देता हूँ, आई विल राइट सिंपली फोटो परफेक्ट। इस तरीके से मैंने फोटो लिखा, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं, आप देख सकते हो इमेज दिखाई नहीं दे रहा, उसका रीजन ये है कि मैंने पीएनजी लिखा जबकि वो क्या, देखिए जेपीजी, सो आई विल राइट जेपीजी परफेक्ट। इसको यहाँ पे जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ,
परफेक्ट देखिए गाइस एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है ठीक है। लेकिन एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे कितने छोटे छोटे, सो ये 100% है, मैं लेकिन 200 कर दूंगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, तो आप देख सकते हो गाइस को कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा जूम किया ठीक है। तो इसको मुझे परफेक्ट करने के लिए गाइस बैकग्राउंड साइज का यूज करना पड़ेगा, सो इसको मैं वापस अनकमेंट करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये CSS 3 की प्रॉपर्टी है, ये हम मैं आपको पैरेलैक्स वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए इस वीडियो में आपको पैरेलैक्स वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या लिखा कि मेरा जो इमेज है 100x100 में चाहिए। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा देखिए परफेक्ट 100x100 आ चुका है ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे ये दिखाई दे रहा है आपको दिख भी नहीं रहा, इसको मैं जूम कर देता हूँ परफेक्ट। ये देखिए अब अगर मैं ऊपर करूंगा ये देखिए गाइस इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये देख रहे हो आप ये पैरेलैक्स वेबसाइट बन चुका है। ये देखिए इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए इमेज अपने जगह पे ही है, मैं मेरा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। अब एक और जादू दिखाऊं, इसमें मैं वापस क्या करता हूँ गाइस इसको मैं कम जूम करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ ठीक है। देखिए इसको मैंने कॉपी किया, पैराग्राफ के नीचे चिपका दिया मैंने ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ बैक इमेज वन, एक सेकंड के लिए मैं बैक इमेज ही लिख देता हूँ, सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ मैं ठीक है गाइस। सेम प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, इसको अब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप एक जादू देखिए अब क्या होता है, अब मेरा टेक्स्ट जाएगा इसको कम जूम परफेक्ट। ये देखिए जादू देख पा रहे हो आप, ये देखिए इमेज इमेज मेरा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन इमेज उधर ही है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स वेबसाइट। अब आपको इसमें एक और जादू दिखाता हूँ कि ये कि मैंने देखिए जो मेरा सबसे नीचे वाला डिब है उसका मैंने क्लास का नाम चेंज करके बैक इमेज वन किया है ठीक है। तो इसको मैं डिट्टो कॉपी करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, इसको मैं लिख देता हूँ वन क्योंकि वो वन था। ये जो फोटो है ना गाइस मेरा एक और फोटो है फोटो टू करके ठीक है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा इसको ठीक है परफेक्ट। अब जादू देखिए क्या होता है, इसको जैसे मेरा टेक्स्ट ऊपर जाएगा ना देखिए बूम गाइस आप देख पा रहे हो, देखो ये देखो इमेज कैसे चेंज हो गया, ये देखो इसको बोलते हैं पैरेलैक्स वेबसाइट, जहां पे एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज आ जाता है और टेक्स्ट उसके भी ऊपर आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स वेबसाइट। ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू आवर फॉन्ट की प्रॉपर्टी ठीक है। तो फॉन्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसको देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए बैकग्राउंड हो गया, अब हम देखते हैं फॉन्ट की प्रॉपर्टी ठीक है। सो फॉन्ट के अंदर आता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट। सो फॉन्ट फैमिली बेसिकली फॉन्ट कौन सा आपको यूज करना है ठीक है वो बताता है। फॉन्ट स्टाइल मतलब उसको कैसे करना है, इटैलिक करना है या ऑब्लिक करना है। फॉन्ट वेरिएंट मतलब आपको इसका ठीक है एक ही रहता है ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट इतना मैटर नहीं करता, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल कैप्स रहता है। एंड देन फॉन्ट साइज ये एकदम इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट। ये फॉन्ट स्टाइल तो नकली है ठीक है, लेकिन मैं सब आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फॉन्ट फैमिली क्या है, मैं आपको फॉन्ट फैमिली डायरेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन कैसे आप ले सकते हो वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जाना है गूगल फॉन्ट में, मैंने आपको बोला गाइस आज आपको एक वीडियो में सब कुछ सीखने मिलेगा ना जो बाकी के पूरे सीरीज में नहीं सीख पाओगे आप ठीक है। तो देखिए गूगल फॉन्ट लिखा मैंने सिंपल, आपको भी गूगल फॉन्ट लिख के पहले वाले पे क्लिक करना है ठीक है। इस तरीके से मैंने गूगल फॉन्ट क्लिक किया और मैं एक काम करता हूँ, मुझे कौन सा आप कुछ भी ले लीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ ये ले लेते, क्या लिखा नोटेबल ठीक है, क्या नाम भी नोटेबल ठीक है, इसको ही ले लेते। ऑल राइट, इसको मैंने देखिए इस जगह पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जो मेरा प्लस था भी माइनस हो गया। यहाँ पे मैं जाता देखिए गाइस इन्होंने ऑलरेडी एक लिंक दिया ठीक है। तो आज आप ये भी सीख रहे हो कि कैसे हम ऑनलाइन दूसरा गूगल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया, मैं आपको याद रखो लिंक हमेशा हैड टैग के अंदर ही रख रहे हैं, आपको कहाँ रखना गाइस हैड टैग के अंदर। तो आपने जो पहले CSS की लिंक दी थी उसी तरीके से इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है ठीक है गाइस। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये जो इमेज को हटा देता हूँ मैं परफेक्ट, इसको भी मैं ऐसे हटा देता हूँ। और ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है ये मुझे नीचे, मैं सिंपली चाहता हूँ कि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो मैं हमेशा लिखूंगा वेलकम टू माय चैनल, और हमेशा वेलकम है आपको, वेलकम टू माय चैनल ठीक है। एंड इतना कि गाइस कीप स्माइलिंग, हंसते रहो खाली ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का कि भाई यार ये कोडिंग मुझे आ नहीं रहा। ऑनलाइन सर्च करो, प्रैक्टिस करते रहो, कभी ना कभी तो आएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ, आई होप आपको दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने बहुत कम कर दिया था अभी उसका स्पेस। ऑलराइट, यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता हूँ परफेक्ट, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए गाइस फॉन्ट फैमिली यूज करने के लिए मैंने एक लिंक यूज किया, ये मेरा पी है ठीक है, सिर्फ एक सिंगल है। तो इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी में दे देता हूँ फॉन्ट देख फॉन्ट CSS लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। फॉन्ट CSS आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, मैटर नहीं करता। सो आपको यहाँ पे जाना है, ये जो इतना सारा हमने लिया था इसको हटा देता हूँ, लेकिन ऊपर वाला रहने दीजिए। सो आईडी को यूज करने के लिए हैशटैग, वो आईडी का नाम इस तरीके से परफेक्ट ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस इन्होंने एक और दिया है
फॉन्ट फैमिली। तो बेसिकली फॉन्ट फैमिली में मैंने लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है फॉन्ट फैमिली, जहाँ पे मैंने बोला अगर नोटेबल वाला मुझे नहीं मिला तो सेंस सेरिफ वाली जो फॉन्ट है उसको अप्लाई कर देना, सिंपल। तो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, गाइस आप देख सकते हो मेरा ब्राउजर इधर है। ऑलराइट, देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। बूम गाइस, देखा आपने मैंने कौन सा फॉन्ट लिया था, ये वाला। देखिए गाइस वो अप्लाई हो चुका। तो इस तरीके से आप फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि हम फॉन्ट के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। सो देखिए ये था पहला, दूसरा था फॉन्ट वेरिएंट, हाँ ठीक है। अब हम फॉन्ट वेरिएंट देखते हैं। तो देखिए गाइस फॉन्ट वेरिएंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इसका एक फायदा ये कि स्मॉल कैप्स करके, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल कैप्स, एक कैपिटल लेटर होता है, तो ये आपका जितना भी छोटा वाला लेटर है ना उसको कैपिटल में कर देगा, लेकिन छोटा वाला कैपिटल, आई मीन ये देखिए पहले से कैपिटल है, लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखा क्या हुआ, ये कैपिटल में ही है लेकिन उसका साइज रिड्यूस कर दिया, उसकी जो एक्चुअल साइज थी वो कम कर दिया, ठीक है। सो फॉन्ट वेरिएंट होता है ये, दूसरा देखा हमने, वी विल सी फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं, आप पिक्सल में दे सकते हो, ईएम में दे सकते हो, आरईएम में दे सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा आपको। सो ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइस, 2EM लिख देता हूँ। सो बेसिकली 1EM इक्वल टू 16 मेगापिक्सल, 1EM इज इक्वल टू 16 मेगापिक्सल, सॉरी गाइस मेगापिक्सल नहीं है, पिक्सल ओनली, मेगापिक्सल तो मोबाइल का कैमरा, ठीक है, मेगापिक्सल नहीं, ठीक है। इतना आपको याद रखना कि 1EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, परफेक्ट। मैंने 2EM लिख दिया, तो फॉन्ट साइज जो है वो 2EM का हो जाएगा, देखिए बढ़ के 2EM हो चुका है। इसको मैं एक बार 100 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है 100 में, लेकिन ठीक है बड़ाई ठीक रहने दो, ठीक है गाइस। तो हमने क्या देखा, हमने देखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है गाइस, फॉन्ट साइज देखा। नाउ वी विल सी फॉन्ट स्टाइल, हाँ फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को बेसिकली आप इटैलिक लिख सकते हो। सो इटैलिक लिखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए गाइस इटैलिक हो गया ये, तो ये होता है फॉन्ट, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं फॉन्ट वेट, तो ये देखिए बहुत सिंपल है, आप ये आप समझ लो कि CSS पता क्या है, समझ लो। मैं अगर आपने सपोज एक नया घर ले लिया, ठीक है, अब आपको उसको कलर करना है, और आपके पास कलर के डब्बे भी रखे, और किसी ने बोला कि भाई मुझे एक काम करो रेड कलर लगा दो यार आप इस पे, तो आप क्या करोगे, सिंपली रेड कलर निकालोगे लगा दोगे, मतलब आपके पास रेड कलर पहले से ही है, बस आपको ये याद रखना है कि रेड कलर मतलब क्या। अगर आपको कलर ही नहीं मालूम, आप रेड के बदले ब्लैक कलर उठा लोगे, तो बस हमें ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है। जैसे आप मैंने बोला मुझे इटैलिक करना है, तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक लिखा, इटैलिक हो गया। अब मुझे फॉन्ट वेट उसको बढ़ाना है, बोल्ड करना है, सो फॉन्ट वेट उसके लिए होता है, सो यू कैन सिंपली राइट बोल्ड, बोल्ड, लाइट, लाइटर, बोल्डर, ये सब आप लिख सकते हो। तो इसको मैं जैसे रिप्लेस करूंगा, देखिएगा इसे और, ये तो पहले से एक बोल्ड था, ऊपर से और बोल्ड हो गया ये, ठीक है। तो ये होता है बोल्ड, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसे 500 भी लिख सकते हो, आई मीन आपको ये सिर्फ वैल्यू देना है 100 to 900। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा इस पतला हो गया, इसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 100 मीन्स लाइट, ये देखिएगा इस पतला, ठीक है। आप इसको चाहे तो इस तरीके से लाइटर भी लिख सकते हो, नहीं तो लाइट भी लिख सकते हो, लाइटर, लाइटर मतलब कैसे पतला, ठीक है। एक तो ये जो मैंने फॉन्ट यूज किया ना गाइस, ये आपको इसमें क्लियर पता ही नहीं चल रहा सच बोलूं तो मैं, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, लेट्स से ये वाला, ये नोटो सेरिक जो भी फॉन्ट है ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है गाइस। इसको मैं इस नोटेबल को इस तरीके से कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ। अब आपको शायद याद हो चुका है कि अगर आपको फॉन्ट यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको वो खाली वो लिंक कॉपी कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे जो ये फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी करना है आपको, फॉन्ट फैमिली को मैंने किया कॉपी, आपको स्टाइल डॉट css पे जाके खाली उसके बदले ये वाला फॉन्ट फैमिली रख देना, परफेक्ट। देखिए अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये इसका ढांचा चेंज हो चुका है, देखिए कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हमने फॉन्ट में क्या क्या देखा गाइस, हमने देखा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, साइज, स्टाइल, वेट, वेट आप बोल्ड, लाइटर, नहीं तो आप 100 से 900 के बीच दे सकते हो, ये 100 है, ठीक है, 100 से 900 के बीच आप दे सकते हो इतना पतला। अब सबसे मैक्सिमम जाता है 900, 900 में जैसे ही कर दूंगा गाइस, ये देखिए बोल्ड हो गया, आप देख सकते हो एम। तो ये होता है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि फॉन्ट के बाद क्या आता है हमारा, फॉन्ट के बाद है टेक्स्ट। बिलीव मी गाइस टेक्स्ट बहुत सिंपल है, एंड बहुतों को कंफ्यूज हो जाता है कि फॉन्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है। फॉन्ट मतलब ये पूरा का पूरा जो आप लिख रहे हो वो एक फॉन्ट कहलाता है, टेक्स्ट मतलब ये एक टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट है, समझ लो। सो आप सिंपली आप टेक्स्ट के लिए कैसे क्या कर सकते हो, समझ लो। तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, परफेक्ट। और राइट गाइस, आपने एक चीज नोटिस किया गया, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, उसके बावजूद भी ये परफेक्टली चल रहा है। उसका रीजन ये था कि नीचे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं थी,
अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी होता ना वो फॉल्स एरर आ जाता, आप कभी ये मिस्टेक मत करना। आप अभी आपने देखा ना, वो तो लक अच्छा था कि नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। कभी भी आप अगर ओपन करते तो क्लोज हमेशा करना ही करना। तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से। ऑल राइट, ठीक है, मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ। अब ये जो फॉन्ट सीएसएस लिखा है इसके बदले आई विल राइट टेक्स्ट सीएसएस, ठीक है। सो गाइस, मैंने लिख दिया इसको टेक्स्ट सीएसएस। तो हम टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो वापस बैक टू नॉर्मल जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए गाइस, हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से नॉर्मल दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। और एक काम करता हूँ गाइस, मैं ये जो टेक्स्ट मैंने लिया है ना उसको मैं रहने देता हूँ, आई मीन ये जो फॉन्ट फैमिली उसको मैं रहने देता हूँ, वो अच्छा दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट वाले से तो अच्छा ही दिख रहा है। सो इस टेक्स्ट वाले को मैंने किया कॉपी, याद रखो वो एक आईडी है। सो आईडी के लिए हैशटैग टेक्स्ट सीएसएस। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बेसिकली फॉन्ट फैमिली मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे गया और उसको मैंने इस तरीके से चिपका दिया। तो बेसिकली ये मैं टेक्स्ट वाला नहीं है, ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन बस लुक अच्छा देने के लिए मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। सो गाइस, सबसे पहला देखिए क्या है, टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला आता है कलर। तो उस समय जो मैं कलर लिख रहा था ना वो टेक्स्ट के अंदर आता, तो आप लिख दीजिए इसको रेड। इस तरीके से इसको मैंने लिख दिया रेड। अब सिंपली इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखिए इसका कलर हो चुका है रेड, ठीक है। दूसरा आता है गाइस इसका, ठीक है, ये पहला तो होता है रेड, दूसरा आता है लेटर स्पेसिंग करके। सो बेसिकली लेटर स्पेसिंग मतलब क्या, ये देखो ये एल है, इसको अगर मैंने एक स्पेस दिया, ई को एक स्पेस दिया, तो क्या हो रहा है, लेटर मतलब इंडिविजुअल ना, एल एक लेटर है, ई एक लेटर है। तो इस तरीके से जो मैं एक स्पेस दे रहा हूँ ना, तो इसको कहते हैं हम लेटर स्पेसिंग, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब लेटर स्पेसिंग मतलब ये देखिए, डब्ल्यू और ई के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव किया, 5 पिक्सल तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, 2 दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से 2 पिक्सल देर मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखिए अब देखिए आपने M और Y के बीच, T और O के बीच, तो ये होता है लेटर स्पेसिंग। उसी तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, वर्ड के बीच में भी स्पेसिंग कर सकते हैं। वर्ड मतलब ये वेलकम पूरा एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, सो वेलकम और माई के बीच की डिफरेंस बढ़ानी हो, सो आई विल राइट 2 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। 2 पिक्सल लिख के इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस, ठीक है। अब अगर आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चला तो मैं 5 कर देता हूँ, उससे ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो गाइस, मैंने जैसे ही 5 लिखा कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए एक डायरेक्शन भी होता है, समझ रहे। सो डायरेक्शन में आपको क्या लिखना है, राइट टू लेफ्ट, आर टी एल। सो बेसिकली राइट टू लेफ्ट, जैसे रिफ्रेश करूंगा ये देखिए गाइस, इसको कम जूम कर देता, एक सेकंड, ये देखिए आपने देखा क्या हुआ, बेसिकली राइट टू लेफ्ट मतलब राइट साइड से जा लेफ्ट साइड को, तो ये राइट साइड से चिपक गए। वहीं अगर राइट टू लेफ्ट के बदले आई विल राइट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लिखा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखिए कितना सिंपल है, अब देख रहे हो कितना सिंपल है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, एक काम कर, लेफ्ट से होके राइट को निकल, लेफ्ट से होके राइट को निकल रहा है, ठीक है। सो हमने देखा डायरेक्शन, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, कलर, एंड देन आता गाइस टेक्स्ट इंडेंट। क्या है ये टेक्स्ट इंडेंट, हाँ ये देखिए इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट। तो बेसिकली टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है कि अगर आप कुछ पैराग्राफ लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, तो आपको याद होगा कोई भी लेटर लिखता है तो पहला लाइन में ना वो थोड़ा सा एक स्पेस देता है, टैप देता है, ताकि लगे हाँ यार बहुत सही लिख रहा है, टू द प्रिंसिपल, माय नेम इज ये, फिर हम उसके नीचे एकदम परफेक्टली लिखते हैं ना कॉपी में, अगर आपको याद होगा तो पहला लाइन में थोड़ा एक स्पेस रहता है, वो हमें यहाँ से मिलता है। सो आई विल राइट टेक्स्ट इंडेंट, आप लिख सकते हो कुछ भी, लेट्स से 10 पिक्सल, हाँ 10 पिक्सल लिख दे, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए, देखा क्या हुआ, उस समय मैंने लिखा है भाई लेफ्ट टू राइट जाए, उसके बावजूद भी मुझे डब्ल्यू की, यार एक काम करता हूँ ज्यादा दे देता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे क्या हुआ, सेकंड वाला एज इट इज है, हाँ अब ये मत सोचे कि सेकंड एज इट इज है, मैं इसको वापस कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं चिपका देता हूँ, ऑलराइट, ताकि आप लोग को ज्यादा दिखाई दे, देखिए कम जूम करता हूँ, ये देखिए आपने देखा ये क्या है गाइस, आप कभी भी कुछ भी पैराग्राफ लिखते हो तो क्या होता है, हमेशा पैराग्राफ का पहला लाइन का जो एक स्पेस रहता है ना, तो आप टेक्स्ट इंडेंट से, टेक्स्ट इंडेंट से उसको आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से यूज होता है टेक्स्ट इंडेंट। तो देखिए हमने कितना देखा, बैकग्राउंड देखा, फॉन्ट देखा, नाउ टेक्स्ट, टेक्स्ट इंडेंट देखा, अब टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख सकते हो, पहले तो मैं लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा क्योंकि टेक्स्ट इंडेंट किया, उसको हटा देता हूँ। तो देखिए गाइस लेफ्ट साइड से जा रहा है, ये डायरेक्शन भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अब लेफ्ट लिख दिया। सो देखिए गाइस को जूम कर देता हूँ, आपने देखा सब लेफ्ट साइड से जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इस लेफ्ट को मैं कर दूंगा राइट, सो टेक्स्ट अलाइन राइट, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस राइट साइड से सब आ गए, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आपको एकदम परफेक्टली सेंटर में चाहिए, सो यू हैव टू राइट सेंटर,
इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, परफेक्टली सेंटर में आ गया। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब एक और आता है गाइस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अपर केस या तो लोअर केस। सो आपको करना है अगर अपर केस तो मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस देखिए सारे के सारे अपर केस हो गए। सो इतने होते गाइस टेक्स्ट के अंदर, जहां हमने देखा फॉन्ट फैमिली तो ऑलरेडी फॉन्ट में। सो कलर, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, डायरेक्शन, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर आपको लगे कि मैंने कोई मिस किया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं इंडिविजुअल टिप ऑफ द डे प्रोग्रामिंग जो मेरा सीरीज है मैं उसको जरूर कवर करूंगा। लेकिन बिलीव मी गाइस ये सब परफेक्ट है। तो देखिए गाइस हमने इतने कवर कर चुका है। ठीक है, तो टेक्स्ट के बाद क्या आता है गाइस, लिंक। देखिए लिंक देखना है अब हमें। ठीक है, तो बेसिकली लिंक के सिर्फ चार प्रॉपर्टी होती है। एक होता है लिंक, मतलब अभी तक आपने उस पर विजिट नहीं किया है। दूसरा होता है विजिटेड, इट मीन्स आपने उस लिंक पे क्लिक किया, आप दूसरे पेज पे विजिट कर चुके हो तो वो विजिटेड हो चुका है। होवर मतलब अभी आप देख सकते हो मैं उस पर अभी भी होवर कर रहा हूँ, इट मीन्स ये होवर हो रहा है। एंड देन एक्टिव मतलब मैंने उस पर क्लिक किया लेकिन अभी तक मैंने अपने माउस को रिलीज नहीं किया, मतलब अभी वो लिंक एक्टिव है। ठीक है, तो गाइस इसका मैंने ऑलरेडी कोड लिख चुका है। ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाता तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक एंकर टैग में demo.php हाइपर रेफरेंस लिखा है, उसके अंदर सिंपली दिस इज अ लिंक लिखा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल सिर्फ दिस इज अ लिंक के ऊपर है। क्योंकि देखिए गाइस ये जो एंकर टैग है ना, इस पर मैंने क्या किया, सारे जो लिंक है उसको मैंने क्या किया, देखिए पहला वाला लिंक है। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने पढ़ा था लिंक, मैंने आपको बताया था लिंक, जिसमें मैंने ये दिखा कि ये अनविजिटेड लिंक है तो वो कलर दिखाई देगा रेड। जैसे उस पर मैं एक बार क्लिक होवर करूंगा ना सबसे पहले, तो उसका कलर हो जाएगा येल्लो। जब जब मैं उस पर ऐसे होवर करूंगा उसका कलर होगा येल्लो। मैं जैसे उस पर एक बार क्लिक करूंगा तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, क्योंकि अब वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक्टिव। एंड देन लास्ट में जब मैं अपने माउस को प्रेस करके छोड़ दूंगा तो वो हो गया विजिट, वो दूसरे पेज पे क्लिक दूसरे पेज पे चला जाएगा, तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो इसका फंडा ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक एज इट इज रहता है जिसका कलर रेड रहेगा, जैसे इस पर होवर करूंगा मैं येल्लो हो जाएगा, उस पर क्लिक करने के समय उसका कलर ब्लू, और एक बार क्लिक करने के बाद उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो लिंक इतना ही होता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैंने बताया था अगर कुछ भी अभी तक उस पर विजिट नहीं है, इट मीन्स कलर रेड, होवर करने पे कलर हो जाता है उसका येल्लो। मैं जूम कर रहा हूं, देखिए अभी बहुतों को कंफ्यूज पता किधर आता है, वो ये सोचते भाई ये एक्टिव कब होता है। देखिए एक्टिव मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस पर क्लिक करने के लिए माउस को प्रेस करते हो ना तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको प्रेस करके रखे। देखिए मैंने ये देखा ब्लू हुआ कि नहीं, मैंने एक्टिव को ब्लू दिया था कि नहीं। ठीक है, तो ब्लू हुआ। अब मैं जैसे माउस छोड़ूंगा ये देखिए वो दूसरे पेज पे चला गया जो कि मैंने दिया था demo.php। अब हम वापस बैक जाएंगे, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो कि वो पेज उसको मिला ही नहीं, इट मीन्स अभी भी वो अनविजिटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी तक ग्रीन कलर देखने नहीं मिला क्योंकि हमें उस पे विजिट किया ही नहीं ना। तो उसके लिए देखो क्या करना है, ये इस पेज पे मैं विजिट कर चुका हूँ, thapatechnical.com मेरे वेबसाइट पे मैं विजिट कर चुका हूँ। तो अब इसको मैं demo.php के बदले अपना वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। यहाँ पे भी इसको किया सेव, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। 3, 2, 1 बूम गाइस, देखा कलर ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं thapatechnical.com पे विजिट कर चुका हूं और मैंने कोड में ये लिखा कि अगर विजिट हो जाता तो कलर कर दो उसका ग्रीन। तो ये होता है लिंक। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्या गाइस। दूसरा है बॉर्डर इन CSS। बिलीव मी गाइस बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबके लिए जो बार बार ये सोचते हैं कि बॉर्डर रेडियस गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस होता है CSS3 के अंदर। CSS में बॉर्डर रेडियस नहीं वर्क होता है, समझ रहे हो, मतलब बनाया ही नहीं गया था, लेकिन बोनस है तो मैं आपको बताऊंगा बॉर्डर रेडियस क्या होता है। तो देखिए गाइस बेसिकली बॉर्डर होता क्या है। ठीक है, सो द बॉर्डर प्रॉपर्टीज अलाउ टू स्पेसिफाई हाउ द बॉर्डर ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट शुड वर्क। ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन सिंपल मैं ये बता देता हूं कि जब भी आप कोई कुछ भी किसी पे भी वर्क कर रहे हो तो उसका एक आउटलाइन होता है, समझ रहे हो, एक आउटलाइन होता है, तो वो आउटलाइन बेसिकली आपका बॉर्डर होता है। तो हम बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल देख सकते हैं जो कि होता है सॉलिड, डैशेस, लाइन, डबल लाइन, ऐसे बहुत होते हैं, हम देखेंगे। एंड देन लास्ट वन इज बॉर्डर का विथ। ठीक है, तो ये क्या होता है देखते गाइस। देखिए सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन सबको मैं हटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से मैंने हटा दिया। ऊपर का उसको एज इट इज रहने देना है, तो इतना ये सब भी हटा देता हूँ मैं। सिंपली देखिए क्या करूंगा, एक छोटा सा डिव लूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा गाइस, एक क्लास दे दूंगा बॉर्डर CSS लिख देता हूँ, इस तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ बॉर्डर CSS परफेक्ट। इसको मैं यहाँ पे खाली रहने देता हूँ, कुछ नहीं मुझे लेना देना नहीं है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे याद है मैंने क्या लिखा था, इसको
क्या लिखा गाइस, मैंने क्लास, इट मींस आपको यूज करना है डॉट जस्ट टू एक्सेस। उसको मैंने क्या कर दूंगा, एक विड्थ दे दूंगा, दे देता हूँ गाइस कितना दो 500 पिक्सल, परफेक्ट। ठीक है, हाइट दे देता हूँ गाइस इसको मैं 300 पिक्सल, परफेक्ट। इसका मैं बैकग्राउंड कलर हमने देखा, अभी आपको याद होगा बैकग्राउंड कलर हमने देख चुका है, सो आई विल गिव रेड। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको दिया रेड। इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, रन करके दिखाता हूँ। तो इसको पहले तो मैं जूम कम कर दूंगा इसको, जैसे अच्छा रन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ से तो मैंने इसको सेव किया, बट यहाँ से सेव नहीं किया था मैंने। ठीक है, वापस आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट। ये देखिए 100 पिक्सल, 100 कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन आप नोटिस करो, ये पूरा का पूरा डिप ले रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिप क्यों ले रहा है उसको हम देखना पड़ेगा। ऑल राइट, इसका ले रहा है क्योंकि मेरे को लिखना था विथ, मैंने लिख दिया विंडोज में, वही सोच गाइस मैंने 500 पिक्सल लिखा ना कि 100%। ऑल राइट, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, परफेक्ट। इसको बोलते हैं सिंपल एक बॉक्स, लेकिन इसमें बॉर्डर तो कुछ था ही नहीं, सो बॉर्डर क्या होता है देखिए। तो गाइस अब हम बॉर्डर देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अब सिंपली याद रखो कि बॉर्डर के क्या हमने देखा, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विथ, ये तीनों को आपको एक साथ लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको इफेक्ट दिखाई देगा। सो आई विल राइट बॉर्डर, सबसे पहले तो विथ था, विथ मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लाइन है, इस ये ग्रे कलर है, ब्लैक के बीच ये क्या एक बॉर्डर है, तो यहाँ पे भी बॉर्डर देख सकते हो। तो बॉर्डर की चौड़ाई कितना, मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। बॉर्डर को, बॉर्डर की जो चौड़ाई है उसको कौन सा कलर देना है, मैं लिख देता हूँ ब्लैक, क्योंकि रेड में ब्लैक परफेक्ट दिखता है। ठीक है, ऑल राइट। एंड बॉर्डर का स्टाइल कैसा, मतलब किस टाइप का बॉर्डर चाहिए आपको, मैं लिख, और मोस्टली लोग सॉलिड ही लिखते हैं। ठीक है, ऑल राइट, हम ये देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने क्या लिखा, बॉर्डर विथ 5 पिक्सल, बॉर्डर का कलर लिखा ब्लैक, बॉर्डर का स्टाइल कर दिया सॉलिड। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस ये देखिए जूम कर देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, ये होता है बॉर्डर। ठीक है, अब देखिए सॉलिड के बदले बहुत कुछ लिख सकते हो, सॉलिड लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो डॉटेड, डॉटेड किया मैंने, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए गाइस डॉटेड हुआ कि नहीं, ये तो ये होता है डॉटेड, इसी तरीके से डॉटेड है, देन वी हैव डैश्ड। ठीक है, तो गाइस इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे वेबसाइट पे, आप वहां पे देख लीजिए कितने होते हैं टोटल। ठीक है, तो ये होता है बॉर्डर। ऑलराइट गाइस, ये जो आपने इतना लंबा लिखा ना अभी, आप इसको सिंपली एक लाइन में लिख सकते थे, हाँ इस तरीके से देखिए बॉर्डर लिखा, ये देखिए 5 पिक्सल लिखना है आपको, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी सॉलिड, एंड आपको लिखना है डैश्ड इस तरीके से, परफेक्ट। ये जो तीन को मैं कर देता हूँ कमेंट, ये देखिए अब ये तीन जो लिखा उसको आप सिर्फ एक लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते थे। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, आप देख सकते हो गाइस ये प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ, क्यों, हम चेक करते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड डैश्ड। ऑलराइट गाइस, कैसे होगा, सॉलिड और डैश दोनों के दोनों बॉर्डर के स्टाइल है, हमें सॉलिड तो ठीक है हमें मिल गया, लेकिन डैश वाला नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कलर चाहिए। सो फर्स्ट वन इज विथ, सेकेंड वन इज स्टाइल, लास्ट कलर कौन सा कलर हमने चूज किया था, ब्लैक, परफेक्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जहां पे ये तीन के बदले में सिर्फ एक लाइन के कोड में वो उसको हासिल कर सकता है, ये देखिए गाइस। ठीक है, आपको सॉलिड नहीं चाहिए, आपको डैश चाहिए। ठीक है, आप डैश लिख दीजिए, इसको मैं रिफ्रेश कर दीजिए, परफेक्ट। तो ये होता है बॉर्डर। ठीक है गाइस, तो हमने बॉर्डर देखा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि अब हमारा दूसरा क्या है। ठीक है, ऑलराइट, बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर रेडियस बेसिकली होता है सीएसएस 3 के लिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको सिंपली बॉर्डर रेडियस लिख देना है। ये देखिए अब आपको कितना चाहिए, 10 पिक्सल लिख दीजिए आप। ठीक है, तो 10 पिक्सल इट मींस क्या होगा कि ये जो कोना दिखाई दे रहा है, कोने से 10 पिक्सल ही वो कर लेगा। ये देखिए आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा, ये इसको मैं कर देता हूँ 50, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए ऑलराइट, ये देखा क्या हुआ, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। ऑलराइट, ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या है। ऑलराइट, क्या है दूसरा, लिस्ट। गाइस मैं बता देता हूँ, लिस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन साथ ही साथ उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करता है वो देख लेते हैं अपन। ऑलराइट, इसको मैं हटा देता हूँ बॉर्डर को इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले गाइस हम अनऑर्डर लिस्ट देख लेते। ठीक है, सो मैंने यूएल लिखा, यूएल को मैं कर देता हूँ गाइस एलआई। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ होम, इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, कॉपी कॉपी। ऑलराइट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, हम इसको एक साथ कर लेंगे, कंट्रोल डी, परफेक्ट। नहीं ठीक है, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, इतना हुआ गाइस, इसको मैं अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए आप देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में याद रखो, जब भी आप लिस्ट लिखते हो, चाहे वो ऑर्डर हो या अनऑर्डर लिस्ट, उसका एक बुलेट हाईलाइट होता है, हमेशा एक मार्कर हमें दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मार्कर नहीं दिख रहा, उसका रीजन ये है क्योंकि हमने स्टाइल में इसको पैडिंग एंड मार्जिन दिया। ठीक है, सो जस्ट फॉर नाउ मैं ये कमेंट करके रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए हमें ये दिखाई दे रहा है। सो इसको हमें कैसे चेंज कर सकते हैं,
CSS से, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज रखा, हम इसको UL को कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो उसको चेंज करने के लिए गाइस हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्कल है। आप चाहे तो गाइस इसको आप सर्कल दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो। ठीक है, स्क्वायर लिखा मैंने, अब ध्यान दीजिए इस पर, ध्यान दीजिए सर पे। बूम गाइस देखिए क्या हुआ, इसका हो चुका भी ये स्क्वायर। तो ये होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, जहाँ पे आप उसका स्टाइल का टाइप चेंज कर सकते हो। पहले सर्कल था, नाउ इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस ये जो हमने देखा, ये देखा अनऑर्डर के लिए, नाउ वी विल सी फॉर ऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे मैं एक और ले लेता हूँ जो कि है फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर के लिए आपको सिंपली ol लिखना है। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। यहाँ पे एक li लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस अबाउट। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सो मैंने लिख दिया अबाउट, इसको मैं ऑर्डर, मैंने इसको तीन बार लिखा। यहाँ पे जाके अब मैं क्या लिखता हूँ, ol। सो एक काम करते गाइस, अब हम पहले तो ये देख लेते कि ol कैसा दिखता है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस याद रखो ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट कैसे आता है, 1 2 3 करके। ठीक है, तो इसका भी आप लिस्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए देखो क्या लिखना है, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब देखो रोमन या तो अल्फा, अब दोनों में से कर सकते हो, लेकिन उसको भी आप या तो लोअर अल्फा कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लोअर अल्फा लिखूंगा मैं, रिफ्रेश करूंगा। देखिए अल्फा मतलब अल्फाबेट ABCD, तो ये लोअर है। अब इस तरीके से इसको लोअर के बदले कर सकते हो अपर। सो आप इसको लिख दीजिए अपर अल्फा, इसको इस तरीके से डिलीट कर दीजिए, कंट्रोल एस सेव करता होगा इसमें। जैसे रिफ्रेश करूंगा देखिए कैपिटल हो गया। वहीं आप अल्फा के बदले आप रोमन भी लिख सकते हो, इस तरीके से रोमन लिख के मैंने रिफ्रेश किया तो 1 2 3 रोमन लेटर। अब वहीं अपर के बदले गाइस आप इसको लोअर भी कर सकते हो, इस तरीके से लोअर, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए 1 2 3। तो ये होता है गाइस हमारा लिस्ट। ठीक है, तो इतना ही था लिस्ट में। अब हम देखते क्या है दूसरा, बॉक्स मॉडल CSS। गाइस ये बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, और गाइस अब हम देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बॉक्स मॉडल के अंदर चार चीजें आती है, जो कि ये कंटेंट जो हम लिख रहे हैं, देन पैडिंग, बॉर्डर मैं आपको बता चुका हूँ बॉर्डर ये वही है, एंड मार्जिन। तो हमें देखना है ये पैडिंग एंड मार्जिन क्या होता है। कैसे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। पैडिंग मतलब आपका जो कंटेंट है और जो आपका बॉर्डर है, उसके बीच का स्पेस को अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, आपको पैडिंग यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। अगर आपको बॉर्डर की आउटसाइड की जो स्पेस है उसको डिक्रीज इंक्रीज करना है, देन आपको यूज करना पड़ेगा मार्जिन। आई नो थ्योरी में आपको थोड़ा कम समझा, ठीक है, एक्चुअल में कम ही समझता है उसमें, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पैडिंग। तो देखिए गाइस इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिप लेता हूँ सिंपल सा। ठीक है, इस डिप को गाइस मैं एक नाम देने वाला हूँ बॉक्स मॉडल करके। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड देने वाला हूँ। इनपुट फील्ड से बेस्ट पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, एक लेवल दे देता हूँ यूजर नेम, इस तरीके से इसका नाम दे देता हूँ यूजर नेम। परफेक्ट, यूजर नेम दिया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनपुट टाइप, इस तरीके से परफेक्ट टेक्स्ट दूंगा और इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स मॉडल जो ये मैंने लिखा है इसको गाइस मैं, और हाँ याद रखो ये मेरा क्लास है तो मैंने बॉक्स मॉडल लिखा, इसको मैं विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ। फिर से विंडो विड्थ देता हूँ गाइस इसको मैं 400 pixels, परफेक्ट। ठीक है, हाइट दूंगा मैं गाइस 400 pixels, बेसिकली मैं एक स्क्वायर का डब्बा बना रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ रेड, परफेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने किया रिफ्रेश तो कुछ ये इस तरीके से दिखने वाला है 100% में, जो कि मेरा यूजर नेम यहाँ पे। गाइस मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं तो एक काम करता हूँ गाइस, इसका हाइट मैं 200 pixels कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको जूम करूँ तो ये फटे ना एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। देखिए गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट में कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। आपको क्या ध्यान देना है कि जो मैं ये थापा टेक्निकल लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बस उस पर ध्यान देना है। और ये ध्यान देना है कि ये जो टी है ना, टी स्टार्टिंग का टी देखिए, और इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं, जबकि यहाँ पे देखिए कितना गैप है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बिल्कुल गैप नहीं है। सो मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, एक बार मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बॉक्स मॉडल। हाँ, तो बेसिकली ये देखिए, ये मेरा कंटेंट है, ये पैडिंग, अभी तक पैडिंग मैंने यूज किया नहीं, ये उसका बॉर्डर, ये उसकी मार्जिन। तो ये जो मेरा कंटेंट है उसके, और ये जो बॉर्डर है, अभी मैंने आपको बॉर्डर दिखाया था, उसके बीच के स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग। अब बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है ना, आउटर स्पेस, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और राइट नीचे चला गया, परफेक्ट। हाँ ठीक है, इतना रख देता हूँ। अब आपको ये ध्यान देना कि मुझे ये इनपुट फील्ड के अंदर स्पेस चाहिए, ताकि थापा जो लिखा उस थोड़ा यहाँ से, ये जो ए स्टार्ट हुआ ना,
वहां से मुझे थापा स्टार्ट होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, देखिए गाइस, पैडिंग यूज करूंगा, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप, चार वैल्यू होती, इतना याद रखना। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, पैडिंग लेफ्ट, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से पैडिंग चाहिए, इट मींस मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस चाहिए। सो आई विल राइट 20 पिक्सल, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बूम गाइस, ये देखा आपने। अब अगर जो भी मैं लिखूंगा, आप देख सकते हो गाइस, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नहीं हो रहा। उसका रीजन पता क्या है, उसका रीजन ये कि मुझे बॉक्स मॉडल को पैडिंग नहीं देना है, मुझे पैडिंग देना है तो किसको, मुझे इनपुट बॉक्स को देना है, समझ रहे हो। तो मैंने लिखा से बस हमें क्या करना है, एक्सेस रॉन्ग किया था हमने। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो इनपुट फील्ड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा क्योंकि एक एलिमेंट है। यहाँ पे बस मैं सिंपली क्या लिख दूंगा गाइस, पैडिंग लेफ्ट एंड 20 पिक्सल, ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, याद रखो मुझे इनपुट को करना था। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, देखिए अब मैं जैसे लिखूंगा, बूम गाइस, देखा आपने, टी के बीच में पहले स्पेस था, नहीं था, अभी मुझे पैडिंग मिल गया। तो बेसिकली आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं पैडिंग पे भी जाऊंगा ना, आपको क्लियर दिखाई देगा, वो ये मेरा हो गया है कंटेंट, ये उसका पैडिंग, ठीक है, कंटेंट, पैडिंग, ये उसका बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर हाईलाइट होता है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। सो ये होता है पैडिंग। अब मेरे को ऊपर और नीचे से भी पैडिंग चाहिए ना, सो व्हाट क्या लिखूंगा गाइस, मैं पैडिंग मैं लिख देता हूँ टॉप, ऊपर से मुझे चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। अब इस तरीके से बॉटम लिख सकते हो, देखिए गाइस, ये देखा क्या हुआ, मुझे पैडिंग मिला लेफ्ट साइड से, पैडिंग मिला ऊपर से, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग, और याद रखो पैडिंग आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आपकी इनपुट का साइज भी बढ़ते जाएगा, वो याद रखना, इनपुट फील्ड का साइज भी बढ़ जाता है। तो आपने देखा गाइस किस तरीके से हमने पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग टॉप देखा, उसी तरीके से आप पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग राइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं ये पैडिंग इसको हटा देता हूँ, और हाँ इसका शॉर्ट प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। अब सिंपली अगर पैडिंग भी लिखोगे ना गाइस, ये देखिए सिंपली पैडिंग आपको लिखना है 5 पिक्सल, इट मींस पैडिंग लाइव। और हाँ याद रखो पैडिंग का पता कैसे वर्क होता है गाइस, पैडिंग होता है सबसे पहले टॉप को, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, ऐसे मैटर नहीं करता सबसे पहले, लेकिन ये सिक्वेंस है। अगर आपको चार वैल्यू देना है, मैं पहले तो सिंपल लिख के दिखाता हूँ 5 पिक्सल, इसको रिफ्रेश कर दूंगा, तो देखिए गाइस परफेक्टली 5 पिक्सल चारों तरफ से, लेफ्ट से भी लगा, टॉप से भी लगा, चारों तरफ से लग चुका है। तो इस तरीके से चाहे तो आप 5 पिक्सल लिख सकते थे, नहीं तो आप 5 पिक्सल। तो बेसिकली ये जो मैंने 5 पिक्सल चार बार लिखा है ना, तो देखिए क्यों लिखा मैंने, ये जो पहली वैल्यू है ये है मेरा टॉप के लिए, ये जो मेरा दूसरा वैल्यू है ये है मेरा राइट के लिए, ये जो मेरा वैल्यू है ये है मेरा बॉटम के लिए, और ये है मेरा लेफ्ट के लिए। तो यही सेम मार्जिन के लिए भी यूज होता है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम होगा, क्योंकि चाहे तो आप 5 बार इस तरीके से लिखो, या तो सिंपली पैडिंग को अगर आप एक बार लिखोगे और सिंपली 5 पिक्सल भी लिख दोगे, इट मीन्स ये आपके चारों के चारों, इट मीन्स ये और ये लाइन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हमने पैडिंग समझा, हमने बॉर्डर देख चुका है, कंटेंट तो यही है जो मैं थापा लिखा हूँ। अब देखिए गाइस क्या करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इनपुट फील्ड, ऊपर से देखिए चिपक के आ रहा है, मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए, मुझे अंदर स्पेस नहीं चाहिए, मुझे ऊपर, ये जो इनपुट फील्ड है और ये जो बॉर्डर है मेरा एक्चुअल डिब है उसके बीच में स्पेस चाहिए टॉप से। तो मैंने क्या बोला कि आपको मार्जिन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बॉर्डर के बाहर के लिए। ये तो बॉर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर है वो बॉर्डर है, उसके बाहर के लिए आपको मार्जिन यूज करना पड़ता है। सो आप लिखोगे मार्जिन, मार्जिन टॉप, हाँ इसमें भी सेम वही है, मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मार्जिन में लिख देता हूँ 50 पिक्सल, परफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा मुझे ऊपर से मिल चुका है। और उसी तरीके से गाइस आप चाहे तो मार्जिन लेफ्ट भी लिख सकते हो, मार्जिन लेफ्ट लिख दो आप 20 पिक्सल का, कंट्रोल एस सेव करके रिफ्रेश करो, ये देखा आपने, देखा यूजर नेम उधर ही है लेकिन इसके बीच डिफरेंस बढ़ गया। तो ये होता है पैडिंग, ये होता है मार्जिन, एंड बिलीव मी गाइस, मैंने पैडिंग और मार्जिन के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको नीचे ऊपर ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको वो भी एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अब उसी तरीके से जो मैंने आपको दिखाया था गाइस, ठीक है, अब मार्जिन को भी आप उसी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे तो आप सिंपली मार्जिन वैल्यू लेके शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अगर आप लिख दोगे 10 पिक्सल, इट मींस टॉप बॉटम राइट बॉटम और ये जो लेफ्ट साइड है इस चारों को लग जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए गाइस, टॉप से 20, इधर से भी 20, नीचे से भी 20, इधर से भी 20, सॉरी 10, इधर से 10, इधर से 10, इधर से 10, इधर से 10। तो ये होता है पैडिंग, ये होता है मार्जिन, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल। ये मेरा कंटेंट, ये पूरा का पूरा हो गया है मेरा बॉक्स मॉडल। ऑलराइट गाइस, तो बॉक्स मॉडल हमने देखा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब आता है स्क्रोल बार,
ऑल राइट गाइस, नाउ वी विल सी स्क्रोल बार। तो बेसिकली स्क्रोल बार में इसलिए लिखा है, इसको एक्चुअल में ना सीएसएस में बोलते हैं ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। हाँ, लेकिन मैंने स्क्रोल बार लिखा क्योंकि इसका मेन काम स्क्रोल के लिए यूज होता है। तो देखिए इसकी तीन प्रॉपर्टी है। ओवर स्क्रोल बार प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो की चार प्रॉपर्टी है, आई मीन ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर चार वैल्यू है। एक है विजिबल, एक है हिडन, दूसरा है स्क्रोल एंड लास्ट वन इज ऑटो। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ गाइस। देखिए ये मेरा इंडेक्स एचटीएमएल पेज है, मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, इस पर डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये डमी टेक्स्ट को मैं प्रॉपर बनाता हूँ, ऑल राइट, और यहाँ पे पी को मैं परफेक्टली क्लोज कर देता हूँ, ऑल राइट, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये जो मेरा पी एलिमेंट है इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा अभी। तो होता क्या है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेरा पी है इसको मैं एक विड्थ दे देता हूँ, लेट्स से 200 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, और इसको मैं गाइस क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। और भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बॉर्डर सिर्फ सिंगल लाइन में यूज करना है देन आप कैसे करोगे, आपको लिखना है बॉर्डर का विथ, बॉर्डर का स्टाइल एंड देन बॉर्डर का कलर, परफेक्ट। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ गाइस, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये वो कर दिया, देखिए गाइस परफेक्ट ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि ओवरफ्लो आपको कब यूज करना है। लेट्स से कि आपने एक जमीन खरीदा, लेकिन आपने इतना जमीन, आपने समझ लो कि ये आपका जमीन है, ठीक है, और ये आपको जमीन के अंदर वो सारी चीजें को लगाना है या मतलब वो रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि जमीन की स्पेस कम है लेकिन आपके पास सामान बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे ओवरफ्लो पता है क्या करता है, वेबसाइट के केस में वो बोलता है कि भाई एक के ऊपर एक रख दो। आप क्या करोगे गाइस, अगर जमीन छोटा है तो आप जो भी सामान है उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके आप अपने एरिया में रख दोगे। तो उसी तरीके से अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आपको सिर्फ ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है रेड कलर, उतने के अंदर ही आपको ये सारा का सारा टेक्स्ट दिखाना रहा, तो समझ लो अभी तो देख सकते हो सिर्फ इतना ही पार्ट दिख रहा है, बाकी सब बाहर आ गए। तो सबसे पहला काम पता क्या हो सकता है, आप चाहे तो इतना दिखा सकते हो, बॉर्डर के बाहर जितना है उसको आप हाइड कर सकते हो। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है ओवरफ्लो और आपको लिख देना है हिडन। इस तरीके से आपको लिखना है ओवरफ्लो हिडन, इट मीन जितने भी ओवरफ्लो हो रहा है, पानी का बोतल जब आप भरते हो, एक बार पानी फुल हो गया तो बाहर क्या होता है, ओवरफ्लो होता है ना पानी का। तो उसी तरीके से इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने क्या हुआ, जो भी था वो हाइड हो गया, समझ रहे, क्योंकि आपको तो उतने एरिया के अंदर दिखाना था। लेकिन ये अच्छा नहीं ना, ऐसा हो सकता आपने एकदम मस्त कुछ लिखा था, आप चाहते लोग उसको पढ़े लेकिन वो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, हाल शुरू के 4-5 लाइन ही पढ़ पाएंगे। तो देखिए गाइस एक होता है हिडन, अगर आप ऑटो लिख दोगे ना तो देखो क्या होता है, ऑटो का अगर मैं रिफ्रेश लिखूंगा, ऑटो में देखिए बाय डिफॉल्ट वो इस तरीके से एक स्क्रॉल बना देगा। ऑटो मतलब कुछ ऐसा करेगा कि जिससे लोगों को पढ़ने में मिल जाए और आपका जमीन का काम भी एकदम प्रॉपर हो जाए। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखिए पहले हमें नहीं दिख रहा था लेकिन एक स्क्रोल बार आ गया, जूम कर देता हूँ मैं, पहले एक स्क्रोल बार आ गया, वो उस स्क्रोल बार को नीचे नीचे करेगा और बंदा मजे से पूरा पढ़ लेगा आपका स्टोरी। तो ये होता है ऑटो, लेकिन दूसरा होता है स्क्रोल करके, ठीक है। तो बेसिकली स्क्रोल में क्या होता है, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा ना तो आपको ध्यान देना है गाइस, ऑटो और स्क्रोल में डिफरेंस क्या है। ये जो हम रीड करना चाहते हैं इसको हम सिंपली सिर्फ वर्टिकल, ये जो स्क्रोल बार से भी हम रीड कर पा रहे थे, लेकिन अगर आप सिंपली स्क्रोल लिखोगे तो आपको नीचे भी एक और जूम कर देता हूँ। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, आपको लाइट ग्रे कलर दिख रहा होगा। देखिए ये मेरा रेड कलर का बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए ये स्क्रोल है और नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रोल आ चुका है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, देखिए गाइस, ठीक है। तो गाइस ये था ओवरफ्लो, जहाँ पे आपने देखा कि ऑटो लिखने पे भी हमें बेस्ट रिजल्ट आ रहा था। अब चाहे तो राइट साइड को भी हटा सकते हो और लेफ्ट साइड को भी हटा सकते हो, ठीक है, बाय सिंपली यूजिंग ओवरफ्लो एक्स, नहीं तो आप ओवरफ्लो वाई करके, वाई मतलब आपको वर्टिकल, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बेसिकली आपका मेन इतना याद रखना है, हिडन, ऑटो एंड स्क्रोल। तो देखिए गाइस अब हम देखते हैं कि अब दूसरा क्या है, को था ये ओवरफ्लो, नाउ वी हैव पोजिशन इन सीएसएस, बिलीव मी गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो पोजिशन क्या होता है, समझ रहे हो, पोजिशन मतलब आप अगर स्कूल के लाइन पे खड़े हो और मॉर्निंग की असेंबली चल रही होता है, आप क्या करते हो, छोटे से बड़ा एक के पीछे खड़े हो जाते हो ना, समझ रहे हो। कोई अगर लंबा बीच में आ गया या ऐसा कोई हाइट में ऊपर नीचे वाला आ गया तो क्या करते हैं, एकदम वापस से जो मेन क्लास का जो लीडर होता है, ठीक है, या जो मॉनिटर होता है, वो वापस एक बार चेक करता है कि सब एकदम प्रॉपर लाइन में खड़े हैं या नहीं, सबका पोजीशन सही है या नहीं। तो यहाँ पे भी वही पोजीशन है गाइस, यहाँ पे आप समझ लो कि आपका ये जो घर है, ठीक है, अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ, सपोज ये आपका एक घर है और आपके पास चार बंदे हैं, ठीक है, थीके? आपको क्या चाहिए, एक बंदे को आपको इस कोने में फेंकने का है, दूसरे बंदे को इस कोने में, तीसरे बंदे को इस कोने में। तो आप क्या करो कि आपके पास चार बंदे थे,
आपने चारों को एक एक कोने में रखा है, तो आप क्या करो, पोजीशन दे रहे हो उन चारों को कि तुझे इस पोजीशन पे खड़ा होना है, तुझे इस पोजीशन पे, तुझे इस और तुझे इस वाले पे। तो ये जो होता है ना, ये होता है पोजीशन। हाँ, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको देखिए गाइस। पोजीशन में बहुत होते हैं, चार वैल्यू होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है गाइस आपका एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मैं एक डिव ले लेता हूँ, ऑलराइट, इसको क्लास दे देता हूँ गाइस मैं फादर। हाँ, देखिए आप समझ लो ये फादर है, इसके अंदर और इस इन, इसके चार बच्चे है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस, कुछ भी लिख दो, थापा लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं चार बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कॉपी कॉपी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहता है कि इसको, ये जो मेरा मेन डिव है ना, इसको इसको मैं अपना जमीन मानूंगा और इसके हिसाब से इन चारों को मैं पोजिशन करूंगा। ठीक है, तो आपको एकदम प्रॉपर समझ जाएगा। इसको मैं पहले एक बार कॉपी कर लेता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से कैसे मुझे यहाँ पे क्लास लगाना पड़ेगा। याद रखो मैं क्लास यूज करूँ क्योंकि चारों को प्रॉपर्टी देना है। ठीक है, सेम। सो मैं यहाँ पे इनको लिख देता हूँ, जैसे पोज लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ वन, इसको दे देता हूँ टू, इसको थ्री, इसको फोर, ऑलराइट। ठीक है, एक है फादर, एक काम करता हूँ कैसे, जो मैंने पोज लिखा है ना, पोज नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर मैंने फादर लिखा है तो इट विल बी बेटर अगर मैं नीचे लिखूंगा चाइल्ड। ठीक है, सो ऑलराइट, चाइल्ड नंबर वन टू थ्री फोर, ये थापा इज इट इज, रहने दीजिए, मैटर नहीं करता, परफेक्ट। तो देखिए कैसे जो मैंने फादर को यहाँ पे लिखा, आपको प्रॉपर समझ जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो इसको मैं विड्थ दूंगा गाइस कितना, इसको मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल। ऑलराइट, मैं आपको सेंटर में कैसे करना है वो दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने मार्जिन और पैडिंग पढ़ चुका है। देखिए आपको पोजीशन अभी आपको समझ जाएगा। ठीक है, सो पोजीशन देता हूँ गाइस मैं सबसे पहले इसको रिलेटिव, ऑलराइट, इस तरीके से इसको मैंने, ठीक है, पोजीशन मैं नहीं देता अभी आपको, वरना डाउट आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं इतना करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, इस तरीके से, परफेक्ट। इतना मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया, इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा, ऑलराइट, 100 125। ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, एक काम करता हूँ, विड्थ बढ़ा देता हूँ मैं 600 और हाइट कम कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 300। ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, परफेक्ट, ये हमें थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो थापा 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 इस तरीके से। ठीक है, ये हमने अपना फादर बना लिया है, घर बना लिया है। अब फादर के चार बच्चों को भी हम स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, सो कैसे करना है, देखिए चाइल्ड वन, सबसे पहले चाइल्ड वन क्लास है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं विड्थ दूंगा लेट से 100 पिक्सल का। ठीक है, हाइट भी दूंगा मैं इसको गाइस, हाइट कितना दूँ इसको मैं, ठीक है, 60 पिक्सल दे देता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड कलर देना बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ गाइस मैं ग्रीन। ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, देखिए गाइस, ग्रीन मेरा फर्स्ट वाला चाइल्ड है, ये बाकी मेरे तीन चाइल्ड है। ठीक है, तो इन ये तीन के तीन वाले को भी मैं क्या कर देता हूँ गाइस, 1 2 3, परफेक्ट। इसको मैं चाइल्ड टू कर देता हूँ। ठीक है, बस कलर चेंज कर दूंगा ताकि आपको दिखाई दे, ऑलराइट, इसको येलो कर दिया। ये जो है इसको चाइल्ड थ्री, इसको मैं कर देता हूँ गाइस ऑरेंज। ठीक है, आप कुछ भी कलर दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऑरेंज, परफेक्ट। ये जो मेरा लास्ट वाला है इसको मैं कर देता हूँ चाइल्ड फोर, इसको मैं कर देता हूँ गाइस ऑरेंज के बदले, इसको मैं कर देता हूँ पिंक, ऑलराइट। ठीक है, कोई भी कलर। अब देखो, अब मैंने जैसे लिखा है, मुझे थापा और जूम कर देता हूँ, परफेक्ट, और जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो थापा थापा थापा, लेकिन कलर अलग अलग है। ठीक है, अभी देखो हमने इसमें पोजीशन कुछ यूज नहीं किया है, और याद रखो डीप जब भी आप यूज करोगे बाय डिफॉल्ट वो एक के नीचे एक ही आता है, साइड में नहीं आता है, वर्टिकली एक के नीचे एक आता है। ठीक है, तो देखिए गाइस मुझे क्या चाहिए कि पोजीशन यूज करना है, और मैं चाहता हूँ कि थापा इस, ये जो फर्स्ट वाला अपनी जगह पे रहे, ये सेकेंड वाला थापा इस कोने पे चला जाए, थर्ड वाला थापा यहाँ पे चला जाए, और ये जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे आए। तो आप क्या करोगे ऐसा कि ये प्रॉपरली चारों तरफ चले जाए, समझ रहे हो? तो क्या करोगे आप ऐसा, तो उसके लिए देखिए गाइस क्या करना है, हम पोजीशन यूज करेंगे, और पोजीशन होता है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब अगर आप, तो देखिए गाइस सबसे पहले ये रिलेटिव क्या होता है, अगर आप किसी को भी रिलेटिव लिख के दोगे ना पोजीशन, इट मींस कि जहां पे वो खड़ा है, जिस पोजीशन पे वो है, उसी को अपना पोजीशन मान लेता है। इट मींस रिलेटिव मतलब जिस जगह पे वो है उसी को अपना पोजीशन मान लेता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन को अपना पोजीशन मान लेता है, लेकिन जब अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट लिख लेते हो, इट मींस कि उस, अब वो जो पोजीशन आपने एब्सोल्यूट लिख दिया, ठीक है, हम इन चारों को लिखने वाले, तो वो जिस डिप के अंदर है, मतलब उसका जो फर्स्ट पेरेंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरे चारों को चारों डिप है वो किसके अंदर है गाइस, इस वाले डिप के अंदर है, तो ये वो उसका पहला पेरेंट हो गया। तो अब ये जो चारों के चारों डिप है ना, वो इसको अपना रिलेटिव मानेंगे, इसको अपना एक्चुअल घर मानेंगे, और उसके हिसाब से अब वो जगह जगह पे चले जाएंगे। तो आप इसको चाहे कितना भी कुछ भी करो, वो इनके अंदर ही रहने वाला है,
समझ लो, आप इतना समझ लो कि आपने एक जमीन खरीदा जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि कोई आपके ऐसे सामान है जिसको आपको सजाना है, तो गाइस आप क्या करना है कि उस जमीन को आपको रिलेटिव दे देना है, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दे दीजिए, और जो जो चीजें को आपको सजाना है उसको आप दे दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा कि अब जो भी आपके एब्सोल्यूट थे, जो भी आपके सामान थे, अब वो उसको अपना घर मान के वहीं पे वो सज अब उसको कहीं पे भी सजा सकते हो, सिंपल इतना समझ लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप एक और समझ लीजिए कि ये मैंने जिससे बताया ये पूरा उसका पेरेंट है, ये उसके चाइल्ड है, तो पेरेंट के पास ये अधिकार रहता है अपने चाइल्ड को समझाने के लिए कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। तो जैसे ये चारों के चारों बच्चे अगर झगड़ा कर रहे तो पेरेंट बोलेगा तू एक कोने में जा, तू एक कोने में, तू दूसरा कोने में, तो ये वाला जो ग्रीन है ना वो इस डीप को छोड़ के यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, वो इसी डीप के कोने में जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जब हम पोजिशन देते तो वो जिस पेरेंट के अंदर है ना, जिस भी पहला फर्स्ट पेरेंट के अंदर, उसको अपना घर मान लेता है, ठीक है। तो देखिए अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जब इसको हम पोजीशन करेंगे ना एब्सोल्यूट, वो परफेक्टली इस जगह पे आएगा, बाहर पे नहीं आएगा, वो जो थर्ड वाला है इस जगह पे आएगा, इधर नीचे वाले पे नहीं आएगा, ये लास्ट वाला यहाँ पे आएगा। तो अब समझ लीजिए पेरेंट ये चाइल्ड, ऑलराइट। तो देखिए अब क्या करना है, मैंने आपको बताया आपको पोजिशन रिलेटिव एब्सोल्यूट तब यूज करना है जब आपके पास एक जमीन है, आई मीन आप समझ लो कि आपने घर खरीद लिया, ये आपका एक कमरा है और आपके पास बहुत सारे फोटो फ्रेम है, तो आप सिंपली कमरे को पोजीशन दे दीजिए रिलेटिव, फोटो फ्रेम को दे दीजिए पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर आप उसको कहीं पे भी टंगा सकते हो, हैंग कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। एंड आई होप आपको समझ गया होगा। तो इस फादर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने किया है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका पोजीशन करना है गाइस रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर इन चारों को फेंकना है, ये बच्चों को एक एक जगह पे रखना है। देखिए मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया, कुछ असर नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि रिलेटिव मतलब जहाँ पे वो है उसी को ही अपना मान लेता है जगह, तो उसका अपने ये तो ऑलरेडी जिधर था उधर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हम इन चारों के चारों को अगर पोजीशन देंगे ना तो देखो क्या होता है, इसको मैंने दे दिया गाइस पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, इसको जैसे मैंने कॉपी किया इसको भी कॉपी करूंगा। एक बार मैं आपको दो जैसे मैंने कॉपी किया देखो क्या होता है, दोनों के दोनों एक ही के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, वापस पोजीशन एब्सोल्यूट, इस वाले को कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। तो गाइस बेसिकली हो ये रहा है कि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट लिखते हैं ना, इट मींस अब वो प्रॉपर, ये मेरा कौन है, पेरेंट है, ये कौन है, चाइल्ड है, प्रॉपर पेरेंट के कंट्रोल में आ चुका है। पेरेंट ने क्या बोला इसके फादर ने, एक स्ट्रेट लाइन पे खड़े हो जाओ, ये चारों के चारों एक ही लाइन पे खड़े हो गए, और इन सबकी तो हाइट और विड्थ भी तो सेम है ना, समझ रहे हो। अगर एक लाइन है और सबकी हाइट 6 फुट है तो जो सबसे आगे आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा और एकदम जाड़ा रहा, तो क्योंकि बाकी सारे 6 फुट के और सेम है, तो यहीं पे वही हो रहा है कि एक्चुअल में चारों के चारों एक ही जगह पे ही है। इट मीन्स आपने क्या बोला कि अब मुझे पोजीशन चेंज करना है, ठीक है, आप पेरेंट हो, अब आपके अधिकार में सब कुछ है कि आप इस चाइल्ड को कहीं पे भी रख सकते हो। और याद रखो जैसे ही आप पोजीशन यूज करोगे, एक्स्ट्रा चार जो प्रॉपर्टी है वो हम अब इंक्लूड हो चुका है, आप चाहे तो आप सिंपली लेफ्ट लिख सकते हो, ठीक है, देन आप राइट लिख सकते हो, टॉप एंड बॉटम। पहले हमें क्या करना पड़ा था, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, बट आप आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपली लेफ्ट राइट टॉप बॉटम लिखना, ठीक है। तो देखिए गाइस इसको मैं हटा देता हूँ लेफ्ट को, ठीक है, पहला वाला तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए ना, तो देखिए मैं सिंपली लेफ्ट लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से एली लेफ्ट और जीरो, ऑलराइट। इट मींस अब वो अपने जीरो पोजीशन पे ही आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन सेकंड वाला मुझे किधर चाहिए गाइस, टॉप राइट में, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा गाइस, लेफ्ट आई मीन मैं लिख दूंगा राइट और जीरो, इस तरीके से मैंने लिख दिया गाइस इसको जीरो, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा जादू देखोगे आप लोग, बूम गाइस, देखा आपने, क्योंकि अब तो ये बच्चा है और उसका पेरेंट है, तो इसने आपको घर ये माना, अदरवाइज अगर मैं राइट जीरो लिखता तो वो यहाँ पे चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी इस डीप के अंदर ही जहाँ पे भी आप उसको रखना रख सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड वाले को अगर आपको इस जगह पे दिखाना है, यहाँ पे नहीं इस जगह पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बॉटम जीरो लिख दोगे, बॉटम जीरो, ठीक है, मैंने लिख दिया बॉटम जीरो, आप देख सकते हो। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो नीचे आ गया, लेकिन मुझे वो इस जगह पे चाहिए, तो आपने देखा अगर मुझे इस साइड चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, राइट जीरो, तो बॉटम जीरो को रहने दीजिए, उसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा राइट जीरो। तो अगर आप बॉटम जीरो और राइट जीरो लिखोगे तो वो परफेक्टली अपने जगह पे आ चुका है, ऑलराइट। अब ये जो लास्ट वाला है उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है, सो लास्ट वाले को तो अभी मैंने आपको दिखाया, आपको सिंपली क्या लिख देना है, बॉटम, तरीके से बॉटम लिख देना है जीरो, परफेक्ट। और जैसे लिखोगे बूम गाइस, देखा कितना सिंपल था, ये होता है पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ, इन सबको ना मैं वापस बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ, बैक टू नॉर्मल, ठीक है, ऑलराइट, ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है,
अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, पोजिशन के बाद क्या है, जी इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली जी इंडेक्स क्या होता है, देखिए गाइस ये, ठीक है आप इसको पॉज करके रीड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज याद रखना कि जी इंडेक्स हमेशा जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पोजिशन देते हो ना, तभी उसके साथ ही ये यूज होता है, ठीक है। तो हमने पोजिशन दे चुका है, अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सब एक के साथ एक है, लेकिन इतना याद रखना है कि जब भी आपका जो लास्ट वाला डीब होता है ना, वो सबसे टॉप पे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है, सबसे टॉप वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे जो सेकेंड वाला है ना, इसको मुझे टॉप पे दिखाना है। तो क्या उसके लिए यूज होता है जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा होगा वो हमें टॉप पे दिखाई देगा। तो बेसिकली आपने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट देखे होंगे, यहाँ पे एक डीप, उसके नीचे एक डीप, लेकिन उन दोनों के डीप में एक इमेज घूम रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो इमेज को सबसे ज्यादा इन्होंने जेड इंडेक्स दे दिया और मार्जिन, और उसको इस तरीके से मार्जिन दिया कि वो दोनों के बीच में सेंटर है, ठीक है। तो उस तरीके से वो डीप, हम वो जो इमेज है उन दोनों डीप के बीच में दिखाई देता है। यहाँ पे भी सेम वही है, देखिए चारों के चारों एक ही पोजीशन पे, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मुझे थर्ड वाला दिखाना है, ठीक है, आई मीन सेकंड वाला दिखाना है। सो मैं सिंपली इसका जेड इंडेक्स दे दूंगा 1। अभी तो फिलहाल किसी को मैंने जेड इंडेक्स दिया नहीं है, तो इसको दे देता हूं मैं 1। इसको मैं रिफ्रेश करके वो कर दूंगा, बूम गाइस, देखा आपने, येल्लो, क्यों येल्लो। अब उसी तरीके से मुझे थर्ड वाला दिखाना है टॉप पे, सो आई विल राइट जेड इंडेक्स 2। ऑलरेडी 1 दे चुका, जिसका जेड इंडेक्स सबसे ज्यादा वो टॉप पे दिखाई देगा। ये देखिए सबसे फर्स्ट पे कौन है, ग्रीन, ठीक है, जेड इंडेक्स दे दिया 3। इस तरीके से गाइस ये होता है जेड इंडेक्स, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर 100 लोग एक लाइन पे खड़े, अगर आपको चाहिए मुझे जो 10वें नंबर पे खड़ा वो दिखाई दे, लेकिन आप स्ट्रेट खड़े हो, आप आंखें बंद कीजिए, आप सोचिए आप क्लास के मॉनिटर हो, सबसे आगे खड़े हो, और सभी की हाइट जो है ना वो सब 6 फुट वाले, तो आप अगर आगे से खड़े हो कि सबको देखोगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जो 10वें नंबर पे खड़ा वो सबसे पहले दिखाई दे, लेकिन अपने 10वें वाले पोजीशन पे खड़े रह के आप जेड इंडेक्स दे दो 10वें वाले का सबसे ज्यादा, और सबसे आगे आपको वही दिखाई देगा, हालांकि वो अपने पोजीशन पे ही है, समझ रहे हो। तो ये होता है जेड इंडेक्स, ऑल राइट, ठीक है। जेड इंडेक्स के बाद क्या है, ऑल राइट, आई नो आप में से बहुत सारे 50% लोग इसके लिए वेट करेंगे कि कब ये फ्लोट की प्रॉपर्टी आएगी, फ्लोट फ्लोट करके, ठीक है। तो देखिए गाइस फ्लोट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लोट बहुत सिंपल है, एंड बिलीव मी गाइस ये देखने के बाद आपको और इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, ऑल राइट, ठीक है। एंड आई बिलीव आपको समझ गया होगा गाइस ये पोजीशन, ठीक है, मैंने बहुत बेस्ट दिया अपना। तो लाइक तो जरूर बनता है गाइस, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑल राइट। देखिए मैंने आपको बताया था, एक मैं एक डिप ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक डिप है, इसके अंदर मैं 2 डिप लूंगा, ठीक है, और इसमें एक और डिप लूंगा। देखिए मैं आपको मेनू भी बना के दिखा दे रहा हूँ इसी एक वीडियो में। ये मेरा मेन डिप है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेडर, इस तरीके से मैंने दे दिया गाइस, इसका नाम मैंने हेडर। तो बेसिकली मैं मेन्यू बनाने वाला हूँ, जहाँ पे ये जो एक पार्ट होगा ना वो मेरा होगा आइकन के लिए। जैसे ये मेरा मेन्यू है, ये दिखाई दे रहा है, ये एक पार्ट है आइकन मेरा, मेरा आइकन के लिए, मेरा जो चैनल का है, और ये जो दिखाई दे रहा है, सॉरी आइकन नहीं, लोगो, मेरा जो चैनल का लोगो, और ये मेन्यू पार्ट है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखिए गाइस फ्लोट की मदद से, ये मेरा हेडर दे दिया, सेकेंड वाले को मैं क्लास दे देता हूँ इस तरीके से लोगो का, ये जो मेरा थर्ड वाला है, ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ गाइस, इसको मैं मेन्यू नाम से, ठीक है। इसको गाइस कंट्रोल एस सेव किया, सबसे पहले हेडर पे जाता हूँ मैं, हेडर को स्टाइल करता हूँ, ठीक है। सो हेडर मेरा क्लास था, मैं विड्थ देता हूँ गाइस 100%, क्योंकि मेनू का हाइट 100% होता है। इसका मैं हाइट देता हूँ 80 पिक्सल्स, ठीक है, इस तरीके से 80 पिक्सल्स, परफेक्ट। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ गाइस ब्लैक, ऑल राइट, इस तरीके से इसको मैंने कर दिया, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा मेनू का टॉप लेयर बन चुका है, ठीक है। अब देखिए ये लोगो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये लोगो एक्सेस किया गाइस, इसको मैं विड्थ दूंगा सेम यही, इसको डिटो में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को बस विड्थ कम करना, मुझे मेरे जो लोगो है उसके लिए मुझे सिर्फ 30% का विड्थ चाहिए, ठीक है। कितना विड्थ चाहिए गाइस, 30%, परफेक्ट। ये जो ब्लैक इसके बदले मैं कर देता हूँ गाइस, इसको मैं येलो ऑरेंज सही रहेगा, ठीक है, ऑरेंज कर देता हूँ, परफेक्ट। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और हाँ एक और चीज, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, इस तरीके से थापा टेक्निकल, हाँ इस तरीके से मैंने थापा टेक्निकल देखा, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए थापा टेक्निकल मुझे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि वो थापा टेक्निकल एकदम सेंटर पे दिखाई दे, तो आपको क्या लिख देना है, लाइन हाइट, परफेक्ट। इस तरीके से अगर आप लाइन हाइट लिख दोगे, देखिए गाइस मुझे सेंटर में दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे
मतलब अब ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में चाहिए, तो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में टेक्स्ट अलाइन करके आपको लिख देना है सेंटर, तो ये सेंटर में भी आ गया, ठीक है आपका लोगो बन गया, ठीक है। लेकिन पता प्रॉब्लम कहाँ थी लोगों को, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मेन्यू, हाँ मेन्यू के अंदर मैं गाइस क्या करता हूँ यूएल ले लेता हूँ इस तरीके से, इसके अंदर एलआई ले लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैंने अभी आपको दिखाया था ऑल राइट, इस तरीके से मैंने लिख कि इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखा गाइस क्या होता है, होम बेसिकली एक के नीचे एक आता है, वो तो मुझे यहाँ पे चाहिए ना, उसको कैसे करना, देखिए अब वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और याद रखो, ठीक है इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया इसको मैंने पेस्ट, इसको ही मैं वापस कॉपी करूंगा गाइस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट, मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सेंटर पे चाहिए भी नहीं वो। इसका मैं विड्थ दे देता हूँ गाइस 70, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उधर तो 30 ले चुके थे, इसको मैं 70, इस वाले को गाइस मैं कर देता हूँ कौन सा सही रहेगा, रेड सही रहेगा, परफेक्ट, ठीक है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, देखा आपने क्या हुआ गाइस, मुझे एक्चुअल में वो यहाँ पे चाहिए था रेड लेकिन वो नीचे आ गया। तो आप ऐसा मैं क्या यूज़ करूँ, कौन सा सी एस एस की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ कि मेरा ये जो डिव है, समझ रहे हो आप, वो मुझे एक के बाजू में एक मिले, तो उसी के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्लोट आपको तब यूज़ करना जब आप एक आपका एक डिव है उसके अंदर मल्टीपल डिव है, अगर आपको लेफ्ट साइड राइट साइड अगर उसको फेंकना है ना, आपको सिंपली फ्लोट यूज़ करना है। तो बेसिकली ये आपका लेआउट बताता है, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या लिखा, अब देखिए ये पहले वाले को मुझे लेफ्ट और दूसरे वाले को राइट साइड फेंकना है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसका देखिए गाइस क्या लिखूंगा, गाइस में मुझे लिखना है फ्लोट, ठीक है, आपको सिंपली फ्लोट लिखना है गाइस। तो इस तरीके से मैंने फ्लोट लिखा और आपको लिख देना है लेफ्ट, ठीक है। इसको जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये कि क्योंकि जो मेन्यू मैंने लिखा है ना, वो एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो गाइस इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं आपको एकदम क्लियर दिखा सकूँ। सो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ गाइस, मेरा मेन्यू लिख देता हूँ, मैं लिख देता भी क्या हूँ मेन्यू, ठीक है। ये जो यूएल है मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आपको ताकि एक्चुअल में पता चले। तो देखिए गाइस क्या हुआ, मैंने सिर्फ ये जो मेरा पहला वाला डिप है उसको मैंने फ्लोट लेफ्ट किया, इट मीन्स अब वो प्रॉपरली लेफ्ट साइड से उसने 30% अपना हिस्सा ले लिया। लेकिन जो मेरा दूसरा वाला था, ठीक है, ये वाला डिप, इसको मैंने विड्थ दिया था 70%। तो इसको पता क्या हुआ, इसने देखा कि ये जो दो डिप है वो एक ही पेरेंट के अंदर है जो कि है हेडर, एक ही डिप के अंदर है, एक ने फ्लोट यूज किया, तो दूसरा वाला सोच रहा है कुछ तो झोल हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है कि जिसके कारण अब ये लेफ्ट से चिपक गया और ये सिर्फ 30% विड्थ ले रहा है। तो ये सोचता है कि सेकंड वाला नहीं भाई, मुझे भी स्टार्टिंग से ही लूंगा अपना जगह, तो ये भी अपना स्टार्टिंग से जगह ले रहा है, उसके कारण हमें यहाँ तक ही दिखाई दे रहा है और ये स्पेस इतना खाली है। तो बेसिकली ये जो स्पेस है वो इसके इक्वल है, तो ये जो 30% है ना वो इसके इक्वल है 30%। तो अब हमें ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये प्रॉपरली यहाँ से स्टार्ट ना हो, मेरा सेकंड वाला डिप वो इस जगह से स्टार्ट हो जहाँ पे मेरा पहला वाला डिप खत्म हो रहा है। तो गाइस उसी के लिए फ्लोट यूज हुआ है, जहाँ पे मैंने फ्लोट लेफ्ट लिखा है यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है कि आपको लिखना है फ्लोट इस तरीके से राइट, बस आपको फ्लोट राइट लिख देना है। ये देखिए फ्लोट राइट लिखा, 3 2 1 बूम गाइस, देखा आपने क्या हुआ, सिंपल ये मेरा आ गया है। देखिए ये मेरा लोगो, ये मेरा मेन्यू, ये मेरा लोगो, ये मेरा मेन्यू, देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ मेन्यू करके भी दिखा देता हूँ। उससे पहले फ्लोट के बाद क्या है हमारा सी एस एस डिस्प्ले, डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका दिखाता है कि आपको आपका जो मेन आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो जितने भी फॉन्ट है, जो भी टेक्स्ट है, जो भी डीप है, उसको दिखाना किस तरीके से दिखाना है, मतलब दिखाना है भी है नहीं, तो आप चाहते इसको हाइड भी कर सकते हो। हाँ तो देखिए गाइस कैसा होता है, इसको मैंने यहाँ पे मेन्यू को, इसको मेन्यू हटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट ऑल राइट। अब इसको अगर मैं एक और बार रिफ्रेश करूंगा तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मेन्यू को एक के नीचे एक के मतलब एक के साइड में एक चाहिए, एक के बाजू में एक चाहिए, समझ लो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें डिस्प्ले यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखिए गाइस इसको मैं यूएल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। सो मैंने यूएल को सिलेक्ट किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको लिस्ट स्टाइल लिखोगे, ठीक है, आपको क्या लिखना है गाइस, नन, समझ लो। तो लिस्ट स्टाइल नन क्या करता है, बेसिकली आपका ये जो डॉट दिखाई दे रहा है उसको हटा देगा। ये देखिए गाइस लिस्ट स्टाइल नन हो गया। नाउ अब बारी आती है डिस्प्ले की, ठीक है। तो देखिए आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको एक के बाजू में एक दिखाना है ना, आपको सिंपली क्या लिखना है, डिस्प्ले इनलाइन, आपको लिखना है डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन भी होता है, ब्लॉक भी होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी होता है, एक हिडन भी होता है, ठीक है। तो मैंने इनलाइन जैसे लिखूंगा ना, बूम गाइस देखा
ये देखिए, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, वो एक्चुअल में यूएल में काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक लिस्ट है। हमें एक के बाजू में एक दिखाना है, किसको? लिस्ट को। यूएल तो ऑलरेडी एक हो चुका है ना, सो मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। अरे याद रखो, एलआई को मैंने सिलेक्ट किया, इट मीन्स ये तीनों के तीनों को एलआई को वो लग जाएगा, ठीक है। सो मैं सिंपली क्या लिखूंगा गाइस इधर पे, तो देखिए गाइस मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मैं सिंपली लिखूंगा डिस्प्ले इन लाइन। इस तरीके से मैंने जैसे इन लाइन मतलब एक लाइन में, इन लाइन एक लाइन में जैसे मैंने लिखा, देखिए बूम गाइस एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक भी क्या होता है। ब्लॉक मतलब एक लाइन में लेकिन ब्लॉक वाइज। ब्लॉक मतलब अब आपको क्या हो गया कि एक ही लाइन में खड़ा नहीं करना है, आपको एक ब्लॉक दिया कि आप इस ब्लॉक पे खड़े हो जाओ, आप उस ब्लॉक पे खड़े हो जाओ, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा। ये देखा क्या हुआ, तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको ना स्पेस मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनका बॉर्डर दे देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बॉर्डर कलर नहीं, मुझे सिंपली बॉर्डर देना है, ठीक है। सो मैं बॉर्डर देता हूँ जिससे आप लोगों को एकदम कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक परफेक्ट। ये देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, ये देखा आपने क्या हो रहा है, ब्लॉक में क्या होता है पूरा का पूरा ये जो विड्थ होता है ना, पूरा का पूरा वो मिल जाता है, समझ रहे हो। वहीं इससे पहले मैंने क्या लिखा था, इनलाइन। इस तरीके से मैंने जब इनलाइन लिखा तो जितना उसका स्पेस है ना, जितना उसको चाहिए, देखा जितना उसको चाहिए सिर्फ उतना ही स्पेस खाता है इनलाइन लिखने पे। ब्लॉक लिखने पे देखिए क्या होता है, ब्लॉक लिखने की पूरा का पूरा जगह खा जाता है, देखा पूरा का पूरा विड्थ खा लिया। लेकिन वहीं अगर आप इनलाइन ब्लॉक लिखते हो, ठीक है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको ब्लॉक का साइज भी मिलेगा और आपका इनलाइन भी मिलेगा। देखिए ऊपर और नीचे से आपको पूरा एक एरिया मिल चुका है, ठीक है। तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक। ऑलराइट, अभी मैंने आपको बताया था मार्जिन एंड पैडिंग। तो गाइस मुझे क्या चाहिए कि लेफ्ट टॉप से तो मुझे मिल चुका है, टॉप से मुझे मिल चुका, टॉप एंड बॉटम से मैं एकदम परफेक्टली सेंटर में हूँ। सबसे पहले तो मुझे राइट साइड को जाना है, ठीक है। सो मैं यूएल को क्या कर दूंगा गाइस, टेक्स्ट अलाइन और राइट साइड, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आप ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहले मैं राइट टू लेफ्ट देखते क्या होता है, परफेक्ट इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो आप बेस्ट रहेगा टेक्स्ट एलाइन राइट, बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया कि कितने अल्टरनेटिव है, देखिए सेम आने वाला, ठीक है। तो वो राइट साइड को जा चुका है। मुझे क्या चाहिए कि गाइस इनके बीच की ये जो विड्थ वाली स्पेस है ना, ये वाली स्पेस, ये देखिए ये, इसको मुझे बढ़ाना है। तो गाइस आपको क्या करना है, मार्जिन यूज करना है, ठीक है। आप मार्जिन यूज कीजिए, नहीं तो बेस्ट रहेगा कि आप पैडिंग यूज कीजिए। तो ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है ब्लैक बॉर्डर, उसके अंदर की स्पेस आपको मिल जाएगी। तो आप क्या कीजिए, पैडिंग यूज कीजिए इसके लिए। तो आपको क्या लिखना है, पैडिंग आपको किधर का करना है, ये जो ई दिखाई दे रहा है, ये जो एच, एच और ई, ये क्या, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, आपको पैडिंग लेफ्ट एंड राइट करना। तो इसका शॉर्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जहां पे पहला होता है टॉप एंड बॉटम जीरो, दूसरा होता है लेफ्ट एंड राइट, मुझे चाहिए 10 पिक्सल का, ठीक है। ये जो जीरो है ना, बेसिकली टॉप और बॉटम के लिए 10 पिक्सल इज फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश किया, बूम गाइस देखा कितना परफेक्ट है, देखिए ई के इधर स्पेस है, एच के इधर स्पेस है। तो ये होता है गाइस मेन्यू बनाना, आप सिंपली इस तरीके से डिस्प्ले का यूज करके बना सकते हो। अगर आप इसको गाइस इस तरीके से हिडन लिख दोगे, ठीक है, डिस्प्ले हिडन, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऑलराइट, सॉरी डिस्प्ले हिडन नहीं, डिस्प्ले नन होता है, आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले नन। तो देखो क्या होगा, जैसे रिफ्रेश किया, देखिए गाइस कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्ले नन। तो ये होता है, इस तरीके से आप मेन्यू बना सकते हो, ठीक है। ये क्या था हमारा इनलाइन ब्लॉक, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइस ये था फ्लोट, फ्लोट के साथ आप इस तरीके से जो मैंने बनाया, अब इसको हल्का सा स्टाइल देके वो क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट गाइस, अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट क्या है, कर्सर। गाइस आपको अभी तक यहाँ पे आके आपको यकीन आ चुका होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मेरे इस वीडियो में इतना कुछ सीखने मिलेगा ना, जितना आपको बाकी के पूरे वीडियो सीरीज में सीखने नहीं मिलता था सीएसएस में, ठीक है। तो देखिए कर्सर क्या होता है, कर्सर प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस, मैं आपको सिंपल बताऊं तो गाइस ये आप देख रहे हो, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है अभी, ये देखिए ऐसे में घुमा रहा था, उसको ही कर्सर बोलते हैं, जो कि फिलहाल एक पॉइंटर है। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सर को दिखा सकते, तो वो कैसे दिखेगा इस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये स्पेस दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली वो स्पेस को हटाने के लिए गाइस आप क्या कीजिए, इधर पहले तो बॉर्डर को हटा दीजिए, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर क्या कर देता हूँ गाइस, ये बॉर्डर का जो लोगो है, आई मीन ये बॉर्डर कलर, हाँ सॉरी इधर पे भी नहीं, आपको ये जो बॉर्डर दिखाई देगा यहाँ पे, इसको आप हटा दीजिए। इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूंगा, परफेक्ट देखिए आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट पे आ चुका, क्योंकि अब वो बॉर्डर नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो कर्सर के लिए गाइस मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, परफेक्ट इस तरीके से। तो देखिए आपको क्या लिखना है, एक डिव है, उसमें स्टाइल को क्या करना है गाइस, आपको कर्सर लिखना है इस तरीके से।
और ये उसकी वैल्यू है। ये मैं आपको इनलाइन तरीके से बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको हर बार एक्सटर्नल बता रहा था, ये इनलाइन है। जहाँ पे एक डिब है जिसको मैंने ऑटो लिखा, ये उसका नाम है, ये ऑटो कर्सर बाय डिफॉल्ट, ये क्रॉस हेयर, ये डिफॉल्ट, आप इसको देख लीजिए, क्रॉस डिफॉल्ट, क्रॉस पॉइंटर, ये मूव वाला कर्सर, ये ई रिसाइज वाला कर्सर, ये एन ई रिसाइज वाला, एन डब्ल्यू एन एस सी एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू, टेक्स्ट वेट हेल्प, आपने बहुत बार देखा होगा ये टेक्स्ट वाला, वेट वाला बहुत बार देखा होगा, बिलीव मी। अब आपको ये क्रॉस हेयर भी आपको आज देखने मिलेगा, देखिए आपको बस ये कोड लिखना है, आप इसको पॉज कीजिए एक बार समझे, बहुत सिंपल है। कर्सर आपका ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी वैल्यू है। अब उसके अंदर देखिए कितनी सारी वैल्यू है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मैं जैसे रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखिए आपको पता है किस पे ध्यान देना है, देखिए जैसे मैं ऑटो पे गया, इसका कर्सर का देखिए गाइस आप देख सकते हो इसका कर्सर कैसे चेंज हो रहा है, देखिए देखा अभी बाहर क्या है, ये पॉइंटर है, लेकिन जैसे कि ऑटो देखिए ये आई हो गया, क्रॉस हेयर देखिए गाइस प्लस सिंबल हो गया, ठीक है। अब जैसे डिफॉल्ट पे जाता हूँ बाय डिफॉल्ट पॉइंटर, ये देखिए पॉइंटर मतलब उंगली पॉइंट करना, ये मूव देखा आपने, ये मूव के लिए आ चुका है, ई रिसाइज के लिए देखिए गाइस, ठीक है, ये देखिए गाइस ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, देन नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये अब ठीक है, ये एक्चुअल मैं बता रहा हूँ ऐसे साउथ वेस्ट, आप इसको बेहतर याद रख सकते इस तरीके से, और ये है वही भी वेस्ट, ये हो गया टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब कुछ लिखना, तो आई आपने नोटिस किया था हमें एक और जगह पे आई मिला था, ठीक है, ये देखिए ऑटो पे भी आई मिलता है, टेक्स्ट पे भी, वेट, ये देखो गाइस एक्चुअल में देखा आपने जब भी पेज लोड होता तो कैसे वेट का सिंबल आता, आप देखिए यहाँ पे वेट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आई, ये वेट, और ये हेल्प, हेल्प देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आप अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपको ऐसा कोई पॉइंटर दिख रहा है जहाँ पे आप किसी टेक्स्ट पे जाते ही आपको क्वेश्चन मार्क या ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स वो उन्होंने कर्सर यूज किया, ठीक है। All right, guys. Finally, अब CSS भी कंप्लीट हो चुका है guys. And I really hope आपको HTML and CSS अब completely पता चल चुका होगा कि क्या है. And इतना मैं बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी HTML 5 and CSS 3 के ऊपर भी वीडियो बनाया, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लिंक इधर टॉप पे देख सकते हो गाइस, वहां पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ गाइस इट्स टाइम जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ 20 मिनट में आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एंड आई रियली होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉपवॉच लगा के रखा है, एंड बिलीव मी गाइस हम इसको पूरा ये बैकग्राउंड से लेके हमारा ये लोगो बनाने तक पूरा सिर्फ इस एक वीडियो में हम देखेंगे, वो भी सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर। एंड आई रियली होप कि मैं बेस्ट दे सकूँ अपना, एंड सिर्फ बनाना ही नहीं मेरा मेन मकसद रहेगा आप लोग को समझाना भी कि कैसे ये काम चल रहा है, ठीक है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे ये डिज़ाइन कैसे आया, ये 3D इमेजेस कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो बबल टाइप दिख रहा है लोगो कैसे बन रहा है। एंड बिलीव मी गाइस मैं आपको ये सिर्फ 20 मिनट में बना के दिखाता हूँ, आपको समझाऊंगा भी। और ये जो मेन्यू है ये नाम के मेन्यू नहीं, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे गाइस ये मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे भी ये लॉगिन हो जाता है, ठीक है, आई मीन विजिट करता है। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका सोर्स कोड आपको कैसे मिलेगा, डोंट वरी गाइस, इसका सोर्स कोड मैं अपने वेबसाइट thapatechnical.com पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एंड उसका जो लिंक होगा नीचे कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, दैट इज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा ना, देन प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे डेली ऑसम वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड गाइस आपके जितने दोस्त उन सबको भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए। एंड वन लास्ट थिंग गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। एंड ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट टाइम आपको किसके ऊपर देखना है वेबसाइट, जैसे कि अभी मैं फिलहाल डॉक्टर्स के ऊपर मैं बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम टीचर, स्टूडेंट्स, यू नो, इंजीनियर्स या स्पा के ऊपर या मतलब किसी के ऊपर भी अगर आपको देखना हो तो नीचे कमेंट कीजिए, उनमें से कोई भी मैं एक रैंडम सेलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो बातें बहुत हो गई है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इसको बनाने वाले सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर, तो आई होप गाइस आप लोग रेडी हो चुके हो रेडी तो वैसे मुझे होना, लेकिन आप भी रेडी हो जाइए। सो देखिए गाइस मैं क्या करता हूं, मैं इसको करता हूं स्टार्ट, ठीक है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, तो ऑल राइट अभी स्टार्ट हो चुका है गाइस, इसको मैं स्टॉप नहीं करने वाला हूं, ठीक है, मेरे पास टोटल 20 मिनट्स है। तो आपको मैं दिखा देता हूं मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है गाइस, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है, आप अगर देखोगे तो मैंने क्या लिखा है 20 मिनट वेबसाइट, दिस इज इट। उसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ये एक 3D इमेज है बस, बाकी कुछ नहीं है, लोगो एंड जितना भी बैकग्राउंड वो मैं सब खुद से करने वाला हूं। ऑलराइट गाइस इतना हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमेशा की तरह सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया है एंड मैं बस उसी फोल्डर के अंदर हूँ और कुछ नहीं। तो देखिए गाइस सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, index.html, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है index.html, परफेक्ट।
एंड देन यहाँ पे आपको एक फोल्डर चाहिए जो कि है CSS, एंड CSS के अंदर आपको एक फाइल चाहिए डेट इज योर style.css। और लाइट दिस इज इट गाइस, इतना हो चुका है। तो सबसे पहले HTML मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है गाइस। तो देखिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले गाइस, पहले तो लोगो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम देखते कि ऑल राइट एक मिनट हो गया है, ठीक है गाइस। ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, लोगो में कैसे बना तो वो आप देखिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यूज करने वाला हूँ कैनवा, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा, एंड गाइस सॉरी अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से लोगो लिख देता हूँ, परफेक्ट। यहाँ पे लोगो आ चुका है, आई थिंक मैंने शायद लोगो पे क्लिक नहीं किया, तो ऑल राइट इसको मैं काट देता हूँ। मैं यहाँ पे लोगो पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोगो लिखा, ऑलरेडी लोगो दिखाई दे रहा है, ऑल राइट गाइस। तो इसी का ही मैंने यूज किया है, इसको मैं सेंटर पे रख देता हूँ, और ये जो भी लिखा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया है, थापा मैड, जो भी लिखा है इसको गाइस मैं, ठीक है, थापा मैड के लिखा है ना, सो थापा मैड केयर, ऑल राइट। सो गाइस इसका जो स्पेस है उसको लेट्स से कितना दूर, 28, नहीं बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, 42, आई थिंक 42 सही है, ऑल राइट। इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको मैं ठीक सेंटर पे रखता हूँ, और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्ट बनेगा या कैसे बनेगा वो तो मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और ये एक्चुअली मैट केयर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऑल राइट, नाउ दिस लुक्स परफेक्ट, एंड एक सेकेंड, स्पेलिंग में कुछ तो रॉन्ग है, मैट केयर, ऑल राइट। नाउ अब ये ऑसम दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब ये बहुत मस्त दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे, ऑल राइट, ठीक है, ये अच्छा दिखाई दे रहा है। इसको कंट्रोल एस सेव मैं करता हूँ, डाउनलोड, इस तरीके से मैंने इसको किया डाउनलोड, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहा है, ऑल राइट गाइस। तो इधर से ये डाउनलोड हो गया, तो आप देख सकते हो सो इन फोल्डर, जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, परफेक्ट। मैं क्या करता हूँ गाइस, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट किया, अब आप जादू देखिए गाइस, ऑल राइट, दो मिनट हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको मैं यूज नहीं कर सकता, तो PNG ट्रांसपेरेंट करके कुछ तो भी होता है, ठीक है। एक्चुअली गाइस मेरे पास फोटोशॉप था, लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, उड़ गया मेरा तो सब मैं ऑनलाइन के भरोसे मुझे करना पड़ रहा है। तो डेस्कटॉप पे आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट किया, परफेक्ट, ठीक है, सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। एक चीज हमें इसमें करना पड़ेगा, वो ये, मैं एक गलती कर रहा हूँ, ये गलती कि मैं डायरेक्टली इसको ऐसे यूज नहीं कर सकता। सो मैं वापस इस पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, ये मेरा पेंट आ गया, मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, आई थिंक नाउ दिस लुक्स परफेक्ट, क्रॉप कंट्रोल एस, परफेक्ट, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि गाइस इसका साइज थोड़ा बड़ा आ जाएगा, मुझे बड़ा साइज नहीं चाहिए। सो या दिस लुक ऑसम, देखो ट्रांसपेरेंट हुआ, बहुत तरीके गाइस करने के, हजारों तरीके, ठीक है, लेकिन मेरे को सबसे इजी लगा ये। सो इन फोल्डर पे जाता हूँ, जल्दी से कॉपी, परफेक्ट हो गया, कॉपी हो गया। आपने मेन आई थिंक इमेजेस के अंदर इस तरीके से पेस्ट किया, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ लोगो, ठीक है, लोगो डॉट png मेरा काम हो चुका है, ठीक है, दिस इज इट। चार मिनट हो गया, ठीक है गाइस, थोड़ा सा जल्दी मुझे करना पड़ेगा अब, है कि नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, मेक png ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, ऑल राइट। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहाँ गया मेरा वेबसाइट, ऑल राइट, यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, तीन डिबे है कि नहीं। अब देखो आप जादू में मतलब फट से कर देता हूँ इसको। तो देखो सबसे पहले गाइस हमारा मेन क्या है, HTML बोलता है कि हेडर लो, आपका जो भी मेन हेडर है, हेडर के अंदर गाइस मैं एक डिब ले लेता हूँ, ठीक है। डिब को क्लास में क्या दे देता हूँ, इस तरीके से मेन हेडर दे देता हूँ, मेन हेडर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर गाइस मैं क्या करता हूँ, एक और डिब ले लेता हूँ, उस डिब के अंदर मैं इमेज ले लेता हूँ, और उसको जो सोर्स कोड है आपको अभी जस्ट दिया था मैंने, इमेजेस यहाँ पे लोगो, ठीक है, .png, परफेक्ट, इस तरीके से लिख दिया गाइस। और ये जो मेरा डिप, इसको एक क्लास दे देता हूँ लोगो करके, ठीक है, ऑल राइट, ये एक डिप हो गया। अब यहाँ पे मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा नेविगेशन चाहिए, सो मैं नेव बार का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से एंकर टैग, यहाँ पे हैशटैग, यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ होम करके, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, परफेक्ट। ये होम के बदले गाइस मैं क्या लिख देता हूँ, सर्विसेस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ऑल राइट, ये एक बंद नहीं हुआ था। और यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से, मैं
कॉन्कैट कॉन्कैट क्यों लिख रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट, हाँ इस तरीके से कॉन्टैक्ट, ऑल राइट ठीक है, इतना हुआ। एंड गाइस जो लास्ट वाला था एक बटन मैंने लिखा तो उसको भी मैं डिप के अंदर ले लेता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ मेन्यू बटन, कुछ भी दे दो यार मेन्यू का बटन ठीक है चलेगा। एंड यहाँ पे मैं बटन दे देता हूँ इस तरीके से, क्या लिखूँ, हेल्प लाइन लिखा है मैंने कुछ तो भी वहाँ पे, ठीक है हेल्प लाइन, ऑल राइट दिस इज इट। इसको मैं एक बार कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, ऑल राइट 6 मिनट हो गया, यहाँ पे जाता हूँ एंड वोट नहीं, परफेक्ट इस तरीके से गाइस हमें एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं इसका CSS लेके इसको स्टाइल दे देता हूँ, देखो ठीक है style.css पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे गाइस हमेशा आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है मार्जिन पकड़ा दो 0, पैडिंग पकड़ा दो 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ है ठीक है, यहाँ पे आप कर दो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, परफेक्ट ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ यार, एक बार देखता हूँ कि हमारा ये जो कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, नहीं ब्लैक दिखेगा नहीं, सो रेड कर देता हूँ और इसको इधर ऐड भी तो करना पड़ेगा। सो लिंक यहाँ पे CSS फोल्डर के अंदर style.css, परफेक्ट यहाँ पे जाता हूँ, ऑल राइट गाइस ये रेड कलर आ रहा है, इट मीन्स हमारा परफेक्ट CSS फाइल एक्सेस हो चुका है, ये बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट था ये ठीक है, परफेक्ट इतना हुआ। अब मैं ये बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, दिस इज इट गाइस, बैकग्राउंड मैंने हटा दिया है ठीक है, एज इट इज रखता हूँ। तो अगर आपको याद होगा मैंने एक हेडर लिया था मैंने, सो हेडर के अंदर गाइस इसको जो विड्थ है मैं पूरा सबके लिए वही यूज़ करने वाला हूँ, हाइट 100 VH ठीक है। एंड अगर आप सोच रहे हो मैं इतनी जल्दी क्यों लिख रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये ऑलरेडी मतलब कंपनी में काम कर करके हाथ बैठ चुके हैं, बस आप ऐसा समझ लो ठीक है। इसके अब देखो गाइस, अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि मैं CSS फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड में चाके भी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने दिया ही नहीं है ठीक है। अभी मैं फिलहाल बैकग्राउंड नहीं देता हूँ, इसको एज इट इज रखता हूँ ठीक है, हेडर को अभी एज इट इज रखता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड मैंने बनाया नहीं, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर एक डिव है मेन हेडर करके ठीक है। मैं मेन्यू कैसे बनाता हूँ देखो गाइस, और मेन्यू बहुत इजीली बन जाएगा विथ 100% ठीक है, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल का इस तरीके से गाइस ठीक है। हाइट जो मैंने जब 100 पिक्सल दिया ना, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गाइस डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करो, जस्टिफाई कंटेंट एक बार सेंटर कर दो एंड देन अलाइन आइटम सेंटर, तो इस तरीके से आप करोगे तो देखो गाइस सब लाइन बाय लाइन में आ गए। लेकिन आपको कोने कोने में चाहिए तो इंस्टेड ऑफ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज स्पेस बिटवीन ठीक है, ये देखो अपने लाइन पे आ गए परफेक्ट। अब ये जो मेरा मेन हेडर है ठीक है, ऑल राइट मेन हेडर के अंदर आपको अगर याद होगा तो मैंने लिया था लोगो, और लोगो के अंदर है मेरा इमेज, सो डॉट लोगो उसके अंदर है इमेज। सो गाइस लोगो की जो इमेज है उसका जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ 250 पिक्सल्स, मैं अंदाजे से दे रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है क्योंकि मोस्टली मैं इतने ही रखता हूँ। एंड देन जो ठीक है एक बार क्या हो रहा है इसका देख लूँ तो मैं ठीक है परफेक्ट। लेकिन अगर आप देखोगे गाइस इधर पे बहुत कोने में चिपक गया, सो पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ लेट्स से 60 पिक्सल्स ठीक है, इस तरीके से 60 पिक्सल्स दे दिया परफेक्ट, नाउ इट्स लुक गुड। अब ये जो मेरा होम वाला पार्ट है बहुत फालतू दिख रहा है यार, ऑल राइट मैंने शायद ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ मेन हेडर के अंदर जो मेरा नेव है ठीक है, मेन हेडर के अंदर गाइस जो मेरा नेव है ठीक है उसको मैंने लिखा। अब इसको देखो गाइस उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको विड्थ दे देता हूँ 450 पिक्सल का ठीक है, आपको बस जादू दिखा रहा हूँ मैं। एंड देन गाइस अब देखो इतना लिखा ना मैंने, ये कैसे चिपके हुए ना एक दूसरे के साथ, आपको मालूम है अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यूज कर दूंगा तो इसके साथ जादू होने वाला है। एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूंगा एंड अलाइन आइटम सेंटर, दिस इज इट गाइस, इतना मैंने किया परफेक्ट, अपने टाइम पे आ गए। अब मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, सो अब इसके अंदर भी हमारे पास एंकर टैग है ठीक है, वो जो एंकर टैग है सबसे पहले तो मुझे उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको करना होगा नन, ताकि वो वैसा ना दिखे। कलर मुझे वो ब्लू से चाहिए ब्लैक, सो ब्लैक दे देता हूँ ठीक है। एंड देन उसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है गाइस उसको कर देता हूँ मैं अपर केस, इस तरीके से किया परफेक्ट हो गया। अब ये जो बटन है ठीक है, बटन बहुत सिंपल है, ऑल राइट ठीक है इस तरीके से यहाँ पे मैं जाता हूँ और बटन, एक सेकंड टाइमिंग देख लेते कितना, अरे गाइस 10 मिनट हो गया यार पता ही नहीं चला इतनी जल्दी 10 मिनट हो गया ठीक है, कोई नहीं गाइस। बटन पे आपको क्या करना है देखो, बटन भी बहुत सिंपल है ठीक है, सो बटन के लिए गाइस आपको एक काम कीजिए, पैडिंग दे दीजिए इसको फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट से, सो पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल का और
ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आजू बाजू 45 पिक्सल पकड़ा दो, ठीक है। एंड देन गाइस आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। ये तो अच्छा है कि गाइस मेरा एटलीस्ट ये जो ऑटो कंप्लीट रखा, जो मेरा बहुत हेल्प कर रहा है यार, ठीक है, वरना मुझे बहुत टाइप करना पड़ता था। सो फॉन्ट साइज दे दिया, कलर गाइस ट्रिपल एफ वाइट कलर दे दो, एंड बॉर्डर नन कर दो, बॉर्डर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। एंड एक सेकेंड, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना गाइस, इसका जो बैकग्राउंड कलर, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर नहीं, इसका मैं एक बैकग्राउंड इमेज देने वाला हूँ। एंड बिलीव मी गाइस, इसका जो बैकग्राउंड इमेज है थोड़ा सा फालतू है, मैंने चेक किया था एक बार, ठीक है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज का गाइस ये मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि ये कलर मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अगर कलर आपको डिट्टो दिखाना तो गाइस उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, है कि नहीं। तो मैं वापस बैक टू में चलता हूँ, ऑल राइट, इसको एंड यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। इस तरीके से गाइस मैं आया, और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस उसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। दिस इज इट गाइस, इतना करूंगा, नाउ इट लुक्स परफेक्ट। आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा, अब लग जाएगा ये परफेक्ट, इट्स लुक परफेक्ट। लेकिन मुझे ये चाहिए पैडिंग लेफ्ट साइड से गाइस, कितना दे दूँ, 60 पिक्सल पकड़ा देता हूँ, सॉरी 50 पकड़ा देता हूँ। तो लेट से क्या होता है, एक सेकेंड, पैडिंग मत दो गाइस, पैडिंग मत देना, ठीक है, पैडिंग इज द वर्स्ट डिसीजन। एक काम करो, मेन्यू बटन है ना, मेन्यू बटन को, क्योंकि पैडिंग मतलब अंदर की चीज़ों को बढ़ाना, हमें अंदर नहीं, हमें तो बाहर से गैप चाहिए। सो मेन्यू बटन, एंड देन एक काम करो, पैडिंग भी नहीं, मार्जिन राइट कहाँ है भाई, राइट दे दो 60 पिक्सल का, एंड 60 पिक्सल परफेक्ट, इट लुक्स ऑसम गाइस, इट लुक्स ऑसम। 12 मिनट हो चुका है, ठीक है। एंड देन गाइस अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए मेरा, ऑल राइट, तो कैनवा पे जाता हूँ गाइस मैं, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से गाइस मैं एक और डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ, वो ये कि यहाँ पे गाइस दे देता हूँ 1200x750, एंड दिस इज इट, इतना हुआ। एक एम्प्टी रखने वाला हूँ, मुझे वो जो मेरा बैकग्राउंड है वो चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो इस पे जाता हूँ, जल्दी आ जा, यहाँ पे गया, ठीक है। इस तरीके से गाइस इसको मैं यूज़ करता हूँ, और इसका जो कलर है वो टोटली आपके ऊपर है गाइस, जितना आई थिंक ये परफेक्ट है। इतना जाता हूँ एंड इतना चिपका देता हूँ इस पे, और बड़ा कर देता हूँ, नाउ इट लुक्स परफेक्ट। एक सेकेंड, यहाँ से कितना है ये, 370, और ये कितना जा रहा है, 200 320, हाँ चलेगा गाइस, इतना बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है, ऑल राइट। अरे यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है गाइस, ये आई थिंक उन्होंने ये यूज़ किया है। सो ऑल राइट, इसका भी कम कर देते हैं, इस तरीके से 18 किया। एंड गाइस ये बहुत चिपका हुआ है, दिख रहा है, ऑल राइट, इतना ठीक है गाइस। नाउ दिस लुक्स ऑसम, ठीक है, इसको बड़ा करके ऐसे कर देते हैं, ऑल राइट गाइस, ये बहुत सही दिख रहा है, इतना आई थिंक बहुत है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा क्योंकि जल्दी से इसको करना है, तो इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड एंड परफेक्ट। सो गाइस जैसे ये कंप्लीट होता है, ये डाउनलोड हो जाता है, कितना टाइम हो गया, 14 मिनट हो गए, ठीक है, कोई नहीं, अपना ट्राई कर रहे। सो इन फोल्डर इसको मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, और इमेजेस नहीं, इसके अंदर 20 मिनट इमेजेस, एंड इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं नाम क्या दूंगा, नाम दे देता हूँ गाइस बीजी, हाँ बीजी डॉट पीएनजी दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आया, इस जगह पे आता हूँ, परफेक्ट। और एक काम करता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे इस जगह पे गूगल फॉन्ट, हाँ गूगल फॉन्ट यूज़ करता हूँ, एक सिंपल सा फॉन्ट है जिसका नाम है जोसेफिन, पता नहीं मुझे बहुत पसंद आ गया, तो इसी को ही यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये हर जगह यही यूज़ हो, ठीक है। सो हर जगह यही यूज हो, तो आपको मालूम है कि हमेशा हैशटैग के अंदर देना चाहिए, और इसका जो ये फॉन्ट है, अगर ये हर जगह चाहिए तो डायरेक्ट आपका ये जो यूनिवर्सल ऑपरेटर है वहाँ पे पकड़ा दो, ऑल राइट परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करते, एक बार यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड परफेक्ट, नाउ इट लुक्स ऑसम। सो गाइस अब ये जो मेरा बैकग्राउंड इमेज था, जो नहीं था वो मैं बैकग्राउंड इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब देखो डॉट डॉट इस तरीके से मैं बाहर आया, इमेजेस के अंदर मैंने जस्ट क्या दिया था, बीजी डॉट पीएनजी, ठीक है, दिस इज इट, इतना सिंपल। और यहाँ पे जाता हूँ एंड परफेक्ट, इतना मस्त दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसका जो बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देता हूँ, एंड जो बैकग्राउंड का
साइज है उसको मैं कर देता हूँ 100% बाई 100%, ठीक है। नाउ इट लुक्स ऑसम, ठीक है, बहुत है, इतना भी बहुत है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ कि वो इमेजेस रख देता हूँ, तो देखिए उसके अंदर, ठीक है, हेडर के अंदर ही रहता हूँ। स्टॉप वॉच, आई डोंट थिंक गाइस अब 5 मिनट में कितना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। इसको अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन टैग ले लेता हूँ, ठीक है। मेन टैग जो है मेरा, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली दो सेक्शन है, एक सेक्शन हो गया ये, और एक और सेक्शन ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं गाइस नाम दे देता हूँ लेफ्ट सेक्शन करके, एंड देन इसको जो है गाइस मैं क्लास दे देता हूँ राइट सेक्शन करके, राइट सेक्शन, परफेक्ट। इसके अंदर गाइस मैं क्या करने वाला हूँ कि एक मैं लेता हूँ पैराग्राफ टैग, ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर यही मैं ले रहा हूँ सिंपल सा। इसको एक सेकेंड, इसको पैराग्राफ नहीं, इसको एच टू के अंदर रखता हूँ, बहुत सिंपल है ये, एच टू के अंदर। इस वाले को एच वन के अंदर पकड़ा देता हूँ, और इस ये कट कट जा भाई, वी आर दी डॉक्टर्स, वी आर दी बेस्ट डॉक्टर्स, नहीं हुआ। एक सेकेंड, ये नीचे वाला कॉपी क्यों हो रहा है, इस तरीके से रख दिया, ठीक है। इसके नीचे जो पैराग्राफ है उसके अंदर ये जो मैंने लिखा, वी आर हेयर टू हेल्प यू 24/7, हाँ परफेक्ट, ठीक। उसके अंदर भी एक बटन है, यहाँ पे क्या लिखा गाइस, इसका मैं एक सेकेंड, ये नहीं, इसको मुझे क्या चाहिए, स्पेक्ट, और ये जो जो भी लिखा है टेक्स्ट यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। दिस इज इट गाइस, इसका काम इतना ही था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फिगर टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं इमेज लेता हूँ, और ये जो इमेज है मेरा, आप गैस कर चुके हो कि इमेज कौन सा है मेरा। सो बेसिकली वो इमेज का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेन बीजी डॉट पी एन जी, ठीक है। सो मेन बेसिकली इमेजेस के अंदर मेन बीजी डॉट पी एन जी, इस तरीके से बनाया, कंट्रोल एस सेव, और गाइस ये मेरा एक्चुअल पेज है, एंड बूम गाइस इतना आ चुका है। ऑल राइट गाइस, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। तो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये मेन सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ। सो मेन के अंदर डिट्टो गाइस मुझे पता है क्या करना है, ये जो मैंने मेन हेडर को दिया था इसको मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे उन दोनों आइटम को साइड बाय साइड में दिखाना है, एंड मुझे ये हाइट नहीं चाहिए, बस इतना करना है, एंड परफेक्ट। नाउ इट लुक्स ऑसम, ठीक है, इतना मस्त दिखाई दे रहा है। अब इतना हो गया गाइस, आप मैं मेन के अंदर जाता हूँ, इसके अंदर ये जो मेरा लेफ्ट सेक्शन है गाइस उसको मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जो ये लेफ्ट सेक्शन है तो ऑब्वियसली क्लास है, तो इस तरीके से क्लास लेना पड़ेगा मुझे। एक काम करते गाइस, मेन को अभी लेफ्ट को रहने देते हैं, मेन के अंदर जाता हूँ, एंड देन राइट जो सेक्शन है इमेज उसको कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। एंड आई थिंक गाइस शायद अब ये नहीं हो पाएगा, 1 मिनट बाकी है, तो कोई नहीं, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स से कब तक होता है ये। सो गाइस राइट सेक्शन को मैं दे देता हूँ, मुझे खाली क्या चाहिए कि वो मेरे को पैडिंग नहीं, मार्जिन ले, पैडिंग राइट ले लेते हैं 50 पिक्सल का। तो गाइस इतना हो गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ऑल राइट, नाउ इट लुक्स ऑसम। अब यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, 70 कर देता हूँ, ठीक है, मेन से। ऑल राइट ना, अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है, बस मुझे करना है तो क्या, इसको एक्सेस करना है, ठीक है, इसको परफेक्टली यहाँ पे लेके आना है। सो गाइस ये जो मेरा लेफ्ट सेक्शन है इसको मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, लेट से कितना दो गाइस, इसको मैं पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 100 पिक्सल का पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव, एंड इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, परफेक्ट गाइस इतना हो चुका है। एंड स्टॉप वॉच देखो, और राइट गाइस सिर्फ 10 सेकेंड बाकी, अब शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई नहीं, इसको जितना जल्दी हो सके उतना मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सो अभी क्या करता हूँ कि ये जो मेरा लेफ्ट सेक्शन है, ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, इसके अंदर जो मेरा ये एच टू है, एच टू को स्टाइल दे देता हूँ, देखो। सो लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो एच टू है गाइस वो बहुत सिंपल, उसको जो मेरा फॉन्ट साइज है मैंने शायद 20 पिक्सल किया है, उसको 20 पिक्सल दे देता हूँ। टेक्स्ट जो उसका ट्रांसफॉर्म है कैपिटलाइज, मतलब सबका जो पहला लेटर होगा वो होगा आपका कैपिटल, एंड देन इसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट कर देता हूँ लाइटर पे कर देता हूँ। उसका कलर गाइस में इस 24 24 24 हल्का सा आप कह सकते हो कि ब्लैक से थोड़ा सा कम होता है। एंड देन गाइस जो मैं मार्जिन टॉप देने वाला, उसका रीजन क्योंकि वो अभी भी ऊपर है तो मुझे थोड़ा नीचे चाहिए, सो 150 पिक्सल का मार्जिन टॉप दे देता हूँ। सो अब देखो गाइस नीचे आ गया, ठीक है, अब ये ज्यादा नीचे लग रहा बट डोंट वरी। सो अभी लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो मेरा एच वन है, एक सेकेंड टाइम देख लेते,
ऑल राइट गाइस, 1:20 हो गया तो कोई नहीं, बट मैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करता हूँ। इसको गाइस मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 55 पिक्सल का, ठीक है, फॉन्ट साइज दे। इसका भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ गाइस कैपिटलाइज इसका भी, ठीक है। एंड देन इसका जो फॉन्ट का वेट होगा वो होगा 700 ओनली। एंड देन गाइस इसका लाइन हाइट कर देता हूँ, लाइन हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस हमें, लाइन हाइट की जरूरत नहीं है। और सिर्फ मार्जिन में दे रहा हूँ 12 पिक्सल, क्योंकि मुझे टॉप एंड बॉटम से चाहिए, आजू बाजू से कुछ नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जाता हूँ एंड इट लुक्स ऑसम, ठीक है। लेकिन आप देखो कि हमें मार्जिन मिला नहीं है, सिर्फ टॉप नहीं लिखना है, मार्जिन लिखना है एंड परफेक्ट, ठीक है। हमें इतना सा गैप मिल चुका है। अभी ये जो वी आर हेयर जो भी हमने लिखा ये पैराग्राफ, उसको भी मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर, इसको मैं खाली दे देता हूँ गाइस मार्जिन बॉटम, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं इसके साथ, तो 20 पिक्सल पकड़ा देता हूँ एंड परफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि गाइस आई थिंक ज़्यादा ही नीचे आ गया यार ये अपना जो H2 है 150 के बदले, इट विल बी बेटर अगर हम 100 ले ले। ऑल राइट, नाउ इट लुक्स बेटर। एंड ये जो मेरा मार्जिन है इसको गाइस मैं 15 कर देता हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है ये ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, इतना हुआ। अब ये जो मेक एन अपॉइंटमेंट लिखा है ना गाइस, ये देखो बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है मैंने ऊपर बटन दिया था, तो इसके अंदर जो बटन है गाइस इसको मैं ठीक यही बटन देने वाला हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ पे चिपका देता हूँ। बस मुझे ये चाहिए कि इसका जो पैडिंग है ऊपर और नीचे से वो गाइस उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके 15 कर देता हूँ, और बाकी ऑलमोस्ट सब सेम होगा। ऑल राइट गाइस, तो आप देखो गाइस, ऑल राइट 22 मिनट, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा है एंड वी हैव कम्प्लीटेड आवर टास्क एंड दिस इज इट गाइस। आपको कैसा लगा मुझे बताओ, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, एक्चुअली 22 समथिंग हो गया। लेकिन गाइस आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने आपको सिर्फ इस एक वीडियो में मैंने लोगो बना के दिखाया आपको, ये बैकग्राउंड पीछे के बना के दिखाए, ठीक है। एंड आई रियली होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आए इस वीडियो को देखने में, ठीक है गाइस। मैं आई थिंक एक चीज़ भूल गया था, वो ये कि कॉन्टैक्ट पे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना गाइस, उसके लिए बहुत सिंपल है। आपको मालूम है जो मैंने @ दे रखा है इसको आप हटा दो, ठीक है। बस करो इतना कि यहाँ पे ये जो मेरा वेबसाइट दिखाई दे रहा है, वेबसाइट थापर टेक्निकल, इसका लिंक को कॉपी करो यहाँ पे चिपका दो, इतना ही करना था। और आप चाहते हो कि अगर वो नेक्स्ट पेज पे आए सो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देना था, बस खत्म, इतना ही करना और कुछ नहीं। और ये कभी @ मत लिखो, इट विल बी बेटर कि अगर आप सिर्फ #, लिख दो, ठीक है। दिस इज इट गाइस, अगर इसको मैं आप रिफ्रेश कर देता हूँ तो परफेक्ट, एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट पे जा चुका है। तो सिर्फ वैसे ही जो मैंने कॉन्टैक्ट के साथ कि आप अबाउट सर्विसेज हो, हेल्पलाइन, मेक बटन के साथ कर सकते हो सिंपली। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप देख सकते हो मैंने इतने मतलब ज़्यादा मैंने कोशिश तो की थी कि मतलब 20 मिनट के अंदर करूँ, लेकिन गाइस लोगो एंड देन ये बैकग्राउंड बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको बहुत मजा आएगा। आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट HTML देखा, देन कंप्लीट CSS देखा एंड 20 मिनट में मैंने आपको एक वेबसाइट बना के भी दिखा। गाइस मैं ऐसे awesome वीडियोस बनाते रहता हूँ, और इससे पहले मैंने कंप्लीट HTML5 एंड CSS3 के ऊपर वीडियो बनाया है एंड मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स क्रिएट किया। अगर आप सर्च करोगे HTML CSS वेबसाइट इन हिंदी तो गाइस आपको थापा टेक्निकल वेबसाइट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं डेली ऐसे awesome वीडियोस बनाते रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। और राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।